ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या, टीडीएस। टीडीएस का चैप्टर देखो तीन पार्ट में अपने को पढ़ना है। पार्ट वन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उनमें एक कीवर्ड है उसके थ्रू मैं तुम लोग को सबका थ्रेशोल्ड लिमिट और परसेंटेज बताऊंगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब एक अमाउंट होती है कि एक अमाउंट तक टीडीएस नहीं कटता है और वो अमाउंट क्रॉस हुआ तो ही टीडीएस कटता है। ऐसे हर सेक्शन में कुछ ना कुछ लिमिट है ना, तो पहले अपने को लिमिट्स पे फोकस करना है कि कितना अमाउंट हुआ तो टीडीएस कटेगा एंड फिर उसका परसेंटेज। तो ये पूरे कीवर्ड के सफर में अपने को वही पढ़ना है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स एंड दी परसेंटेजेस। एंड फिर बाद में पेयर का कुछ थियरी है, रिसीवर का कुछ थियरी है, ये क्या है जब आएगा तब बताऊंगा। फिर इसके बाद सेक्शन वाइज नोट्स, फिर जनरल नोट्स, इस तरह से चैप्टर तीन पार्ट में चलेगा। ओके, तो ये पहले प्लान समझ गया। अब सुनो, ये चैप्टर में आगे बढ़ू उसके पहले बता देता हूँ, इन दिस चैप्टर यू शुड थिंक फ्रॉम पेयर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि टीडीएस में क्या होता है कि अगर मैं किसी को पेमेंट करता हूं तो पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटना है ना। और टीडीएस का सिस्टम गवर्नमेंट ने क्यों बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट को डर है कि कमाने वाले चोर है, इन लोग कमा के टैक्स नहीं भरेंगे। इसे जो कमाता है उसको कमाई देने वाला जो पेयर होता है ना, पेयर, उसके सिर पे ही डाल दिया है कि उसको तो पूरा पैसा ही मत दे, उसमें से कुछ अमाउंट कट करके गवर्नमेंट को दे दे। तो मतलब टीडीएस काटना पेयर का हेडेक है। और ये चैप्टर में जितने भी रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए ना, रिसीवर लोग के लिए नहीं, रिसीवर लोग पे तो गवर्नमेंट को ट्रस्ट ही नहीं है, वो लोग कमाते टैक्स नहीं भरते, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने पेयर पे डाला है। सो दैट्स व्हाई इन दिस चैप्टर यू शुड थिंक फ्रॉम पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इससे मैं कोई भी सेक्शन भी पढ़ाऊंगा ना, अपने आप को मैं पेयर बना के बताऊंगा। ओके, तो तुम लोग भी पेयर बन के सोचो। तो पहले तो ये माइंड में रखना, थिंक फ्रॉम पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब सुनो ये कीवर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते। लुक हियर, ये कीवर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताना पड़ेगा ना पहले। वेट, प्रोनाउंसिएशन का मतलब देखो क्या है। लुक, प्रोनाउंसिएशन बाद में है, पहले ये देखो, ये सी डी जो लिखा ना, SIDI, इसमें एस का मतलब होता है सैलरी का TDS, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डी फॉर डिविडेंड, वापस आई है ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, मतलब ये सब चीज़ों में टीडीएस काटना पड़ता है। डिटेल्स में बाद में देता हूँ, एक और ऊपर ऊपर से फुल फॉर्म सुन लो, सैलरी इंटरेस्ट डिविडेंड इंटरेस्ट, फिर बाद में W स्टैंड्स फॉर विनिंग्स, फिर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर कमीशन, रेंट, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, एंड फिर उसके बाद आता है कंपलसरी एक्विजिशन और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इन चीज़ों में टीडीएस काटना पड़ता है। सी, इसके अलावा भी और टीडीएस की आइटम्स है, लेकिन एक बार मैंने कीवर्ड में इतना चीज ही कवर किया है। और ये पता है कीवर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये देखो, इसको ऐसे प्रोनाउंस करने का, CD वक्रफ CP, और इसको याद ऐसे करो, तीन बार बोलने का, देखो, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP। ये शुरुआत में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन ऐसे मायने बिठा बिठा के करोगे ना, पूरा चैप्टर तुमको कंट्रोल में लगेगा। ओके, नो डाउट, CD वक्रफ CP में सारे TDS नहीं आए, कुछ कुछ TDS बचेंगे, लेकिन मेजर चैप्टर इसके अंदर ही कवर हो जाता है। ओके, तो इसको कैसे याद रखना चाहिए, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP। ओके, CD में S क्या था, सैलरी, सैलरी का, और हाँ सेक्शन भी देखो लाइन में सब, हाँ, 192, 193, 194, 194 तक आ गया ना, बाद में सब 194 है और सब लाइन से ABCD चालू हो जाएगा। पहले 194 ए, ए के बाद अगला अल्फाबेट बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी के बाद में ई नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ई का अलग टॉपिक है, नॉन रेसिडेंट, मतलब ई वाला सेक्शन नॉन रेसिडेंट लोग के लिए, वो सिलेबस में नहीं है। मतलब एक सेक्शन है 194 ई, वो तुम्हारे इंटर के सिलेबस में नहीं रखा है, तो है बट एक्चुअली ऐसा सेक्शन है बट सिलेबस में नहीं है। तो डी के बाद में ई नहीं है और एफ फालतू सेक्शन है। मैं बच्चों को ऐसे ही बोलता हूँ, एफ और फालतू, और फालतू चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ते, मतलब एफ नाम का सेक्शन है बिकॉज वो, बट वो फालतू है इसलिए हम लोग उसको पढ़ नहीं रहे। तो डी के बाद में ई सिलेबस में नहीं, एफ फालतू है, तो उसके बाद क्या गया, जी और एच, और इसको ऐसे याद हो, DGH कमीशन, DGH कमीशन, फिर आई जे, जे के बाद में के आता है लेकिन बाद में आएगा, बाद में जे के एल, एल आ गया, और ये आई तो क्या है, यहीं से बिछड़ा हुआ है, 194 आई के बाद में आई ए आता है ना, लेकिन मैंने इसको इसके साथ जोड़ी में क्यों रखा है वो तुमको पढ़ाऊंगा तब समझेगा।
ओके, इन शॉर्ट खाली अल्फाबेटिकल ऑर्डर फील कर लो, सब लाइन से अल्फाबेट है, खाली बीच में ई और एफ नहीं है, ई सिलेबस में नहीं है, एफ फालतू इसलिए नहीं पढ़ रहे, बाकी सब अल्फाबेट कवर हुए। हाँ, इधर तुम लोगों को के नहीं दिखेगा क्योंकि के मैंने बाद में लिया है और उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। ये देखो एच आई जे के एल, एल के बाद भी है एल एम एन ओ पी क्यू आर, एस तक है, लेकिन तुम लोग के सिलेबस में आर तक है 194 आर। जो भी ये सब बताऊंगा एक बार खाली ऐसा फील ले लो सेक्शन सब लाइन में। ओके, अब देखना सबका एक एक करके मुझे थ्रेशोल्ड लिमिट और परसेंटेज बताना पड़ेगा। ओके, सी सैलरी में टीडीएस कब कटता है तो सी उसकी लिमिट क्या है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन है, मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन मतलब स्लैब रेट में जिसपे 0% आता है ना वो, तो अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा सैलरी है तो ही टीडीएस काटना पड़ता है। और बेसिक एग्जेम्पशन अगर एम्प्लॉई 115 बीएससी वाला है तो 3 लाख, और अगर एम्प्लॉई ने बोला है 115 बीएससी मुझे नहीं चाहिए तो 2,50,000। और ये आजकल क्या एम्प्लॉई लोग को बताना पड़ता है एम्प्लॉयर को, क्योंकि सी अगर एम्प्लॉई कुछ नहीं बोलेगा ना तो व्हाट इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएससी, तो बॉस तो क्या 3 लाख के हिसाब से टीडीएस काटना चालू कर देगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने बोला नहीं मेरे को 115 बीएससी नहीं चाहिए तो 2,50,000 के स्लैब्स के हिसाब से टीडीएस कटेगा। और इधर स्लैब रेट से ही टीडीएस कटता है। ये देखो एक बार एम्प्लॉय का इनकम फ्रॉम सैलरी इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन तो टीडीएस विल बी डिडक्टेड एज पर दी स्लैब रेट्स। ओके, फिर अगला सेक्शन देखो आई, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। नाउ सिक्योरिटीज में अगर डिबेंचर्स है ना डिबेंचर्स, तो उसमें 5,000 तक टीडीएस नहीं कटता है, 5,000 से ज्यादा है तो ही कटेगा। दैट मीन्स अगर मैं कंपनी हूं और डिबेंचर होल्डर को 5,000 तक इंटरेस्ट दे रहा हूं तो नो टीडीएस, 5,000 के ऊपर है तो ही टीडीएस आएगा और इसमें 10% होता है। ओके, बट डिबेंचर्स में 5,000 है, और कोई सिक्योरिटी हुई ना डिबेंचर्स के अलावा लाइक बॉन्ड्स वगैरह तो उसमें 5,000 का थ्रेशोल्ड नहीं है, फिर उसमें तो 5,000 से कम हुआ तो भी टीडीएस कटेगा, 5,000 से ज्यादा हुआ तो भी टीडीएस कटेगा, लेकिन डिबेंचर्स में 5,000 की छूट है। सिर्फ 5,000 की छूट है मतलब पता है छुट्टी किसको मिली है, पेयर को, कमाने वाले के लिए छुट्टी नहीं है। कमाने वाले को तो 5,000 से कम मिला तो भी टैक्स भर, 5,000 से ज्यादा मिला तो भी टैक्स भर, लेकिन छुट्टी का मतलब क्या, अगर 5,000 तक है तो पेयर को टीडीएस का झमेला नहीं करना है। ये तो क्या है, अगर 5,000 तक टीडीएस काटना पड़ा तो पेयर का काम बढ़ जाता है ना। ओके, मैंने क्या बोला टीडीएस काटना है पेयर के लिए हेडेक है, तो पेयर को बोला चल 5,000 तक तू पे करेगा ना तेरे को टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, तेरे को छुट्टी दे दी। ओके, लेकिन जो रिसीवर है उसको तो क्या बोलना चाहिए, 5,000 से कम भी मिला ना तो भी तेरे को तो टैक्स भरना है, लेकिन तू खुद भर देना टीडीएस नहीं कटा है तो, और 5,000 के ऊपर है तो टीडीएस कट के ही मिल जाएगा उसको। ओके, एंड फिर परसेंटेज क्या था इधर 10%। सी आगे बढ़ू पहले उसके एक बात सुन लो ना, टीडीएस काटना मैं पेयर को हेडेक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सुनो पेयर लोग को टेंशन क्या मालूम है, पार्टी को 100 में से चलो 10% काट के देने में तकलीफ नहीं है, लेकिन वो कटे हुए टीडीएस को वक्त पे जमा करो, और अगर उसमें कभी देरी होगी तो इंटरेस्ट भरो, भूल भुला गए तो पेनल्टी, एक्सट्रीम केस में जेल, और साल में 4 बार टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। क्या होता है सब बताऊंगा ये, एंड फिर जिसका टीडीएस काटा उसका पैन नंबर लो, एंड फिर उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करो। मतलब इतना सारा काम गवर्नमेंट ने सौंप दिया है ना, इसलिए क्या बोलते हैं पेयर के लिए कंप्लायंस बर्डन है। कंप्लायंस मतलब लीगल फॉर्मेलिटी को फुलफिल करने का बर्डन है, और ये बर्डन किसके सिर पे, पेयर के लिए। इसलिए मैं कभी ऐसा बोलूँ ना चल 5,000 तक छुट्टी दे दी, छुट्टी किसको मिली, पेयर को, कि चलो टीडीएस काटने का झमेला नहीं है, लेकिन 5,000 के ऊपर है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। और किधर भी ऐसा मत समझना कि 5,000 तक इनकम टैक्स से माफ है। सी इस चैप्टर में टैक्सेबल इनकम का ही बात होता है, एग्जेम्प्ट इनकम होती है ना तो टीडीएस ही नहीं कटता है। ये चैप्टर में अगर बात हो रहा है ना तो सब टैक्सेबल इनकम का ही है। अगर मैं बोलूँ ना इतने तक टीडीएस नहीं कटेगा तो वो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जिसने कमाया उसको तो टैक्स भरना ही पड़ेगा ना। अगर कोई इनकम टैक्स से माफ होती है ना तो उसका इस चैप्टर में बात भी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखो डिविडेंड, डिविडेंड में भी 5,000 का थ्रेशोल्ड है कि 5,000 क्रॉस हुआ तो ही टीडीएस काटना है 10%। और सोचते हैं कैसे कंपनी बन के सोचो कि अगर मैं कंपनी हूँ शेयर होल्डर को 5,000 तक डिविडेंड दूँ तो टीडीएस नहीं काटना है, 5,000 के ऊपर है तो काटना है। फिर
इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के अलावा दूसरे इंटरेस्ट। तो पता है ऐसे याद रहो, सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज बेचेबल, कुछ ऐसी चीज जिसे हम बेच सकते हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह जिसको मार्केट में बेच सकते हैं वो सिक्योरिटी होता है। लेकिन जो चीज बेचेबल नहीं होती है, नॉन बेचेबल चीज, उसका इंटरेस्ट इधर आता है। जैसे बैंक में अकाउंट होता है, बैंक का अकाउंट थोड़ी बेच सकते हैं, लोन होता है, तो ये सब चीजों पे इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये सब चीजें कोई बेचते नहीं, कोई सी जो बेचने लायक चीज होती है ना, बेचने लायक, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट 193 में आता है, और 194A में सिक्योरिटीज के अलावा दूसरे इंटरेस्ट होते हैं। और इधर पता है रूल क्या है, अगर मैं बैंक हूँ या पोस्ट ऑफिस हूँ तो 40,000 तक TDS नहीं काटूंगा, और 40,000 के ऊपर है तो ही काटूंगा। मतलब बैंक वालों के लिए रूल है कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट दे रहे हो, सिर्फ बैंक जो इंटरेस्ट देती है वो सिक्योरिटी से क्या, अदर देन सिक्योरिटी, क्यों, बैंक तो कोई अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है ना, तो बैंक वालों का इंटरेस्ट देना इज नॉट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। लेकिन बैंक वालों को क्या बोला है कि अगर आप पब्लिक को 40,000 तक इंटरेस्ट दे रहे हो तो TDS मत काटो, और 40,000 के ऊपर है तो ही काटो, ओके। लेकिन बाकी सब लोग के लिए 5,000 का छूट है कि 5,000 तक नहीं काटना है, 5,000 के ऊपर है तो काटना है। ये तो वैसा है, बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के लिए 40,000 के ऊपर ही TDS काटना है। और पता है बैंक लोग के लिए बड़ा थ्रेशोल्ड क्यों रखा है, क्यों, बैंक में बहुत ज्यादा पब्लिक होती है, इतने हर एक का बैंक में अकाउंट होता है, और सोचो बैंक वालों को हर अकाउंट होल्डर का TDS काटना पड़ा तो बैंक का काम बढ़ जाएगा। मैंने बोला TDS काटना पेयर के लिए हेडेक है, और बैंक के पास तो इतने सारे कस्टमर है, सबका TDS काटेगी बैंक तो बैंक पागल हो जाएगी। इससे लॉ ने बैंक को तो बहुत बड़ी छुट्टी दी है कि चलो 40,000 तक जिसको भी इंटरेस्ट दिया TDS काटने का झमेला मत लो। तो सी 40,000 तक TDS नहीं काटना है तो बैंक को कितना रिलीफ मिलेगा, मतलब बैंक का सोच के लिए किया है, अकाउंट होल्डर के लिए नहीं। इस चैप्टर में गवर्नमेंट ने रिसीवर का कुछ सोचा नहीं है, ये चैप्टर पेयर लोग के लिए बना है। तो बैंक के लिए सोचा यार चल 40,000 तक तो TDS नहीं काटना पड़ेगा तो बैंक का काम थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं बैंक हूं ना तो मुझे खाली 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट कमाने वाले लोगों पे ही फोकस करना है, और ऐसे लोग थोड़े कम होंगे तो TDS का काम कम हो जाएगा। और ये खाली बैंक के लिए नहीं, पोस्ट ऑफिस के लिए भी है, कि पोस्ट ऑफिस में भी जितना बैंक में लोग अकाउंट खोलते हैं ना, वैसे पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स है, लोग बैंक में पैसा डालते हैं तो या पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, तो पोस्ट ऑफिस को भी इतनी छुट्टी दी है 40,000 तक की। लेकिन बाकी सब केस में क्या है, 5,000 तक है तो मत काटो, लेकिन 5,000 के ऊपर है तो काटना पड़ेगा, ओके। और परसेंटेज क्या है, 10%। तो ये CD हो गया, CD याद करते हो तो लो फटाफट। फिर वक्रफ में W, W स्टैंड फॉर विनिंग्स। विनिंग्स में देखो तीन विनिंग्स है, ओके। एक विनिंग है हॉर्स रेस विनिंग्स, ओके। उसका सेक्शन है BB, और B का मतलब अदर देन हॉर्स रेस, लॉटरी वॉटरी वो सब विनिंग्स होता है उसके लिए B। और एक ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग वाला जो विनिंग्स होता है ना उसका नया सेक्शन आया है। ये देखो ये लिखा हुआ है ना इधर, ये नया अमेंडमेंट है, ये सेक्शन ही इन लोग ने नया चालू किया है May 24 और November 24 के बच्चों के लिए, ओके। तो 194BA क्या मालूम है, ऑनलाइन गेम्स। आजकल मालूम है ऑनलाइन गेम्स का बहुत ज़्यादा हो गया है, और ऑनलाइन गेम्स में क्या होता है, किसी को अपना लैपटॉप वगैरह में को ऑनलाइन गेम का प्लेटफॉर्म होता है ना, उसमें अकाउंट खोलना पड़ता है एंड फिर उसमें गेम खेलो, और गेम खेल खेल के जीतो, ओके। और उसमें तो क्या छोटा, कभी 100 रुपया जीते, कभी 1,000 रुपया जीते, कभी 500 रुपया जीते, ऐसे गेमिंग का भी बहुत कल्चर हो गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग का विनिंग हुआ ना तो उसका भी TDS कटेगा, बट उसका सेक्शन 194BA है। लेकिन सुनो, हॉर्स रेस विनिंग्स, बाकी सब विनिंग में कैसे 10,000 तक TDS नहीं कटेगा, 10,000 के ऊपर है तो ही काटना है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग में ऐसा कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं है, ऑनलाइन गेम का विनिंग है ना तो उसमें तो TDS काटना ही है, क्योंकि सी ऑनलाइन गेमिंग में क्या पूरा ऑनलाइन काम हो रहा है ना, तो TDS काटने का थोड़ा काम भी इजी हो जाता है, क्योंकि पूरा ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड है। बाकी सी ऑनलाइन के अलावा जो फिजिकल विनिंग्स होती है ना, जैसे कोई घोड़े की रेस पे बैठ कर रहा है, कोई लॉटरी है, तो उसमें क्या है ऑनलाइन नहीं है ना, और फिजिकली काम होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे गवर्नमेंट ने बोला चलो फिजिकल विनिंग्स है तो 5,000 तक की छूट है आपको,
किसको छूट बोल मिली? पेयर को, पेयर बन के सोचने का। पेयर को बोला चल तू अगर 10 शेयर तक पे कर रहा है तो तेरे को टीडीएस काटने की छुट्टी है, लेकिन 10 शेयर के ऊपर है तो काटना पड़ेगा। लेकिन 10 शेयर की छूट अगर फिजिकली कोई विनिंग जीत रहा है तो। लेकिन ऑनलाइन में तो गवर्नमेंट बोलती है सब ऑटोमेटेड होता है ना यार, तो उसमें आपको क्यों छूट चाहिए? फिर तो अगर 10 शेयर से कम है तो भी काटो, 10 शेयर से ज़्यादा है तो भी काटो। और इधर कितना काटना पड़ता है ना, 30%। विनिंग्स पे तो खैर टैक्स भी 30% आता है और इसका टीडीएस भी 30% है। ये देखो इधर लिखा है, ऐसे 10 शेयर का थ्रेशोल्ड है, लेकिन ऑनलाइन गेम में एनी अमाउंट मतलब कितना भी अमाउंट हो टीडीएस कटेगा, क्योंकि उधर टीडीएस काटना इतना डिफिकल्ट नहीं होता ना, इसलिए काटो ना। फिर तो क्या सी गवर्नमेंट की इच्छा तो क्या है, हर अमाउंट पे टीडीएस काट के देने का। लेकिन क्या हर जगह थोड़ी थोड़ी लिमिट रख के छूट क्यों दिया मालूम है? वो गवर्नमेंट को पेयर पे दया आ रही है, क्यों? पेयर क्या बोलेगा यार, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, इनकम तो मेरी है भी नहीं, कमा रहा है सामने वाला, टैक्स वो नहीं भरता, वो लोग चोरी करते हैं, उसके लिए काम मैं करूँ, तो पेयर का तो काम फालतू में बढ़ रहा है ना। इससे गवर्नमेंट जहां भी थोड़ी बहुत छूट दे रही है पेयर पे दया खा के। ओके तो सी, और सी इसका सेक्शन पता कैसे याद रखने का, 194 डबल बी मतलब भागम भाग, ऐसे भागम भाग हॉर्स रेस होता है ना, हॉर्स रेस में घोड़े दौड़ते हैं, तो कैसे याद रहे, बी मतलब भागम भाग। ओके और सिंगल बी मतलब अदर देन हॉर्स रेस, और बी ए इज ऑनलाइन गेम। ओके फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, 194 सी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट उसका टीडीएस है। पता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये देखो, कभी भी कोई बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, इट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अरे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ही टीडीएस आता है 194 सी का। लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि समवन इज वर्किंग, वर्क मतलब कोई वर्क कर रहा है, लेकिन ही इज वर्किंग एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक नई कोचिंग क्लास तैयार करनी है, अब एक क्लासरूम बनाना मतलब उसमें कितनी बेंचेस चाहिए, कैसा स्टेज चाहिए, कैमरा कहाँ लगाना है, कितने एयर कंडीशन लगाने, कितने लाइट के पॉइंट्स है, तो एक क्लास बनाने का काम अगर मैं किसी को दूंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट से काम करेगा ना। ऐसा थोड़ी क्लास बनाने वाला अपने मन से कुछ भी कर देगा। अरे मेरी क्लासेस है, मुझे कितनी बेंचेस चाहिए, कैसा बोर्ड चाहिए, वो मेरी रिक्वायरमेंट से कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। कौन? क्लास बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन शॉर्ट ये तो खाली एग्जांपल था, जब कभी भी सामने वाला काम कर रहा है एज पर माय रिक्वायरमेंट तो इट बिकम्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे ही होता है, जैसे क्लासेस बनवाऊंगा तो मुझे दीवारों पे कौन से कलर का पेंट चाहिए वो मेरी स्पेसिफिकेशन है, और मुझे फॉल सीलिंग चाहिए कि नहीं चाहिए वो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो जब मेरी रिक्वायरमेंट से काम होता है तो उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। खैर ये तो क्लासेस बनाने का काम तो एग्जाम्पल, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। जैसे अपने यहाँ पे कोई लीकेज हो रहा है पानी का, तो हम लोग वाटर प्रूफिंग वालों को बुलाते हैं, वाटर प्रूफिंग वाले को बोलते हैं यार पानी का बहुत लीकेज हो रहा है, तो वो कस्टमाइज काम करेगा। ऐसा कोई हर जगह स्टैंडर्ड काम करके आता है। अब मेरे यहाँ पे अगर दीवार सीलिंग से लीकेज हो रहा है तो उधर करेगा, और अगर वॉल से कुछ सीपेज है तो उधर काम करेगा, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केटर करेगा ना मुझे। तो जब भी कोई सामने वाला मेरे लिए काम करता है एज पर माई रिक्वायरमेंट, मेरे लिए कस्टमाइज काम करता है, कस्टमाइज मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो अब उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैं तुमको थोड़ी देर के बाद देने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस आता है अंडर सेक्शन 194 सी। और इससे पता थ्रेशोल्ड कैसा है, लुक ये देखो ऐसा है, या तो सिंगल पेमेंट मोर देन 30,000 होना चाहिए, या फिर एग्रीगेट पेमेंट मोर देन 1,00,000। और सी ऐसा इसमें क्यों रखा है मालूम है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लोग को क्या है, हम लोग पूरा एक शॉट में पेमेंट नहीं करते, टुकड़े टुकड़े में करते। जैसे अगर मैं कोई अपनी नई क्लासरूम तैयार करवा रहा हूँ, तो क्लासरूम जब मैं तैयार कराऊंगा तो उसका मैं पेमेंट एक शॉट में थोड़ी करूंगा, टुकड़े टुकड़े में करूंगा। तो सी इसमें ऐसा होता है, ये देखो एग्जांपल देखो ना, मान लो मैंने अपने जैसे मैंने अपनी एक्चुअली मेरी बोरीली में क्लासरूम बनाई ना, वो दिलीप भाई के थ्रू बनाई थी, तो दिलीप भाई को मैं काम दूंगा तो उसको स्टार्टिंग में सब पैसा नहीं दूंगा, भले उससे मुझे 2-3 लाख का कोटेशन दिया होगा, लेकिन मैं तो धीरे धीरे पैसा करूँ दूंगा जैसे जैसे काम बढ़ेगा। तो सी
मान लो मैंने उसको स्टार्टिंग में 20,000 दिया, सॉरी 21,000, तो चेक करना चाहिए इज इट मोर देन 30, नो। फिर देखना चाहिए पूरे साल का टोटल करो, पूरे साल का 1,00,000 हुआ क्या, तो सी पूरे साल का टोटल करना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये तो पहला पेमेंट है। सी बात का तो बाद में मालूम पड़ेगा ना यार, अभी पहली पेमेंट के टाइम तो पहली पेमेंट का अमाउंट पता है और वो 30,000 से भी कम है और 1,00,000 से भी कम है, तो TDS काटने की आवश्यकता नहीं है, ओके। लेकिन नेक्स्ट पेमेंट करूंगा ना तब देखो 20,000 का पेमेंट किया है, लेकिन 20,000 सिंगल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा नहीं हुआ है। और एग्रीगेट करके देखोगे ना, एग्रीगेट मतलब पिछला और ये वाले को टोटल करो कितना आया, पहले 21 किया था, अभी 20 किया, टोटल 41 है, मतलब टोटल भी 1,00,000 क्रॉस नहीं हो रहा है। मतलब दो चीज़ चेक करने का, अगर वो अमाउंट ही 30,000 के ऊपर होगी ना सिंगल में तो TDS काटना ही है, और अगर सिंगल में अमाउंट छोटा है तो अपने को पूरे साल का टोटल मार के देखना चाहिए, अगर टोटल भी 1,00,000 के ऊपर हुआ तो TDS काटना है। अब देखो थर्ड पेमेंट देखना, मेरा थर्ड पेमेंट सिंगल पेमेंट तो 28,000 है, 30,000 क्रॉस नहीं हुआ है। अब एग्रीगेट करके भी चेक करो, एग्रीगेट में ये वाला भी लूंगा, ये वाला भी लूंगा, ये वाला भी, आगे का मत देखो, आगे का तो फ्यूचर में मालूम पड़ता है ना। तो सिर्फ पिछली पेमेंट्स को देखो क्या था, पहले 21 किया था, फिर 20 किया था, फिर 28, टोटल करके 69,000 आ रहा है, लेकिन अभी टोटल भी 1,00,000 क्रॉस नहीं हुआ है तो TDS नहीं आएगा। फिर अगली पेमेंट के टाइम देखो, अगली पेमेंट मैंने 26,000 किया है, तो मतलब सिंगल में 30,000 क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन एग्रीगेट करके देखो, एग्रीगेट में ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, सब पीछे का अमाउंट देखना है, आगे का सी मैंने एडवांस में लिख के रखा है, लेकिन रियल लाइफ में फ्यूचर का थोड़ी मालूम होता है। अपने को तो 26,000 पता है और उसके पहले क्या किया था, 21, 20, 28, तो टोटल मार के देखो तो टोटल अभी भी 1,00,000 क्रॉस नहीं हो रहा है तो TDS नहीं आएगा, ओके। फिर देखो, फिर अगला पेमेंट देखो मेरा कितना है, 10,000। अब ये 10,000 सिंगल में तो 30,000 नहीं है, लेकिन पिछले अमाउंट्स को टोटल करके देखूंगा ना कितना हो गया, देखो 21, 20, 28, 26 और 10, टोटल कितना हो गया, 1,05,000, मीन्स 1,00,000 से ज़्यादा हो गया ना। द मोमेंट मेरा टोटल 1,00,000 क्रॉस हुआ TDS काटना पड़ेगा, और अब काटूंगा ना तो पूरे 1,05,000 का। अभी तक सब अमाउंट बचे हुए थे ना TDS से, लेकिन अब जब कटेगा तो पूरा एक साथ सब पेमेंट का कटेगा। तो सी जब मैं 10,000 की पेमेंट करूंगा ना तो खाली 10,000 का ही TDS ही काटूंगा, पूरे साल का टोटल कितना हो गया 1,05,000, तो पूरे 1,05,000 का TDS काटूंगा। और इधर कितना परसेंट TDS काटना है वो बताऊंगा, परसेंटेज बताया नहीं है। फिर इसके बाद देखो मैंने एक और पेमेंट की, देखो ना 1,000 की। अब ये पेमेंट भले खाली 1,000 ही है, जो सिंगल पेमेंट तो 30,000 से ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन टोटल पूरे साल का 1,00,000 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अरे पिछली पेमेंट में 1,00,000 क्रॉस हो चुका है ना, तो अब ये तो 1,00,000 के ऊपर ही आया ना, तो इसका भी TDS काटना पड़ेगा। लेकिन अभी खाली 1,000 रुपये का ही TDS काटेगा, पिछली सब पेमेंट्स का TDS हमने काट लिया है, तो अभी सिर्फ 1,000 रुपीज़ का TDS काटेगा, ओके। मतलब इन शॉर्ट क्या करना चाहिए, पहले जो अमाउंट सिंगल अमाउंट पे करे वो देखो, अगर जो पेमेंट कर रहा वही 30 के ऊपर है तो काट ही दो, लेकिन अगर जो पेमेंट कर रहा वो छोटी है तो अपने को पूरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक का टोटल करना है। वो टोटल करते टाइम पिछले साल का मत लेना, 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, मतलब 1 अप्रैल से अभी तक मैंने कितना पे किया है, अगर एग्रीगेट करके 1,00,000 क्रॉस हो रहा है तो TDS काट दो, ओके। और पहले एक बार भी नहीं काटा तो अभी एक साथ इकट्ठा काट डालो, एंड फिर एक बार काट दिया तो अगली पेमेंट में खाली अगली पेमेंट का ही TDS काटना पड़ेगा, ओके। तो इधर दो क्राइटेरिया रखा है, सिंगल में 30 क्रॉस हुआ तो काटना ही है, और सिंगल 30,000 नहीं भी हुआ, टोटल 1,00,000 हो गया तो भी काटना पड़ेगा TDS। और इधर TDS कितना कटता, सुनो, अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल HUF है तो 1%, और इंडिविजुअल HUF नहीं है तो 2% TDS काटना पड़ेगा। ये देखो इंडिविजुअल HUF है तो 1%, कौन इंडिविजुअल पे करने वाला, नहीं सामने वाला रिसीवर जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ वो कोई इंडिविजुअल HUF है तो 1% काटो, और इंडिविजुअल HUF नहीं है तो 2% TDS कट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स लोग का था 194C। फिर लुक अगला पॉइंट देखो क्या है, 194DGH, ये तीनों सेक्शन कमीशन के लिए है, लेकिन फर्क क्या, देखो 194D इंश्योरेंस कमीशन का है,
194 जी लॉटरी कमीशन, 194 एच अदर कमीशन, तीन कमीशन है, इंश्योरेंस कमीशन, लॉटरी कमीशन, अदर कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन में कैसे विजुअलाइज करना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं और मैं अपने एजेंट को कमीशन दे रहा हूं। हमेशा अपने आप को पेयर की तरह विजुअलाइज करो कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं और मैंने अपने एजेंट को कमीशन दिया, तो उसका टीडीएस 194D है। फिर दूसरा क्या था, लॉटरी कमीशन। लॉटरी कमीशन क्या होता है ना, देखो लॉटरी का धंधा स्टेट गवर्नमेंट करती है। अपने इंडिया में जो लॉटरी का बिजनेस है ना, वो बिजनेस करने का राइट स्टेट गवर्नमेंट को है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, हर जगह लॉटरी का स्टॉल खोल के खुद नहीं बैठती है। स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी का धंधा करती है, लेकिन जो लॉटरी के ठेले पे बैठा होता है ना, वो कोई नॉर्मल एजेंट होता है। तो और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो लॉटरी का स्टॉल चलाता है उसको लॉटरी बेचने का कमीशन देती है। तो इधर कौन किसको कमीशन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी का जो स्टॉल चलाता है उसको कमीशन दे रही है, तो उसका टीडीएस 194G है। फिर एच में अदर कमीशन, अदर मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक क्लासरूम दिलवाने के लिए एक एजेंट था, एक ब्रोकर ने मुझे क्लासरूम दिलवाई, और अपने वो क्लासरूम दिलवाने वाला कोई एस्टेट एजेंट होता है तो उसको भी कमीशन देते हैं ना, तो ये सब अदर कमीशन हो गया। अदर कमीशन में तो कुछ भी आ सकता है, एक खाली एग्जाम्पल था कि एस्टेट एजेंट को ब्रोकरेज दिया हो। तो इस तरह से तीन कमीशन है, लेकिन सी घूम फिर के सब कमीशन ही है ना, तो सबका थ्रेशोल्ड सेम है। क्या मालूम है, 15,000 से ज़्यादा हुआ तो टीडीएस काटना है, और परसेंटेज इज 5%। ओके, सी आज की तारीख में क्या लगता है कि जब तीनों कमीशन के लिए रूल सेम है, 15,000, 5%, तो तीन अलग सेक्शन क्यों रखे, 194D, जी, एच। सी ये पुराने जमाने में क्या था, इंश्योरेंस कमीशन का रूल अलग था, लॉटरी कमीशन का रूल अलग था, अदर कमीशन का रूल अलग था, इससे तीन अलग सेक्शन बन गए। लेकिन आज की तारीख में तो तीनों तरह के कमीशन का रूल सेम है, चाहे इंश्योरेंस कमीशन हो, लॉटरी कमीशन के अदर कमीशन, 15,000 के ऊपर हुआ तो ही टीडीएस काटना है, और परसेंटेज 5। और थोड़ा इधर केयरफुल रहना, मेरा ऑब्जर्वेशन बताऊं पास्ट टीचिंग में, इसके टीडीएस के परसेंटेज में सबका सेले मिस्टेक होता है। कोई 10% बोलता है, कोई क्या करता है, ये याद से रखना 5%, क्योंकि सी ये सबको याद रहता है, कॉन्ट्रैक्टर का छोटा सा परसेंटेज है ना, विनिंग्स भी सबको याद रहता है, और इसके पहले तो सब 10-10 जैसा आया था, लेकिन अचानक कमीशन में ना 5% ने कितने लोग को स्ट्राइक नहीं होता। तो केयरफुली याद रखना, 5% टीडीएस काटना है। ओके, 15,000 के ऊपर हुआ तो। फिर 194I, 194I क्या, रेंट मीन्स अगर मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूं, देखो मैं अपने आप को पेयर बना के सिखाता हूं, तो अगर मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूं तो उसमें भी टीडीएस काटना पड़ता है, प्रोवाइडेड पूरे साल का रेंट 2,40,000 से ज्यादा है। पूरे साल का रेंट 2,40,000 से ज्यादा होना चाहिए तो ही टीडीएस काटूंगा। और कितना मालूम है, अगर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का भाड़ा पे कर रहा हूं तो 10%, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का भाड़ा पे कर रहा हूं तो 2%, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर 10%, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट 2%। तो देखो इधर क्या क्या याद रखना है, रेंट में 2,40,000 के ऊपर दिया तो ही रेंट काटना है, सॉरी टीडीएस काटना है, और 2,40,000 इज पर एनम, पर एनम। और परसेंटेज क्या था, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का रेंट है तो 10% टीडीएस काटो, और प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट है तो 2%। और उसी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के रेंट में ज्यादा कमाई नहीं होती ना, इससे गवर्नमेंट ने टीडीएस भी कम रखा है, लेकिन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर में लोग अच्छा खासा भाड़ा कमा लेते तो उसमें टीडीएस का रेट भी ज्यादा है 10%। और सी इधर क्या, ये पर एनम है ना, मतलब सी रेंट हम लोग देते महीने महीने, रेंट हम लोग देते महीने महीने, लेकिन महीने का रेंट नहीं देखना है, पूरे साल का देखना है। और पूरे साल का रेंट तो अपने को एडवांस में मालूम ही होता है ना, क्यों रेंट के तो पहले से एग्रीमेंट बन जाते हैं, और अपने को पता है कि पूरे साल का रेंट 2,40,000 के ऊपर है तो हर महीने जब रेंट देते हैं तो टीडीएस काट के दो। सी इधर एक कितने लोग को डाउट आता है, सर ये आपने पर एनम लिखा है तो बाकी अमाउंट कैसा है, जैसे कि ये है देखो ना, ये है, ये सब क्या है, पर एनम है कि पर ट्रांजेक्शन है, सब पर एनम है, जितने भी अमाउंट्स मैं तुमको बता रहा हूं ना सब पर एनम है, लेकिन कहीं पर बोलने में नहीं आया था, क्योंकि सी रेंट तो क्या है, देते महीने महीने, लेकिन टीडीएस काटने के लिए महीने का नहीं साल का देखना है ना, इससे लॉ ने पर एनम खास बताया है।
और बाकी सब में सी पर एनम लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, देखो इधर कहीं लिख रहा है, लेकिन सी मैंने नहीं लिखा है, लेकिन कानून में पता है क्या लिखा है, देखो, इफ द एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स सो एंड सो अमाउंट, अरे कानून की लैंग्वेज बता रहा, कैसे लिखा है, इफ द एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मतलब पूरे साल का देखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, समझाया तो बताओ, ये कमीशन का मैंने 15,000 बताया था, ये 15,000 पर ट्रांजेक्शन के पूरे साल का टोटल, पूरे साल का, तो पता है इसमें कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ और मैंने अपने एजेंट को है ना, LIC के एजेंट होते हैं ना, उसको मैंने 6,000 का कमीशन दिया था, तो स्टार्टिंग में जब 6,000 दिया था तो 6,000 पे तो TDS नहीं आएगा ना, क्योंकि 15,000 क्रॉस नहीं हुआ है, तो 6,000 पे TDS नहीं काटूंगा, लेकिन सेम ईयर में मैंने उसी एजेंट को वापस कमीशन दिया 10,000। अब ये 10,000 जब पे करूंगा ना, तो पिछली पेमेंट को भी ऐड करूंगा, पहले मैंने 6 दिया था, अभी 10 दिया, तो 6 प्लस 10 16, ऐसे एग्रीगेट करना पड़ता है, और 6 प्लस 10 16 हो गया, यानी कि 15,000 से ज्यादा, तो अब इंश्योरेंस कंपनी TDS काटेगी कितना, 5%, और काटेगी पूरे 16 पे, पहली बार 6,000 उसको ऐसे ही दे दिया, लेकिन अगली बार जब 10,000 मिलेगा ना, तो पूरा 10 नहीं मिलेगा, 10,000 में से 5% कटेगा, 10 का 5% के पूरे 16 का, पूरे 16 का, क्योंकि पहले नहीं काटा था ना उसका, तो सी। और अगर ऐसा हो तो सुनो, पहली बार LIC वालों ने कमीशन दिया 5,000 नो TDS, फिर वापस दिया 5,000 नो TDS, फिर वापस 5,000 दिया, अभी भी नो TDS, क्योंकि 5,5,5,15 हुआ है ना, फिर अगली बार उसको 2,000 दिया खाली, तो 5,5,5,15 हो गया, लेकिन अभी 2,000 देके 17,000 हो गया, तो अब TDS कटेगा 2,000 पे, लेकिन 2,000 पे नहीं, पूरे 17,000 का, मतलब 2,000 वाली पेमेंट पे कटेगा, लेकिन 2 का ही 5% के पूरे का, पूरे का। और सी विनिंग्स में भी ऐसा है, अरे विनिंग्स में भी ऐसा है, जैसे पहली बार किसी विनर को मुझे 6,000 देना पड़ा तो नहीं काटूंगा, दूसरी बार वापस उस विनर को 6,000 दिया, तो पहले का 6 अभी का 6 टोटल करके देखना पड़ता है, तो 6 प्लस 6 12, और अभी 10,000 से ज्यादा हो गया, अरे हर सेक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब में ऐसे एग्रीगेट करना होता है, लेकिन सुनो एक्सेप्शन सुनो, दो जगह ये देखो, लास्ट में दो सेक्शन आएंगे ना, इधर अपने को पर ट्रांजेक्शन देखना होता है, लास्ट के दो सेक्शन में 194LA और IA, बाकी जितने भी मैंने अमाउंट बताया वो सब कैसे, पर ट्रांजेक्शन के एग्रीगेट ऑफ द ईयर, एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे डिविडेंड का बताओ ना, एक बार मेरी तसल्ली के लिए, डिविडेंड 5,000 वाला रूल है, कैसे देखेंगे, पूरे साल का टोटल देखना है, जैसे पहली बार डिविडेंड दिया 3,000 नो TDS, दूसरे और वापस 3,000 दिया, तो अभी 3 और 3 6 हो गया ना, मतलब द मोमेंट अपना टोटल क्रॉस हो रहा है तो TDS काटो, और पहले नहीं काटा तो अभी एक साथ पूरे का काटो, अरे मतलब जैसा मैंने कॉन्ट्रैक्टर में कैसे सिखाया था तुमको, हम लोग टोटल करते आते और जिस वक्त टोटल क्रॉस हुआ TDS काटते हैं ना, तो हर जगह वैसा ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर में क्या है, खास क्यों बताना पड़ा, क्योंकि उधर दो क्राइटेरिया है ना, सिंगल अमाउंट भी देखते हैं और टोटल भी देखते हैं, कुछ भी हुआ चलेगा, लेकिन बाकी सब में सिंगल विंगल देखते ही नहीं है, पूरे साल का टोटल करके देखते हैं। हाँ रेंट का तो क्या है, अपने को स्टार्टिंग से मालूम पड़ता है, सी बाकी सब तो क्या है, पेमेंट करते जाओ टोटल करके देखो, और जिस वक्त टोटल क्रॉस हो गया तब काटो, लेकिन रेंट में तो अपने को टोटल करके राह देखने का जरूरत ही नहीं है, रेंट का तो अपने को एडवांस में पता है कि मैं कितना रेंट देने वाला हूँ, तो स्टार्टिंग से ही TDS काटना चालू कर दो, क्योंकि रेंट का तो अमाउंट इज नोन इन एडवांस। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, 194J, इसमें पता है 5 TDS है, एक सेक्शन है ना 5 के बराबर है, इसके अंदर 5 आइटम का TDS है, ये देखो लुक यार 194J को देखो, मैं थोड़ा तो जूम करके बता रहा हूं, ये देखना, ये देखो 5 चीज क्या है, एक एक करके देखना, ये देख रहा पी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज का TDS, एफ क्यू लिखा है, एफ मतलब फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, एफ मतलब फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, फिर टी फॉर
टेक्निकल सर्विस मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फिर एन का मतलब होता है नॉन कम्पीट फीस, देख रहे हैं एन नॉन कम्पीट फीस, आर का मतलब है रॉयल्टी, फिर डायरेक्टर्स फीस एंड रेमुनरेशन। तो मतलब पांच चीजों का टीडीएस एक ही सेक्शन में कटता है 194J। तो क्या क्या था? प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, नॉन कम्पीट फीस, रॉयल्टी और डायरेक्टर्स फीस एंड रेमुनरेशन, इन सब का टीडीएस सेक्शन 194J में। वो बोलते ना सबका मालिक एक, 194J। और इसको पता है याद कैसे करने का, ये देखो पार्टनर डायरेक्टर, पार्टनर डायरेक्टर, पार्टनर डायरेक्टर। अरे पार्टनर मतलब लिटरली पार्टनर नहीं है, इसको अगर तुम प्रोनाउंस करोगे तो कैसा साउंड आता, पॉट नर में पार्टनर का साउंड आता है ना, तो इसको याद ही ऐसे करो पार्टनर डायरेक्टर, पार्टनर डायरेक्टर। फिर पार्टनर का प मतलब प्रोफेशनल, ट मतलब टेक्निकल, न मतलब नॉन कम्पीट फीस, ओके। फिर आर मतलब रॉयल्टी। नॉन कम्पीट फीस मालूम है ना कि हम लोग किसी कॉम्पिटिटर को बोलते हैं तू मेरे एरिया में बिजनेस मत कर मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, वो नॉन कम्पीट फीस है। अब सुनो इन सब के लिए एक और चीज़ है, डायरेक्टर्स का जो है ना, डायरेक्टर लोग को अगर एक एम्प्लॉय होने के नाते सैलरी दिया है ना तो 192 में टीडीएस कटेगा। पता है सैलरी का तो अलग ही सेक्शन है 192, और डायरेक्टर लोग का क्या भरोसा नहीं होता है, कभी कभी कोई एम्प्लॉय होता है उसको डायरेक्टर का पदवी दे दिया तो वो तो खाली नाम का डायरेक्टर, एक्चुअली वो नौकर है वहां पर, एम्प्लॉई है, लेकिन उसका प्रमोशन करते करते कंपनी वालों ने उसको डायरेक्टर का डेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन है तो वह एम्प्लॉई ना। और अगर एक बार एम्प्लॉई होता है ना तो भले उसका डेजिग्नेशन डायरेक्टर का हो, एम्प्लॉई को दिया तो 192 में टीडीएस कटता है, सैलरी बन जाता है ना। तो अभी जो मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ वो कैसा है मालूम है, ये ऐसा डायरेक्टर जिसकी खुद की कंपनी है, वो वहाँ पे कंपनी में एम्प्लॉई नहीं है। मतलब ये डायरेक्टर कैसा है जो कंपनी को मैनेज करता है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है तो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का फीस मिलता है मालूम है इनको, तो वो नॉन एम्प्लॉई हैसियत वाला डायरेक्टर। क्या बोला? नॉन एम्प्लॉई हैसियत वाला। तो ऐसे डायरेक्टर को पैसा देते तो 194J में आता है, ओके। और नॉन एम्प्लॉई हैसियत मतलब क्या होता है, डायरेक्टर ने कंपनी को मैनेज किया तो मैनेज करने का फीस, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का फीस, उसका टीडीएस 194J में। और इधर पता है थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 30,000 तक तो टीडीएस नहीं कटेगा, 30,000 के ऊपर है तो ही कटेगा। 30,000 इज अ फिक्स्ड अमाउंट ना, 30,000 याद करना पड़ेगा। लेकिन सी इधर पता है 30,000 सबका अलग है, प्रोफेशनल सर्विस का 30,000 अलग से रखने का, टेक्निकल 30, इसका 30,000 अलग, नॉन कम्पीट का 30 अलग, रॉयल्टी का 30 अलग, मतलब ये कंबाइंड करके मत देखना। 30,000 प्रोफेशनल टेक्निकल नॉन कम्पीट रॉयल्टी का अलग है। तो सी इसका मतलब सुनो, एग्जांपल सुनो, मान लो एक बंदा है, एक बंदे को मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 25,000 दिया, रॉयल्टी का 25,000 दिया, बंदा सेम है। और नॉर्मली एक जन को देते हैं ना तो अपने को उसका सब कंबाइंड करके देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक ही जन को मैंने दो अलग वस्तु दी है, प्रोफेशनल का 25, रॉयल्टी का 25। तो ये देखो प्रोफेशनल अलग हो गया ना, रॉयल्टी अलग हो गया, तो दोनों का 25-25 कंबाइंड करूँगा तो मेरा डिसीजन रॉन्ग आ जाएगा, फिर तो मैं टीडीएस ही काट दूंगा। लेकिन कंबाइंड मत करो, प्रोफेशनल का 25 अलग रखो, रॉयल्टी का 25 अलग रखो, और दोनों अलग रखेंगे तो 25,000 तक तो इसमें टीडीएस कटता ही नहीं है ना। ये देखो इधर क्या लिखा है, 30,000 ईच, ईच मतलब प्रोफेशनल टेक्निकल नॉन कम्पीट रॉयल्टी, सबका 30,000 अलग है, ओके ओके। नाउ आंसर, अगर ऐसा हुआ तो एक बंदे को मैंने, एक बंदा चार्टेड अकाउंटेंट है, उसको मैंने ऑडिट करने के लिए 25,000 दिया और मेरा रिटर्न फाइल करने के लिए 25,000 दिया, अब उसको ऐड करेंगे, करेंगे ना, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट ने चाहे मेरा ऑडिट किया हो कि मेरा रिटर्न विटर्न फाइल किया हो, है तो सब प्रोफेशनल वर्क ना, तो प्रोफेशनल वर्क का तो कंबाइंड ही रखेंगे ना। सी पिछले एग्जांपल में तो एक प्रोफेशनल का था, एक रॉयल्टी का था, वो अलग है तो उसको अलग रखो। सी अलग किसका रखना, प्रोफेशनल का अलग, टेक्निकल का अलग, नॉन कम्पीट अलग, रॉयल्टी अलग। और ये गवर्नमेंट क्लेरिफाई क्यों कर रही, गवर्नमेंट बोलती देखो भाई हमने सब एक ही सेक्शन में धकेल दिया है, लेकिन भूलो मत प्रोफेशनल सर्विस अलग है, टेक्निकल सर्विस अलग है, नॉन कम्पीट फीस अलग है, रॉयल्टी अलग है, तो सबका अमाउंट अलग रखने का।
हाँ प्रोफेशनल के अंदर ही मल्टीपल पेमेंट हुआ है ना, जैसे बता ना, एक चार्टेड अकाउंटेंट को अकाउंटिंग वर्क का भी दिया, रिटर्न फाइलिंग का भी दिया, ऑडिटिंग का भी दिया, सब चार्टेड अकाउंटेंट को अपने सीएगिरी का ही काम दिया ना पैसा। तो कंबाइंड करके देखना चाहिए 30,000 क्रॉस हुआ टीडीएस काटेंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल है टेक्निकल है तो अलग रखना पड़ता है। और डायरेक्टर लोग को तो कितना भी दिया टीडीएस काटना, उसमें तो थ्रेशोल्ड भी नहीं है। अरे डायरेक्टर कंपनी के होते हैं ना, ये देखो उसके लिए क्या लिखा है, एनी अमाउंट, जैसे डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का पैसा दे दिया, भले 1,000 रुपया भी दिया है, उनका तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि सी ये प्रोफेशनल ऑफिशियल लोग का तो क्या है, इतनी बड़ी ऑफिस खोल के बैठते हैं, उसके कितने खर्चे होते हैं, तो अगर क्लाइंट उसको 30,000 तक देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्लाइंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को 30,000 दिया तो उसमें सीए की कुछ खास कमाई नहीं हुई है, बेचारा सीए इतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठा है, इतने ओवरहेड्स होते हैं, इतने खर्चे होते हैं, तो क्लाइंट से 30,000 मिला मतलब बहुत मामूली अमाउंट है। इससे गवर्नमेंट ने 30,000 टीडीएस से बाहर ही रखा है, लेकिन डायरेक्टर लोग का क्या खर्चा होता है, डायरेक्टर को तो जो पैसा मिला सीधा जेब में गया, तो उसको तो 1,000 रुपया दिया तो भी टीडीएस काटने का। ओके, और सुनो इधर परसेंटेज क्या है, 10%, कितना टीडीएस काटना है 10%, लेकिन टेक्निकल सर्विस में 2% है, और रॉयल्टी फॉर फिल्म हुआ ना फिल्म, उसमें भी 2% है। टेक्निकल सर्विस और फिल्म की रॉयल्टी, हर रॉयल्टी का नहीं बोल रहा, फिल्म्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने फिल्म बनाई है और उसकी फिल्म रिलीज करने का राइट्स मिला है मेरे को, अरे मैं थिएटर वाला हूँ, पीवीआर आईनॉक्स वाला हूँ, तो मैं मूवी रिलीज कर रहा हूँ और जिसकी मूवी है उसको मैं रॉयल्टी दे रहा हूँ, तो फिल्म की रॉयल्टी में 2% टीडीएस काटना है, क्योंकि सी फिल्म की रॉयल्टी में क्या ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। सी किसी ने कोई जोरदार चीज़ इन्वेंट की है ना तो अनाप शनाप रॉयल्टी छापता है वो, लेकिन मूवी वूवी तो आजकल हर कोई बनाते हैं, तो मूवीज की रॉयल्टी पे इतना ज्यादा इनकम नहीं मिलता है फिल्म बनाने वालों को, इसलिए उस पर टीडीएस 2% ही रखा है। लेकिन अगर मूवीज के अलावा तूने कोई जोरदार इन्वेंशन किया होगा ना, तो उसमें तो तू ह्यूज रॉयल्टी कमा सकता है, एंड उसमें कमाई भी जोरदार है तो टीडीएस भी पूरा 10% कटेगा, लेकिन फिल्म की रॉयल्टी 2%। और एक चीज, टेक्निकल सर्विस में भी 2% है, ये देखो इधर 2% है, 10 और 2, 2% किसके लिए, फिल्म की रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विस भी। सी टेक्निकल सर्विस में क्या है, उन लोग का थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तो टेक्निकल सर्विस में क्या, बुद्धि के साथ उसको टेक्नोलॉजी के खर्चे भी करने पड़ते हैं, पूरा टेक्नोलॉजिकल सेटअप वगैरह होता है ना। सी प्रोफेशनल लोग का तो क्या है, दिमाग से नॉलेज अपना दिया उसका फीस मिल जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर को तो क्या है, अपना नॉलेज यूज करके कमाना है, उनकी मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन टेक्निकल सर्विस वालों को दिमाग भी दिखाना है और उसको टेक्नोलॉजी के कुछ ओवरहेड्स के खर्चे भी होते हैं। इससे टेक्निकल सर्विस वालों का गवर्नमेंट को क्या लगता है कि उनके खर्चे वर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अ प्रोफेशनल। दोनों को बुद्धि का काम करना है, लेकिन प्रोफेशनल लोग के मुकाबले टेक्निकल सर्विस वाले होते हैं ना, जैसे कोई मेरे को ऐप बना के दे रहा है, अरे मोबाइल का ऐप बना के दिया किसी ने, कुछ को सॉफ्टवेयर का कंसल्टेंसी दे दिया, तो उनके क्या खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो कंसिडर करके 2% रखा है, लेकिन प्रोफेशनल का 2%, सॉरी 10%। इन शॉर्ट सब में 10 है, खाली 2 के लिए दो चीज याद रखना, टेक्निकल और फिल्म की रॉयल्टी, और थ्रेशोल्ड क्या था, 30,000 ईच, प ट न र सबका 30,000, और डायरेक्टर में तो कितना भी अमाउंट हुआ टीडीएस काटना है। तो ये देखो क्या हो गया, सीडी के बाद वक्रफ हो गया, कैसा था उन्हें, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, और वक्रफ के बाद में सीपी, सीपी में देखो सी फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सी गवर्नमेंट किसी का प्रॉपर्टी का छीना जब्ती करती है, तो जिसके साथ छीना जब्ती हुआ है उसको कैपिटल गेन आता है ना, कैपिटल गेन में पढ़ाया था, तो भले तेरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने जबरदस्ती छीनी है लेकिन तुझे कॉम्पेंसेशन मिला, तो टैक्स तो भरना पड़ेगा। लेकिन पता है कितने लोग गुस्से में टैक्स नहीं भरते, उनको गुस्सा आता है कि मेरी प्रॉपर्टी जबरदस्ती छीन ली और उसमें मेरे को कॉम्पेंसेशन मिला, उसका टैक्स भी भरूं, मैं नहीं भरूंगा, तो कितने लोग क्या गुस्से में शायद टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये सोच के गवर्नमेंट ने बोला भाई रिस्क लेने का नहीं, जिसका भी प्रॉपर्टी का छीना जब्ती होगा ना तो उसको कॉम्पेंसेशन देते रहे, टीडीएस ही काट डालो। और यूजुअली छीना जब्ती कौन करती, स्टेट गवर्नमेंट, और इनकम टैक्स किसका मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब स्टेट गवर्नमेंट लोग को बोला है कि आप प्रॉपर्टी का छीना जब्ती करते हो ना, तो सामने वाले को कॉम्पेंसेशन पूरा दो ही मत, क्योंकि शायद वो गुस्से में टैक्स ही नहीं भरेगा,
तो कॉम्पेंसेशन में 10% कट करके दे दो, और 10% काट के सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स उधर जमा कर देगा, ओके। और इधर पता है थ्रेशोल्ड है, 2,50,000 के ऊपर हो तो ही काटना है, 2,50,000। और वैसे भी सी कंपल्सरी एक्विजिशन किसका होता है, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, क्योंकि सी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर मेरे को मेरी गवर्नमेंट को तकलीफ दे रही है तो मैं मूव कर सकता हूँ ना। सी कंपल्सरी एक्विजिशन गवर्नमेंट क्यों करती है, क्यों गवर्नमेंट को कहीं पर फ्लाईओवर बनाना है, हाईवे बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, और मेरी प्रॉपर्टी उनको तकलीफ दे रही है। और अगर तकलीफ देने वाली प्रॉपर्टी मूवेबल है तो उसको तो मैं मूव कर सकता हूँ। इससे मूवेबल प्रॉपर्टी का कभी भी कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं होता, इमूवेबल का होता है, और उसमें तो कॉम्पेंसेशन अच्छा खासा मिलेगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 2,50,000 के ऊपर होगा ही, बट फिर भी भरोसा नहीं, कोई छोटे मोटे गांव में किसी की ज़मीन कंपल्सरीली अक्वायर की है तो शायद 1-2 लाख का ही कॉम्पेंसेशन हो गया तो TDS नहीं आएगा, लेकिन 2,50,000 के ऊपर है तो 10% TDS काटना पड़ेगा। सी 10% को एक्चुअल टैक्स रेट नहीं है, एक्चुअल टैक्स रेट तो कैसे आता है, इंडिविजुअल HUF लोग को स्लैब रेट से आता है ना, उस पर भी लॉन्ग टर्म गेन का 20% होता है। सी एक्चुअल टैक्स रेट अलग होता है, लेकिन एक्चुअल टैक्स रेट की जानकारी रिसीवर को रखनी है, जिसको इनकम मिल रही है उसको देखना है कि वो एक्चुअली टैक्स कैसे भरेगा। पेयर लोग बोलते हैं हम लोग का लुकआउट नहीं है, हम लोग तो 10%, 5%, 2% जो गवर्नमेंट बोले उतना काट देंगे, लेकिन ये जो TDS के नाम पे 10% वगैरह कटता है, दिस इज नॉट द एक्चुअल टैक्स रेट, इसको बोलते हैं एडहॉक परसेंटेज। एडहॉक मतलब ऐसे ही कुछ भी परसेंटेज कट कर दिया है, बाकी जिसने इनकम कमाई है वो तो नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स भरेगा ना। जैसे कंपल्सरी एक्विजिशन में तो लॉन्ग टर्म गेन आ गया तो लॉन्ग टर्म पे तो 20% टैक्स है, लेकिन TDS के टाइम ऐसे ही 10% काट देते हैं। ओके, फिर एक और चीज 194 आई है, इधर इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने परचेस किया है। सी इधर छीना झपटी हुई नहीं है, छीना झपटी नहीं हुई है, ऐसे ही मैंने किसी का प्रॉपर्टी खुशी खुशी परचेस किया है। और अगर हम किसी का घर परचेस करते, किसी ज़मीन खरीदते, चाहे तुमने किसी नॉर्मल आदमी से लिया हो कि बिल्डर से लिया हो, अरे बिल्डर से भी तो हम लोग घर लेते हैं ना, और किसी लेमैन से भी लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा ना तो खरीदने वाले को TDS काटना है। TDS कौन काटता है, हमेशा पेयर। और प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में जो बायर होता है ना, बायर, बाय करने वाले को पेमेंट करना है तो बायर TDS काटेगा, प्रोवाइडेड 50 लाख और मोर का प्रॉपर्टी हुआ तो। ये देखो 50 लाख और मोर का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और TDS का परसेंटेज क्या है, 1% TDS काटना है, 1% खाली। ओके, सी ये दोनों सेक्शन को पता है कैसे याद रखते हैं, एक चीज नोटिस करना, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बाकी सब में ग्रेटर देन ही था। ये देखो इसको कैसे याद रखते हैं, ये दोनों में कॉमन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये देखो ऐसे याद रखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इधर लूट के अक्वायर किया, इधर इज्जत से अक्वायर किया। लूट के अक्वायर किया मतलब छीना झपटी था ना, और इधर IA का मतलब इज्जत से अक्वायर किया। अरे मतलब इसे याद करने का तरीका बता रहा हूं, LA का मतलब लूट के अक्वायर किया, छीना झपटी हुई थी है ना, गवर्नमेंट बोलते ला तेरी प्रॉपर्टी, ला ला मतलब LA, और इधर IA का मतलब लूट के अक्वायर किया कि इज्जत से अक्वायर किया, इज्जत से मतलब मैंने खुशी खुशी किसी की प्रॉपर्टी खरीदी है, सामने वाला भी खुशी खुशी बेचा है, और सी सामने वाला खुशी खुशी प्रॉपर्टी बेचता है ना तो शायद टैक्स भर भी देगा। ये देखो इधर गवर्नमेंट को सेफ लग रहा है, तभी तो 50 लाख तक TDS का झमेला ही नहीं रखा है, और 50 लाख से ऊपर हुआ तो भी 1% रखा है। लेकिन इधर गवर्नमेंट को रिस्की क्यों लग रहा है, कि इधर तो छीना झपटी हुई किसी के साथ तो गुस्से में टैक्स ही नहीं भरेगा, बहुत रिस्की लग रहा है। इससे गवर्नमेंट ने बोला भाई इधर तो 2,50,000 होते ही काट डालो, पूरा 10% काटो, सामने वाला गुस्से में टैक्स भरेगा ही नहीं। लेकिन इधर परचेस करते हम लोग किसी से तो सामने वाला अगर खुशी खुशी बेच रहा है तो टैक्स भरेगा ना, लेकिन फिर भी बाई चांस नहीं भरा तो सेफ्टी के लिए हम लोग 1% TDS काट देते, वो भी 50 लाख और मोर का ट्रांजेक्शन हुआ तो। ओके, तो ये था LA और IA। लेकिन सी इसमें कुछ एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में मालूम है एग्रीकल्चर लैंड भी आ जाता है, एग्रीकल्चर लैंड। तो टेल मी, अगर किसी ने एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर किया होगा, एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांजेक्शन हुआ होगा, तो पता है कैपिटल गेन्स में था रूरल एग्रीकल्चर लैंड, उसमें कैपिटल गेन ही नहीं आता था ना, बेसिस जीएस में रैली था रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया,
तो सी, अगर किसी ने रूरल एग्रीकल्चर लैंड मुझे बेचा है, चाहे उसने खुशी खुशी बेचा कि गवर्नमेंट ने छीन लिया होगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल गेन से बाहर है। तो इधर भी है ना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड हुआ ना दोनों में, तो TDS नहीं आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि उस पर कैपिटल गेन ही नहीं आता। अरे जो चीज पे इनकम टैक्स लगता ही नहीं है तो TDS कहाँ से आएगा? और रूरल एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांजेक्शन होता है ना, उसमें कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है तो TDS ही नहीं आता। फिर एक और बात सुनो, लुक, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होता है ना, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, उसको बेचने पे कैपिटल गेन आता है, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कभी छीना झपटी होता है ना, वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1037। एक सेक्शन है, मैंने तुमको पहले नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं। क्या बोला बताओ? अर्बन खेत, खेत की बात कर रहा हूं, अर्बन एरिया में किसी का खेत है और उसकी छीना झपटी होती है, तो पता है गवर्नमेंट को बहुत दया आती है। खेत मतलब किसान है बेचारा यार, और किसान का खेत छीन लिया, तो चाहे वो अर्बन एरिया में भी हो, किसानों का खेत छीनना बहुत ज्यादा हार्श होता है। इससे गवर्नमेंट ने अर्बन खेत का छीना झपटी होता है ना, सी अर्बन क्यों बोल रहा, क्यों रूरल पे तो कैपिटल गेन ही नहीं आता, और अर्बन भी अगर छीना झपटी की है ना तो भी एग्जेम्प्ट होता है अंडर 1037। तो ये देखो, अर्बन खेत इधर भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सी कंपल्सरी एक्वेशन में तो चाहे अर्बन खेत हो के रूरल खेत हो, TDS ही नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि रूरल तो कैपिटल गेन के बाहर है, और अर्बन, अभी अभी मैंने बोला कि अर्बन खेत की छीना झपटी पे टैक्स नहीं आता है, और टैक्स नहीं आता तो TDS क्यों आएगा? सेक्शन क्या बोला था? 1037। लेकिन सी, ये छीना झपटी है क्या? ये तो वॉलेंट्री सेल हुआ है ना, तो इसमें तो अगर रूरल हुआ तो ही कैपिटल गेन नहीं आता है, अर्बन हुआ तो कैपिटल गेन आएगा, तो TDS भी आएगा ना। तो सी, बेस्ट याद करने का तरीका ऐसा होना, स्टूडेंट को ऐसे याद करने का, पहले रूरल दोनों में हटा देता हूं, क्योंकि हमको सर ने बताया था कैपिटल गेन में कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन नहीं है। तो ये देखो, दोनों में रूरल को कट कर दिया, मतलब रूरल का TDS नहीं आएगा, ये एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में क्या सुनना चाहिए? हाँ, एक और पॉइंट भी तो, कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का छीना झपटी होता है तो 1037 में एग्जेम्प्ट है, बट वो छीना झपटी तो कंपल्सरी एक्वेशन है ना। इधर देखो, इधर अर्बन का छीना झपटी एग्जेम्प्ट है तो वो भी TDS से इधर ही बाहर हो गया। मतलब इन शॉर्ट, कंपल्सरी में क्या क्या बाहर हो गया? अर्बन रूरल दोनों, और ये वाले में खाली रूरल को बाहर किया है। बाहर किया मतलब उस पर TDS नहीं आएगा, TDS नहीं आएगा। ओके, तो ये CD वक्रव CP हो गया। लुक, अब इसके बाद है ना, इधर हमने सब थ्रेशोल्ड लिमिट्स पढ़ लिए, परसेंटेज पढ़ लिए ना। अब इसके बाद देखो, अभी कुछ पेयर का थियरी है और रिसीवर का थियरी है। अब इस ये थियरी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा। लुक, इधर देखो, मैंने एक चार्ट बनाया है, ये देखो, सुनो ध्यान से मेरा एक एक सेंटेंस ध्यान से सुनना। लुक, TDS काटना है कि नहीं, ये डिसीजन तीन चीज पे निर्भर करता है। सी बेसिकली, चैप्टर बच्चों को क्यों रखा है सिलेबस वाले में, एज अ स्टूडेंट तेरे को डिसीजन लेने आना चाहिए कि इसमें TDS आएगा कि नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी वैसा ही आता है, इन लोग सिचुएशन बना के देंगे और पूछेंगे, चल बच्चे बता इसमें TDS आएगा कि नहीं आएगा। तो तुमको यही एबिलिटी डेवलप करनी है डिसीजन मेकिंग, कि TDS आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं डिसाइड करने आना चाहिए। तो उसके लिए पता है तीन चीज चेक करना होता है, कभी भी डिसीजन लेना है कि TDS आएगा कि नहीं, तीन चीज चेक करते हैं। कैन यू सी, मैंने तीन लिखा है, 1 2 3, तीन चीज मालूम है क्या? सबसे पहले तो देखो नेचर एंड साइज ऑफ पेमेंट। देखो मैं किसको हाईलाइट कर रहा हूं, मतलब सबसे पहले देखो कि CD वक्रव CP वाला पेमेंट है कि कुछ और है, और CD वक्रव CP है तो उसमें वो लिमिट से कम है कि ज्यादा है, तो वो तो मैंने चेक करना सिखा ही दिया। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर एंड साइज, दो वर्ड्स नेचर एंड साइज। नेचर मतलब इज इट CD वक्रव CP कि कुछ और, जो कुछ और है तो TDS नहीं आता है, CD वगैरह CP है तो आता है। फिर नेचर एंड साइज, साइज मतलब वो अमाउंट, जैसे कमीशन था 15,000 तक है तो नहीं आएगा, 15,000 के ऊपर है तो आएगा। तो ये तो एक चीज होती है ना, लेकिन अपने को एक चीज देख के डिसाइड नहीं करना है, तीन चीज चेक करना पड़ता है।
दूसरा चीज है पेयर को भी देखो, पे करने वाला कौन है, उससे भी अपना डिसीजन अफेक्ट होता है टीडीएस काटना है कि नहीं। और रिसीवर को भी देखो, मतलब देखना क्या बताऊंगा, लेकिन तीन चीज चेक करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि हाँ टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा। तो एक चीज मैंने तुमको सिखा दी कि नेचर और साइज में क्या है, नेचर सीडी वगैरह सीपी होना चाहिए और साइज मतलब अमाउंट कितना होना चाहिए वो मैंने बता दिया। दूसरा देखो क्या है, पेयर भी देखो। और पेयर मालूम है, पेयर मतलब वो इंडिविजुअल आदमी है, HUF है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, वो पेयर का स्टेटस देखना पड़ता है। और खास करके ये देखो, इधर एक चार्ट है देखो ना, 194 रांचीज, ये सेक्शन से देखो कौन से सेक्शन दिख रहे इधर, 194 आर ए सी एच आई जे, कितने सेक्शन हो गए, 6। इन 6 सेक्शन में कुछ स्पेशल रूल है। एक सेक्शन पहले 6 सेक्शन में तुमको 194 आर दिख रहे, आर आर के बारे में अभी कुछ मत सोचो क्योंकि ये सेक्शन मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। अरे 194 आर पढ़ाने में आया नहीं है, तो आर के ऊपर ज्यादा सोच विचार मत करना। उसके बाद देखो 194 ए था, सी था, एच था, आई था, जे था, ये तो अपने सीडी वगैरह सीपी के सफर में आ चुके हैं ना यार। तो सी एक बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर तुमको लॉजिक बताऊंगा कि अगर 194 रांचीज वाला सेक्शन है उसमें अगर पेयर इंडिविजुअल HUF है और वो भी स्मॉल इंडिविजुअल HUF है तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। क्यों बताऊंगा, लेकिन क्या बोला मैंने, 194 रांचीज में अगर पे करने वाला कोई इंडिविजुअल HUF, मतलब कंपनीज पार्टनरशिप फर्म नहीं, इंडिविजुअल HUF है, और वो भी कैसा इंडिविजुअल, कैसा HUF, स्मॉल, तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। रीजन बताता हूं, लेकिन पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल। स्मॉल इंडिविजुअल HUF का मतलब क्या हूं मैं, ऐसा इंडिविजुअल HUF जिसका बिजनेस नहीं है, और अगर बिजनेस है तो छोटा बिजनेस है। छोटा बिजनेस मतलब उसका गए साल का टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है, और अगर वो प्रोफेशनल है तो उसका गए साल का ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ है। छोटे का मतलब क्या होता है बताओ, या तो उसका बिजनेस ही नहीं है, सैलरीड पर्सन है, तो स्मॉल इंडिविजुअल HUF हो गया, और अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस छोटा होना चाहिए। छोटा बिजनेस मतलब गए साल का, ये साल का मत देखो, गए साल का अपने लिए, गया साल कौन सा, अपनी एग्जाम में 23-24 है ना, तो गया साल मतलब 22-23, तो गए साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ या कम है तो बोलेंगे स्मॉल है, और अगर प्रोफेशनल हुआ तो उसकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा है तो बोलेंगे ये तो बच्चा है, स्मॉल इंडिविजुअल HUF है, तो TDS काटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 194 रांचीज में, खाली रांचीज, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, नाचीज नहीं, रांचीज, अरे ऐसे मैंने प्रोनाउंसिएशन बना दिया, आर ए सी एच आई जे, एक्चुअली ये सेक्शन नंबर है हा? लेकिन इसको रीड करेंगे तो अच्छा साउंड बनता है, रांचीज। ओके, तो देखो क्या था, रांचीज वाले सेक्शन में पेयर इंडिविजुअल HUF हुआ, वो भी स्मॉल इंडिविजुअल HUF है तो TDS काटने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो बिग इंडिविजुअल HUF हुआ ना, बिग मतलब उसका गए साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, प्रोफेशनल है तो ग्रॉसरी 50 लाख से ज्यादा है, तो TDS काटना पड़ेगा। लेकिन ये भी इंडिविजुअल HUF हुआ तो, ये देख क्या लिखा है, पेयर अगर अदर्स हुआ तो, अदर्स मतलब अदर देन इंडिविजुअल कौन होता है, इंडिविजुअल HUF के अलावा और कौन होता है, कंपनीज पार्टनरशिप फर्म, ऐसे लोग अगर पे कर रहे हैं ना तो TDS काटना ही है। और ये भी है ना, खाली रांचीज में गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है, अदर सेक्शंस, अदर्स का मतलब रांचीज के अलावा जो दूसरे सेक्शंस है उसमें क्या है, उसमें तो पेयर एनी पर्सन, चाहे तो इंडिविजुअल HUF स्मॉल बिग जो भी है, TDS काटना पड़ेगा। क्या लॉजिक है इसके पीछे, इसका लॉजिक समझोगे ना तो आगे पढ़ाने में इजी रहेगा मेरे लिए। अपने को ना लॉजिक इसका समझना है, देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, सी बाकी सब केस में तो TDS काटने का ही बोल रहा हूं ना,
अब काटना है तो टीडीएस काटने के लिए बना है तो काटो ना, काटना पड़ेगा तो मेरे को रीजन ही बताना है, काटना कहाँ नहीं पड़ रहा है, कहाँ नहीं पड़ रहा है, रांची में इंडिविजुअल एचएफ हुआ वो भी स्मॉल हुआ तो टीडीएस नहीं है, तो सी इसका रीजन क्या है मैं, अगर कोई बंदा स्मॉल इंडिविजुअल एचएफ है और उसको गवर्नमेंट टीडीएस का काम देगी तो उसका कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ जाता है, कॉम्प्लायंस बर्डन मतलब गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटियां निभाओ अपना काम बढ़ जाता है ना, एक स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ बेचारा अपने बिजनेस के अंदर इतना उलझा हुआ है, उसका धंधा भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ऑलरेडी धंधे के 100 काम कर रहा है वो, फिर उसमें गवर्नमेंट टीडीएस का अलग काम दे देगी तो उसका काम बढ़ जाता है ना। टीडीएस में झमेला क्या होता है, कटे हुए टीडीएस को वक्त पे जमा करो, कभी देरी होगी तो इंटरेस्ट भरो, भूल गए तो पेनल्टी, एक्सट्रीम केस में जेल में जाना पड़ता है, और जिसका टीडीएस काटा उसका पैन नंबर लो, उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करो, ये कितना मगजमारी है, और ये मगजमारी गवर्नमेंट छोटों को नहीं देना चाहती है, इससे लॉ ने बोला छोटो तुम टीडीएस के झंझट से मुक्त हो, छोटो मतलब स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका या तो बिजनेस है ही नहीं, किसी बिजनेस नहीं है तो उसको क्या एक्स्ट्रा काम करने का आदत नहीं है, जॉब जाके आया पगार मिला खत्म, सिर्फ बिजनेसमैन तो क्या है इतना बड़ा धंधा संभालता है तो 100 मैनेजमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो बिजनेसमैन को तो गवर्नमेंट बोलती है तू तो अपना धंधा मैनेज करता है ना तो टीडीएस का काम भी कर, लेकिन बड़ा हुआ तो, लेकिन जिनका बिजनेस ही नहीं है तो उनको क्या एक्स्ट्रा काम करने की आदत नहीं हो तो खाली जॉब जाके आगे खत्म, तो स्मॉल मतलब बिजनेस ही नहीं है उनको तो टीडीएस काटना ही नहीं है, लेकिन बिजनेस है उसमें भी छोटा बिजनेस है तो भी मत काट, लेकिन बड़ा बिजनेस लेके बैठा है तो अपने बिजनेस के लिए 100 काम करता है तो थोड़ा हमारा भी काम कर दे टीडीएस का। लेकिन सी फिर भी एक डाउट क्या मालूम है, ये रांचीज वाले सेक्शन में क्यों, सी ये तो सब लोग समझ जाते हैं कि छोटों को टीडीएस का काम देना उचित नहीं है, उनका बर्डन बढ़ जाएगा वो समझा, लेकिन ये रूल खाली 190 वो रांचीज में क्यों, क्योंकि सी रांचीज वाले सेक्शन में ही छोटे छोटे टाइप के पेयर होते हैं, बाकी ये जो अदर सेक्शन दिख रहे हैं ये देखो ना, अदर्स मतलब अदर देन रांचीज वाले सेक्शन, अदर सेक्शन में जो पेयर होता है ना पे करने वाला वो ऑलरेडी बिग शॉट है, तो पे करने वाला है ही बड़ा तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा, सी छोटे होने की संभावना कहाँ है, रांचीज में। अब मैं एक एक सेक्शन चेक नहीं कराऊंगा, मेरा ट्रस्ट करो, तुम लोग चाहिए तो घर पे खुद होमवर्क करना मालूम पड़ेगा कि रांचीज वाले सेक्शन में ना छोटे छोटे लोग होने की संभावना है, मतलब किस लोग की बात करो, कमाने वाला नहीं पेयर की बात कर रहा हूं, तो इधर छोटे छोटे पेयर होने के चांस है ना, इससे गवर्नमेंट ने खास करके रांचीज वाले सेक्शन ने क्या बोला कि चलो रांचीज वाले सेक्शन में अगर पेयर छोटा हुआ, सी रांचीज वाले सेक्शन में बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं, बड़े तो काटो ना, लेकिन रांचीज वाले सेक्शन में छोटे पेयर होने की भी संभावना है तो उनको बोला है चलो तुम लोग टीडीएस मत काटना, बड़ों तुमको काटना पड़ेगा, तो रांचीज में बाइफर्केशन है, छोटों को नहीं काटना है बड़ों को काटना है, लेकिन अदर सेक्शन में तो पे करने वाला है ही बड़ा तो काट टीडीएस। इधर देखो क्या लिखा है, पेयर एनी मतलब कोई भी है तू, इंडिविजुअल एचयूएफ स्मॉल बिग जो भी है, स्मॉल होगा ही नहीं खैर, बट फिर भी लॉ ने बोला तू कोई भी है टीडीएस काटना पड़ेगा। इन शॉर्ट पता है इससे हमने क्या सीखा, एग्जाम में अगर रांचीज वाला सेक्शन आया ना बी केयरफुल, बी केयरफुल मतलब केयर क्या लेना है कि अगर पता चला पे करने वाला कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और स्मॉल है, और स्मॉल मतलब लोग स्मॉल नहीं बोलेंगे ऐसा, या तो ऐसा बोलेंगे इज अ सैलरीड पर्सन तो समझो वो बिजनेस ही नहीं है इसका, तो फिर बिजनेस है पर छोटा है, स्मॉल का मतलब या तो बिजनेस है ही नहीं और है तो भी छोटा बिजनेस है, छोटा मीन्स गए साल का टर्नओवर 1 करोड़ नहीं हुआ है या 50 लाख नहीं हुआ है तो छोटा है तो टीडीएस नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में आंसर लिख देना बिकॉज द पेयर इज अ स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ देयर इज नो नीड टू डिडक्ट दी टीडीएस, लेकिन रांचीज वाले सेक्शन में टेंशन लेना, बाकी सेक्शन में इन लोग तुमको जबरदस्ती का बोलेंगे ना ध्यान ही मत देना, बाकी सेक्शन में अपना अटल डिसीजन होता है टीडीएस काटना ही है खत्म। और सी इन लोग क्या कर दिए देखो, ये क्या था पहली चीज अपने को क्या देखनी पड़ती है, नेचर एंड साइज, तो इन लोग एग्जाम में क्या करेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का मैंने क्या बताया था व्हाट शुड बी द साइज, अरे कॉन्ट्रैक्टर में क्या बताया था सिंगल पेमेंट 30 ईयर के ऊपर, एग्रीगेट पेमेंट मोर देन 1 लाख, तो ही आता है ना,
तो इन लोग क्या करेंगे, जान पूछ के ऐसा करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख रुपया दिया है, अमाउंट ही इतनी बड़ी दे देंगे, और बच्चा सो 3 लाख दिए, सर ने तो बोला 30 शेयर क्रॉस हुआ तो काटो, 30 नहीं भी हुआ तो पूरे साल का 1 लाख हुआ, तो ये तो 3 लाख दिया है क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख दिया तो टीडीएस काटना ही है, तो स्टूडेंट इतने में डिसीजन ले लेता है, मतलब वो खाली एक ही चीज देख कर रहा है, गलत है ना। अब अपने को क्या देखना है, ठीक है कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख से ज्यादा दिया है तो लिमिट्स तो क्रॉस हो गई है, वो एंगल से तो लग रहा है हाँ टीडीएस आएगा, लेकिन बाद में दूसरा चीज क्या है देख, पेयर भी चेक करना। तो और कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन क्या था, 194C, और वो रांचीज में आता है, रांचीज वाले सेक्शन है 194 RA, AC भी तो है, तो कॉन्ट्रैक्टर वाला सेक्शन तो 194 रांचीज में, तो अपने को ये भी चेक करने के कि ठीक है कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख दिया है लेकिन पे करने वाला कौन है, और पता चला क्वेश्चन है पेयर कोई इंडिविजुअल HUF है और वो स्मॉल है, स्मॉल भी नहीं बताएंगे इन लोग, गए साल का उसका टर्नओवर दे देंगे, तो उससे बुद्धि लड़ा नहीं, अरे ये तो स्मॉल है, तो भले कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख का पेमेंट किया है लेकिन बिकॉज ए स्मॉल इंडिविजुअल HUF TDS नहीं आएगा, ये बुद्धि कौन चलाएगा जो सब चीज चेक करता है। लेकिन आधी पब्लिक क्या करती, खाली एक ही चीज चेक करते, कॉन्ट्रैक्टर को दिया वो CD वक्रफ दिखा, अमाउंट बड़ा दिखा, हाँ काटने का, ऐसा नहीं होता है ना, अपने को नेचर एंड साइज के साथ पेयर भी चेक करने का, और खास करके रांचीज वाला सेक्शन है ना एकदम केयरफुल रहना, रांचीज वाले सेक्शन में क्या क्या था याद कर लो ना, 194 R तो मैंने बताया नहीं, ए क्या था, 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, याद कर लो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सी क्या था कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, एच क्या है अदर कमीशन, आई क्या है रेंट, जे क्या है प्रोफेशनल सर्विस टेक्निकल सर्विस नॉन कम्पीट रॉयल्टी डायरेक्टर, मतलब ये चीजें ही रट लो, इसका कभी भी समय है ना चेक करना पेयर कौन है, क्या क्या था 194 R मैंने बताया नहीं है, ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर सी एच, एच क्या था अदर कमीशन, आई था रेंट, जे पर्टर्नर और डायरेक्टर प्रोफेशनल टेक्निकल नॉन कॉम्पिट रॉयल्टी और डायरेक्टर, इन सेक्शन में अगर पे करने वाला कोई छोटू है छोटू तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। फिर सुनो ये दिख रहा है यहाँ पर, तुम लोग नोटिस किए होगे इधर मैंने कुछ ब्लैक कलर से हाईलाइट किया, इधर सी और जे के ऊपर कुछ लिखा है मैंने एस्ट्रिक, तो सी सी और जे में पता है क्या रूल है, लुक अभी मैंने क्या बोला रांचीज वाले सेक्शन में छोटो छोटो को TDS नहीं काटना है, लेकिन देख बड़ों को तो काटना है ना, बड़ों को तो काटना है, लेकिन उसमें भी एक और पॉइंट है, अगर सी और जे हुआ ना तो बड़ों को भी काटने का जरूरत नहीं है अगर ट्रांजेक्शन पर्सनल हुआ तो, इफ द ट्रांजेक्शन इज पर्सनल तो स्मॉल को तो काटना है ही नहीं, बिग लोग भी नहीं काटेंगे, बट ये पॉइंट खाली गवर्नमेंट ने सी और जे वाले सेक्शन में दिया है, सी मतलब पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जे मतलब प्रोफेशनल सर्विस टेक्निकल सर्विस नॉन कम्पीट रॉयल्टी और डायरेक्टर्स फीस एंड रेमुनरेशन, ओके तो सी ऐसे याद रहो ना, पूरे रांचीज में छोटों को तो बख्श ही दिया है TDS काटना ही नहीं है, लेकिन रांचीज में दो विशेष सेक्शन है कौन से सी और जे, उसमें तो बड़ों को भी बख्श दिया है अगर वो पर्सनल ट्रांजेक्शन हुआ तो, मतलब दो दो चीज याद रहे, पहले तो सी और जे उसमें भी पर्सनल होना चाहिए, जैसे सी में पर्सनल कैसे हो सकता है, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम मेरे घर में हो रहा है, मेरे घर का रिनोवेशन हो रहा है, मेरे घर का पेंटिंग वेंटिंग हो रहा है, घर जहाँ मैं रहता हूँ बीवी बच्चों के साथ, तो पर्सनल हो गया, फिर 194J प्रोफेशनल सर्विस था ना, मेरा कोई डिवोर्स का केस चल रहा है उसके लिए वकील को पैसा दिया है, अरे डिवोर्स का किसी का केस होता है पर्सनल लाइफ का केस है ना, तो ये सब पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गए, और पर्सनल ट्रांजेक्शन हुआ ना तो इवन इफ तू बिग है TDS नहीं काटना है, क्योंकि सी गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अगर तू धंधे में ट्रांजेक्शन करता है ना तो हम लोग तेरे को हक से बोलेंगे TDS काट, क्योंकि तू अपने धंधे के लिए 100 काम करता है ना तो हमारा भी काम करना पड़ेगा अगर धंधे का ट्रांजेक्शन है तो, और पर्सनल ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करना चाहती है, वो बोलते हैं ना आई डोंट वॉन्ट इंटरफेयरेंस इन माई पर्सनल लाइफ,
ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो गवर्नमेंट भी हमारी पर्सनल लाइफ पे इंटरफियर नहीं करे, इंटरफियर नहीं करेगी मतलब टीडीएस का काम नहीं देगी। एक्चुअली तो पता ये रूल है ना पूरे रांची में होना चाहिए, मतलब हर जगह पर्सनल ट्रांजेक्शन को तो टीडीएस से बाहर ही रखना चाहिए, लेकिन इधर लॉ के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। इन लोग ने ये पॉइंट खाली सी और जे में लिखा है, लेकिन अभी लॉ के अंदर गड़बड़ है, उसको सुधारना अपने हाथ में तो नहीं है। लॉजिकली क्या होना चाहिए, पूरे रांची में पर्सनल ट्रांजेक्शन को टीडीएस से बाहर रखना चाहिए, लेकिन एक्चुअली तुम लोग क्या करोगे, पूरे रांची में मत एग्जेम करना, खाली सी और जे। ये देखो इधर नीचे लिखा हुआ है, लुक 190 वो सी और जे में पर्सनल ट्रांजेक्शन है तो टीडीएस नहीं आएगा, मतलब बिग है तो भी नहीं आएगा। स्मॉल का तो पहले ही बोल दिया नहीं काटेंगे लोग, बिग लोग को भी नहीं काटना है। तो ये पेयर की थियरी होगी। अब सुनो, अपने को रिसीवर का भी स्टेटस चेक करना पड़ता है। ये देखो हाथ देखो मेरा, ये देखो, मतलब मैं किसी को पे करूं तो मैं तो चलो पेयर हूं, पेयर में क्या दिखना पड़ता है रांची वाले सेक्शन में स्मॉल वगैरह ना। अब रिसीवर मतलब सामने वाला, सामने वाले का मालूम है रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है। अगर सामने वाला रेसिडेंट है तो ही ये सेक्शंस में टीडीएस कटता है, क्योंकि अगर सामने वाला नॉन रेसिडेंट होता है ना तो भी टीडीएस कटता है, लेकिन उसके सेक्शंस अलग है, उसके रूल्स अलग है, और वो सिलेबस में भी नहीं है। सीए फाइनल में जब पहुंचोगे ना तब तुमको नॉन रेसिडेंट की दुनिया का एक अलग ही टीडीएस तुमको पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ना टीडीएस का चैप्टर दो पार्ट में बनाया है, टीडीएस फॉर रेसिडेंट लोग एंड नॉन रेसिडेंट लोग। और दो अलग क्यों रखा उन्होंने, मैं क्योंकि रेसिडेंट लोग में गवर्नमेंट गिनी चुनी चीजों पर टीडीएस रखे, सीडी बकरफ सीपी, लेकिन नॉन रेसिडेंट की हर इनकम पे टीडीएस होता है। क्यों, नॉन रेसिडेंट इंडिया में नहीं रहता है तो उसकी तो एक एक इनकम पे चुन चुन के टीडीएस काटो, क्योंकि उससे टैक्स वसूलना मुश्किल ही नामुमकिन है, इंडिया के बाहर है। इससे गवर्नमेंट ने नॉन रेसिडेंट का टीडीएस अलग ही रखा है। और रेसिडेंट लोग पे तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, चलो 2% 10% काट दो, लेकिन नॉन रेसिडेंट में गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसका जो एक्चुअल टैक्स रेट है ना वही रेट से टीडीएस काटो, एनआर जिस रेट से टैक्सा जाएगा उसी रेट से काटा जाएगा। जैसे नॉन रेसिडेंट में फॉरेन कंपनी का 40% टैक्स है ना, टीडीएस भी 40%, और उनकी तो हर इनकम पे टीडीएस आता है। अरे इस चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या किया है, नॉन रेसिडेंट लोग का अलग ही चैप्टर रखा है, वो सिलेबस में नहीं है। तो मैं जो तुमको टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना अभी, सीडी वगैरह सीपी, सीडी वगैरह सीपी, ये रेसिडेंट दुनिया का है, क्योंकि रेसिडेंट की दुनिया में ना गिनी चुनी चीजों पर ही टीडीएस आता है। कौन सी गिनी चुनी, सीडी वगैरह सीपी, और उनका क्या फुल टैक्स नहीं काटते, 10%, 2% अंदाज से कुछ काट देते, लेकिन नॉन रेसिडेंट की दुनिया थोड़ी अलग ही है, हर इनकम पे टीडीएस कटता है, और जो रेट से टैक्स आता है वही रेट से टीडीएस कटता है, लेकिन उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। अपने को खाली क्या याद रखना, मैं जो तुमको जो पढ़ा रहा हूं कब से, उसमें सामने वाला रेसिडेंट होना चाहिए। बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा दे दिया ना कि सामने वाला नॉन रेसिडेंट है, तुरंत बोलना चाहिए नहीं नहीं अलग सेक्शन, अलग सेक्शन, अलग सेक्शन है, सिलेबस में नहीं, सिलेबस में नहीं, सिलेबस में नहीं। तो अपने सीडी वगैरह में सामने वाला क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। बट ऐसा नहीं कि नॉन रेसिडेंट का टीडीएस नहीं कटता, उनका भी कटता है, लेकिन सेक्शंस और रूल्स अलग है। लेकिन सुनो गवर्नमेंट ने ना, सुनो, तीन जगह है ना, चाहे तू रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, टीडीएस के प्रोविजन सेम रखे, तीन एक्सेप्शन है। सी जनरली क्या होता है, रेसिडेंट दुनिया में टीडीएस के रूल्स अलग है, नॉन रेसिडेंट को पैसा देते, ये कौन है ना, रेसिडेंट नॉन रिसीवर की बात कर रहा हूँ, तो अगर रेसिडेंट है तो अलग सेक्शन, नॉन रेसिडेंट तो अलग सेक्शन ना, लेकिन तीन जगह है ना, चाहे तू रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, टीडीएस का सेक्शन सेम है। सुनो कौन सी तीन जगह है, सैलरीज, विनिंग्स, और एक सेक्शन 194N है, एन जो बाद में आएगा बताऊंगा। क्या बोला, सैलरीज, विनिंग्स और 194N। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सामने वाला चाहे आर हो के एनआर हो, कोई फर्क नहीं पैंदा है, सेम सेक्शन रहता है। क्यों मालूम है, क्योंकि सैलरी का टीडीएस हम लोग स्लैब रेट से काटते हैं, और स्लैब रेट का टीडीएस तो एक्चुअल टैक्स रेट है ना। सी गवर्नमेंट ने नॉन रेसिडेंट के सेक्शन अलग क्यों रखे है, क्योंकि गवर्नमेंट उनका एक्चुअल जो टैक्स होता है वो टीडीएस के फॉर्म में कटवाना चाहती है ना।
और सैलरी का टीडीएस तो वैसे भी स्लैब रेट से कट रहा है, और स्लैब रेट एमआई कोई 2-3% थोड़ी एक्चुअल टैक्स रेट है। विनिंग्स का भी टीडीएस कैसे कटता है? 30%, वो तो एक्चुअल टैक्स है। और गवर्नमेंट ने नॉन रेसिडेंट को अलग क्यों रखा? यही सोच के ना कि नहीं उनका एक्चुअल जो टैक्स है वो कटना चाहिए, तो विनिंग्स में तो वैसे ही टीडीएस कट रहा है। इसे सी सुनो, अगर मैं किसी को सैलरी देता हूँ, विनिंग्स का पैसा देता हूँ, तो मैं ये चेक भी नहीं करूँगा कि सामने वाला आर है कि एनआर है, सेम सेक्शन रखूंगा। सैलरी है तो 192 और विनिंग्स का क्या था? 194, डबल बी, सिंगल बी और बी ए था, 3 B's थे। हाँ, डबल बी हॉर्स रेस का था, सिंगल बी अदर विनिंग्स, ऑनलाइन गेम का बी ए था। और एक सेक्शन है 194N जो आएगा तब पढ़ाऊंगा, उधर भी क्या है, सामने वाला चाहे आर हो के एनआर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो इसका मैंने चार्ट बनाया, लुक हियर, खाली ये एक्सेप्शन को याद रखो ना, ये चीज मत पढ़ना पहले, खाली एक्सेप्शन को याद रखो। पढ़ो क्या लिखा, सेक्शन 192, 194N, डबल बी, सिंगल बी, बी ए, इधर क्या लिखा है, टीडीएस अंडर सेम सेक्शन वेदर सामने वाला आर हो के एनआर हो, ओके। लेकिन ये एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सब में क्या रूल है? सामने वाला रेसिडेंट हुआ तो ही सीडी वक्रम सीपी के सेक्शनों में टीडीएस कटेगा, और सामने वाला नॉन रेसिडेंट है तो टीडीएस कटेगा लेकिन वो अलग सेक्शन से जो सिलेबस में नहीं है। इधर देखो लिखा हुआ है, इफ रिसीवर इज नॉन रेसिडेंट देन टीडीएस अंडर डिफरेंट सेक्शन, और रिसीवर रेसिडेंट है तो दीज सेक्शंस, दीज मतलब सीडी वक्रम वाले सेक्शन। खैर इसका तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि सीए इंटर में इन लोगों ने नॉन रेसिडेंट वाला टीडीएस सिलेबस में नहीं रखा ना, तो इन लोग एग्जाम में हमेशा है ना सामने वाले को रेसिडेंट बना के ही पूछेंगे। बट फिर भी क्या अपना फर्ज बनता है क्वेश्चन में सबसे पहले चेक कर लो। और पता है मैं बताऊं, सुनो, भले मैंने इसको नंबर 3 दिया ना, लेकिन पहले यही चेक कर लो क्या रिसीवर कौन है, क्योंकि पता चला रिसीवर को नॉन रेसिडेंट है तो सीधा बोल दो भाई नॉन रेसिडेंट का टीडीएस अलग सेक्शन में कटता है, अलग मतलब अपने सीडी वक्रप वाले जो सेक्शन है उसमें नहीं, अलग सेक्शन। और उसकी दुनिया में ना 195 करके फेमस सेक्शन है, 195। तो पहले रिसीवर ही चेक कर लो, और चेक करना मैं तुमको बता रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी सीए इंटर के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए इन लोग रिसीवर को क्या रेसिडेंट ही बनाएंगे, या फिर कुछ नहीं बोलेंगे तो मान लेना रेसिडेंट है। बट हमेशा चेक करना सामने वाला रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन 3 जगह बेफिक्र रहना, कौन सी 3 जगह? सैलरी, विनिंग्स और 194N में फिक्र मत करना, लेकिन बाकी सब में चेक करना कि सामने वाला रेसिडेंट ही होना चाहिए, फिर ही इन सेक्शनों का ज्ञान दिखाना। फिर बाद में ये भी चेक करना नेचर एंड साइज वगैरह, फिर पेयर में भी केयरफुल रहना चाहिए, और पेयर में खास करके रांचीज में चेक करना है। और कोई सेक्शन का समय है ना तो चिंता मत करो, टीडीएस काटना है बस, ओके। तो टेल मी, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया है, 40-50 हजार का पेमेंट कर दिया एक साथ में कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है, तो नॉन रेसिडेंट मतलब ये तो नॉन रेसिडेंट है, तो फिर बाद में क्या बोलना चाहिए? डिफरेंट सेक्शन, नॉट इन सिलेबस। अब नॉट इन सिलेबस जैसा सम बोलेंगे नहीं ना, लेकिन मैं खाली सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा सब में डालेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो और अगर ऐसा दिया कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया वो रेसिडेंट है, हाँ, तो अपना ये चैप्टर में आ जाए। फिर देखो 30 हजार के ऊपर होना चाहिए, और 30 नहीं है तो पूरे साल का 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। एंड फिर वो रांचीज में भी आता है ना, कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन रांचीज में भी है, तो पेयर भी चेक करो, पेयर कोई स्मॉल इंडिविजुअल अचीव हुआ तो टीडीएस नहीं कटेगा, वो सब ध्यान देना चाहिए। तो ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, उसमें मेरे हिसाब से इंटर लेवल में पेयर में तो जरा भी लापरवाही मत करना। रिसीवर का ज़्यादा टेंशन क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्यों, रिसीवर नॉन रेसिडेंट हुआ तो उसके टीडीएस के जो अलग सेक्शन सिलेबस में नहीं है, है ना। फिर लुक हियर, ये अपना है ना क्या खत्म हुआ, लुक, पार्ट 1 खत्म हो गया, सीडी वगैरह सीपी पेयर एंड रिसीवर, है ना। अब इसके बाद देखो क्या आगे, सेक्शन वाइज नोट्स का मतलब क्या लूं मैं तुमको अभी सेक्शन वाइज ही करवा रहा था, ये क्या सेक्शन वाइज ही तो जा रहा था, लेकिन अभी मैं सेक्शन वाइज तुमको सबका थ्रेशोल्ड और परसेंटेज बता रहा था।
अब मैं थ्रेशोल्ड और परसेंटेज के अलावा एक्स्ट्रा बातें करूंगा, और वो एक्स्ट्रा बातें करने के लिए होता है सेक्शन वाइज नोट्स। तो अभी हम लोग पार्ट वन में भी सेक्शन वाइज ही गए थे, लेकिन पार्ट वन का फोकस था खाली थ्रेशोल्ड और परसेंटेज पे। अभी थ्रेशोल्ड और परसेंटेज के एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा बातें। तो ये देखो, एक्स्ट्रा बातों के लिए मैंने ना एक ऐसा बना के रखा, देखो एक से ना। जितनी एक्स्ट्रा बातें करनी है ना, मैंने उतने डॉट बनाए। तुम लोग जरा देखो ना, इधर तुमको डॉट दिख रहे होंगे। जितने डॉट्स उतनी एक्स्ट्रा बातें, जितने डॉट्स उतनी एक्स्ट्रा बातें। ओके, ये देखो मैंने क्या प्लान किया है। देखो पहले 192 है ना, 192 के नीचे कैन यू सी दो डॉट है। दो डॉट मतलब दो पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम जो मैंने पहले क्या पढ़ा था, सैलरी में क्या होता है, बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हो गया तो स्लैब रेट से आता है, वो पता है। अब एक्स्ट्रा बातें में कितनी बात है, दो बात, फिर कुछ नोट है। तो ऐसे हर जगह मैंने डॉट बना के रखा, ताकि क्या है, अपने माइंड में रजिस्टर है कि इधर इतने पॉइंट है, इधर इतने पॉइंट है। नहीं तो सी ये सब पॉइंट ऐसे ही मैं कैजुअली बता दूंगा तो मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन ये चीज माइंड में रख के याद रखना है। तो सी एक एक करके चालू करो। पहला सेक्शन क्या था, 192। इसमें सैलरी में रूल क्या था, बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हो तो स्लैब रेट से। लेकिन सी इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है। फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, लोग ये देखो, हर एम्प्लॉयर को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सैलरी एस्टिमेट करना पड़ता है। और एस्टिमेट क्यों करना पड़ता है उनमें, क्योंकि एक्चुअल सैलरी तो साल के एंड में मालूम पड़ेगी कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे दी। लेकिन टीडीएस काटने का काम साल के एंड में कि स्टार्टिंग से होता है। स्टार्टिंग से हर महीने की पगार से टीडीएस काटना है। तो बॉस लोग को क्या बोला है कि बॉस लोगों, तुम लोग तुम्हारे एम्प्लॉय का सैलरी शुरुआत में एस्टिमेट कर दो। और बॉस के लिए सैलरी एस्टिमेट करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बॉस खुद ही तो डिसाइड करता है कितना सैलरी देना है। और जो भी है, लॉ ने बोला है तू एस्टिमेट कर एंड फिर देख, अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा आ रहा है तो स्लैब रेट से टैक्स निकाल दे। कि जो भी टैक्स आया उसको डिवाइड बाय 12 करो। डिवाइड बाय 12 क्यों, क्योंकि हर महीने काटना है ना। तो ये देखो मैंने क्या किया है, पहले एस्टिमेट किया सैलरी, और सी ये मैंने ईयर बनाया पूरा, और ईयर के स्टार्ट में हो रहा है। एस्टिमेट करो, फिर टैक्स कैलकुलेट करो एज पर स्लैब रेट। और मान लो 24 ईयर का टैक्स आया तो उसको डिवाइड बाय 12 कर दो, और हर महीने उसकी पगार से 2000 2000 2000 काटना चालू करो। मतलब ये कोई खास पॉइंट नहीं है, लेकिन कानून में लिखा है कि हर बॉस को स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में सैलरी एस्टिमेट करने का, टैक्स कैलकुलेट करने का स्लैब रेट से, कि जो भी टैक्स है हर महीने पगार में से काटना चालू कर दो। एनीवेज, नॉट सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट सुनो, ये देखो, एम्प्लॉई अगर चाहे ना तो अपनी अदर इनकम भी बॉस को बता सकता है। जैसे एक एम्प्लॉई क्या सोचेगा कि बॉस मेरा सैलरी का तो टीडीएस काट ही रहा है, तो मेरी थोड़ी बहुत छोटी मोटी दूसरी इनकम है वो भी बॉस को बता देता हूँ तो उसका भी टीडीएस कट जाएगा। नहीं तो मुझे अपनी दूसरी इनकम का अलग से टैक्स भरने का काम बढ़ जाएगा। और एम्प्लॉय लोग को क्या, जॉब करके काम कर लिया ना, एक्स्ट्रा काम करने को बोर होता है उनको। इससे अगर एम्प्लॉय को ऐसा लगता है ना कि अगर उसकी सैलरी के अलावा दूसरी थोड़ी बहुत इनकम है तो अपनी दूसरी इनकम बॉस को बता सकता है। और बॉस को बताया तो फिर बॉस क्या करेगा, सैलरी प्लस अदर इनकम को मिला के टीडीएस काटेगा, स्लैब रेट से ही काटेगा, बट सैलरी का भी काटेगा अदर इनकम का भी। लेकिन अदर इनकम बताने के लिए बॉस उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, सच्ची सच्ची बोल तेरी और क्या इनकम है, वो बॉस का काम नहीं है। एम्प्लॉय अगर चाहे तो अपनी दूसरी इनकम बॉस को बता सकता है, लेकिन एम्प्लॉय अपने लॉसेस नहीं बता सकता। कानून ने क्या बोला, बॉसेस शुड नॉट लिसन टू लॉसेस, बॉसेस शुड नॉट लिसन टू लॉसेस। कि लॉस में क्या, एम्प्लॉय झूठ मूठ का लॉस बता दिया, चीटिंग कर लिया, तो इससे बॉस ने बोला देख तेरा लॉस तू तेरे पास ही रख, हाँ तेरी कोई दूसरी इनकम है तो बता, मैं उसको कंसिडर करके टीडीएस ज़्यादा काटूंगा, लेकिन लॉसेस मत बताना। हाँ एक लॉस बता सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी लॉस। अगर एम्प्लॉय बोलता है कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस है, तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस होता है ना, वो ट्रस्ट वर्दी होता है।
यूजुअली हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस क्यों आता है कि अपने पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता है, उस कारण से लॉस आ रहा है ना। लॉस क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में इनकम जीरो है, क्योंकि तू खुद रह रहा है, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन माइनस करेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो वो लॉस क्या बिलीवेबल है। तो ऐसा कोई लॉस एम्प्लॉय बता रहा है ना, तो बॉस उसको कंसिडर करेगा। कंसिडर करेगा मतलब उसको सेट ऑफ करके थोड़ा टीडीएस कम कटेगा। तो इन शॉर्ट दूसरे लॉसेस मत बताओ, बॉस सुनेगा भी नहीं। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस से बताओ, बॉस उसको कंसिडर करेगा, तेरी सैलरी में कम कर देगा, टीडीएस थोड़ा कम काटेगा। ओके, फिर एम्प्लॉय अगर अपना कोई चैप्टर 6A का डिटेल देना चाहता है तो वो भी वेलकम है। जैसे एम्प्लॉय लोग हैं ना, इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं, लंप एंटर्स में मेडिक्लेम बढ़ता है, कोई एम्प्लॉय बोलेगा मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरा हैंडीकैप का सर्टिफिकेट रखो, तो ये सब चैप्टर 6A में काम आता है ना। इन शॉर्ट सी, इधर मैंने क्या लिखा है मालूम है? एक एम्प्लॉय अपने बॉस को क्या क्या इन्फॉर्म कर सकता है, देख के बताओ। ये देखो, अदर इनकम इन्फॉर्म कर सकते हैं, लॉसेस इन्फॉर्म नहीं कर सकते, हाउस प्रॉपर्टी लॉस इन्फॉर्म कर सकते, चैप्टर 6 से भी इन्फॉर्म कर सकते, और इन्फॉर्म किया फिर बाद में बॉस को उसको कंसिडर करके टीडीएस काटना है। तो पता है बॉस मैक्सिमम क्या देगा? ये देखो, सुनो ना, मैं अगर बॉस हूं तो मुझे तुम्हारी सैलरी तो पता ही है, प्लस तुम्हारी अदर इनकम तुमने बताई वो ऐड कर दूंगा, तुमने को हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बताया वो लेस कर दूंगा, तुम्हारा को चैप्टर 6A का वो लेस कर दूंगा, फिर टीडीएस काटूंगा तुम्हारे हर महीने के पगार से। तो ये पॉइंट क्या, तुमको नॉलेज होना चाहिए कि एम्प्लॉई बॉस को क्या क्या बताएगा। मेन इतना याद रखना, बॉस तुम्हारे लॉसेस नहीं सुनने वाला है, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस, बाकी सब सुन ही रहे ना, देखने आया तुम। फिर लुक, मेरा क्या खत्म हुआ? ये दो डॉट डॉट खत्म हुए ना, और मैं क्या करूंगा, जैसे ही कोई डॉट खत्म हुआ ना, ये देखो मैं उसको गोला करूंगा ऐसे। अरे ओएमआर शीट होती है ना, अपने को एग्जाम में मिलती है, वैसी फीलिंग आएगी तुमको। ये देखो, तो देखो मैंने दो गोले बना दिए ना ब्लैक कलर से, मतलब ये दो पॉइंट हो चुके हैं। ओके, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन, ये दो पॉइंट मैंने कराया, लेकिन नीचे कुछ नोट बची है, नोट सुनो। क्या एक पॉइंट है, प्री मेच्योर विड्रॉवल ऑफ आरपीएफ का, प्री मेच्योर विड्रॉवल आरपीएफ, आरपीएफ बोला रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सी, प्रोविडेंट फंड में एक रूल है, एम्प्लॉय कम से कम 5 साल सर्विस करता है ना तो ही प्रोविडेंट फंड का पैसा टैक्स फ्री होता है, कम से कम 5 साल सर्विस करना चाहिए, ऐसा रूल है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में नहीं है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में होता है, लेकिन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या है, टैक्स फ्री होगा पैसा, लेकिन एम्प्लॉय ने कम से कम 5 साल सर्विस किए। तो एक और प्रोविडेंट फंड भी हो तो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वो तो टैक्सेबल ही है, लेकिन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या है, 5 साल सर्विस करो तो ही प्रोविडेंट फंड का पैसा टैक्स फ्री है ना। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय ने 5 साल से कम सर्विस की है, मतलब 2-3 साल जॉब किया फिर छोड़ के जा रहा है, तो अब 2-3 साल की नौकरी में जॉब छोड़ के जाएगा तो उसका 2-3 साल की नौकरी में जो भी प्रोविडेंट फंड इकट्ठा हुआ है उसको देना तो पड़ेगा ना, लेकिन वो टैक्सेबल है क्योंकि 5 साल से कम सर्विस की है, तो प्रोविडेंट फंड का पैसा कंपनी वाले तेरे को देंगे, मना कैसे कर सकते यार, प्रोविडेंट फंड तेरे हक का है, तो 2-3 साल में जितना भी प्रोविडेंट फंड जमा हुआ है एम्प्लॉय को देना तो पड़ेगा, लेकिन वो टैक्सेबल है, उसमें भी टीडीएस आता है। अगर 50,000 और मोर उसको प्रोविडेंट फंड से मिला, 10% टीडीएस कटेगा अंडर 192A। इसका एक स्पेशल सेक्शन है 192A, ये देखो क्या लिखा है इधर, 192A में टीडीएस कटेगा 10% अगर एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड से 50,000 और मोर मिल रहा है तो। लेकिन ये कब, अगर एम्प्लॉय की सर्विस 5 साल से कम है। सी, 5 साल से कम है तो ही बोलते हैं उसको प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ। प्री मेच्योर मतलब 5 साल हुए नहीं, तूने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकलवा लिया। और सी, इसका अलग सेक्शन खोलने का लॉजिक क्या मालूम है, क्योंकि क्या है, कितने लोग को ये इंप्रेशन है, हाँ प्रोविडेंट फंड तो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, तो क्या है टीडीएस से छूट जाता है। क्योंकि जनरल इंप्रेशन मार्केट में क्या है, हाँ प्रोविडेंट फंड तो टैक्स फ्री है, प्रोविडेंट फंड तो टैक्स फ्री है, तो कई बार बॉस लोग भी क्या है, अनजाने में टीडीएस नहीं काटते। लेकिन इसका एक विशेष सेक्शन रखा ना, तो स्पेशल तरीके से याद भी रहता है।
अभी स्पेशल सेक्शन खोला तो बॉस भी अलर्ट रहेगा, और यार प्रोविडेंट फंड का कुछ रूल है यार, 5 साल से कम नौकरी किया तो टीडीएस काटना पड़ता है, उसके माइंड में याद रहेगा। सी अगर ये सेक्शन नहीं भी होता ना तो 192 में टीडीएस कट जाता। अरे आखिर प्रोविडेंट फंड का जो पैसा मिलता है इट इज पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर ये 192 ए का विशेष सेक्शन गवर्नमेंट नहीं खोली होती तो बॉस को वैसे भी 192 में तो टीडीएस काटना ही था, लेकिन क्या 192 के अंदर लोग भूल जाते हैं ना, उनको क्या लगता है प्रोविडेंट फंड टैक्स फ्री है तो छोड़ देते उसको टीडीएस से, लेकिन वो भूले ना ना इसलिए अलग से सेक्शन खोला है 192 ए। ओके तो ये 50,000 और मोर याद रखना। और सुनो व्हाट अबाउट यूपीएफ, अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है ना वो तो हमेशा ही टैक्सेबल है, उधर तो 5 साल से कम सर्विस कर ज्यादा सर्विस कर इट इज टैक्सेबल, और उसका टीडीएस 192 में ही कट जाएगा, और वो भूलने जैसा है भी नहीं क्योंकि अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब उसकी इज्जत ही ऐसी है टैक्सेबल, तो वो तो 192 के अंदर टीडीएस कटेगा ही। लेकिन रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए अलग सेक्शन है कि अगर 5 साल से कम सर्विस किया है कोई बंदा एंड फिर प्रोविडेंट फंड का पैसा मांग रहा है तो उसको काट के दो। और अमाउंट क्या था 50,000 और मोर, परसेंटेज क्या था 10%। सी ग्रेटर देन इक्वल टू वाले है ना, टोटल 3 अमाउंट आएंगे, 2 आ चुके हैं। ये देखो एक पहले आया था, कौन सा था, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लाख था। एक और आ गया अभी, प्री मैच्योर विड्रॉवल ऑफ आरपीएफ, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है। बाकी सब में क्या ग्रेटर देन साइन था, इधर तो इक्वल टू हुआ तो भी टीडीएस कटेगा 10% या सेक्शन 192 ए है। तो ये देखो, ये डॉट्स देखो, डॉट्स में नीचे नोट था, नोट भी खत्म हो गया, जल्दी देखना फुर्ती रखना अभी। फिर अगला पॉइंट क्या है, आई 193 सी, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है पहले बताओ फिर मैं एक्स्ट्रा बात करूंगा। 193 में मैंने क्या पढ़ाया था, डिबेंचर इंटरेस्ट होता है ना तो 5,000 तक नहीं कटता, 5,000 के ऊपर कटता है और 10% कटता है, और डिबेंचर के अलावा और कोई सिक्योरिटी है तो टीडीएस हमेशा ही कटता है, ये बोला था ना। अब देखो इसमें दो ऐसे पॉइंट है ना जिसमें टीडीएस ही नहीं आएगा। सुनो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुई ना तो टीडीएस ही नहीं कटता है। सी कोई भी सिक्योरिटी हुआ टीडीएस कटता है, डिबेंचर है तो 5,000 के ऊपर, और कोई है तो कितना भी अमाउंट है टीडीएस कटता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें कितना भी इंटरेस्ट हो टीडीएस कटेगा ही नहीं। ये गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसा रूल बनाया है मार्केटिंग करने के लिए। गवर्नमेंट एक तरह से क्या बोल रही है, देखो आलतू फालतू सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे आपका टीडीएस कटेगा, लेकिन हमारी सिक्योरिटी में पैसा डाल टीडीएस नहीं कटेगा। तो पब्लिक को यही तो पसंद है कि हमको इनकम दो बट काट के मत दो, इट हर्ट्स। अरे पब्लिक की इच्छा गवर्नमेंट को भी पता है ना कि पब्लिक को टीडीएस कटता है पसंद नहीं है, तो जानबूझ के अट्रैक्ट करने के लिए क्या बोला है, चलो आपका टीडीएस नहीं काटेंगे लेकिन हमारी सिक्योरिटी में पैसा डालो। ओके बट सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में टीडीएस नहीं कटता मतलब ये नहीं कि उसकी इनकम टैक्स फ्री है। सी टीडीएस नहीं कटेगा मतलब तुमको पूरा पैसा दे देंगे लेकिन है टैक्सेबल। सी इस चैप्टर में जो भी चर्चा हो रहा है ना वो सब इनकम टैक्सेबल ही है। अगर मैं बोलूँ टीडीएस नहीं कटेगा मतलब काट पीट के नहीं देंगे, तू खुद भर देना, बट भरना तो पड़ेगा ही। अगर कोई चीज पे टैक्स आने ही वाला नहीं होता ना तो उसका तो बात ही इस टॉपिक में नहीं करना चाहिए। ओके तो इन शॉर्ट फर्स्ट पॉइंट क्या था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा, मतलब तुमको पूरा पैसा मिल जाएगा, तुम लोग ईमानदारी से खुद टैक्स भर देना पर टीडीएस नहीं कटेगा। ओके फिर एक और पॉइंट है, ये देखो एक पॉइंट हो गया, इसको गोला कर रहा हूं। फिर दूसरा पॉइंट ये देखो, अगर मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी हूं ना और मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ईमानदार होती है, वो ईमानदारी से कमा के टैक्स भरती है, इतना मेरे पे गवर्नमेंट को ट्रस्ट है। और सी गवर्नमेंट ने टीडीएस का झमेला क्यों पाला, कमाने वाले चोर है, टैक्स नहीं भरते, काट के दो उनको पैसा, लेकिन ये गवर्नमेंट को डर यहां पर नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ट्रस्टवर्दी है, वो अगर करोड़ों का भी इनकम कमाएगी ना ईमानदारी से टैक्स भरेगी। तो रूल ही बना दिया, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें एक वरदान है कि तुमको कहीं से भी इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी, सिर्फ मैं सिक्योरिटी का बात कर रहा हूँ, 193 चल रहा है,
कोई भी सिक्योरिटी में कहीं से भी इंटरेस्ट भी लाना, तुम्हें कभी भी टीडीएस कट के नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको भरोसा है कि तुम कमा के टैक्स भरोगे। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हो ना, LIC, GIC, GIC मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अगर कमा रही है तो उसमें TDS से कटेगा। सी मैं एक्शन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सी पिछले पॉइंट में क्या था, पिछले वाले पॉइंट में गवर्नमेंट लोगों को दे रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें TDS नहीं था। अभी क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को मिल रहा है कहीं से, तो उसमें TDS नहीं कटेगा। तो ये दूसरा पॉइंट था, ये तो जैसे कोई पॉइंट हो उसको गोला कर रहा हूं मैं। और ये दो पॉइंट को लिखा हुआ देखो, ये दो, पहला पॉइंट क्या था, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे TDS नहीं है, लिखा है ना इधर। दूसरा क्या था, LIC, GIC, अदर इंश्योरेंस कंपनीज, इनको अगर रिसीव हो रहा है, मतलब ये लोग रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें भी TDS नहीं आएगा। लेकिन सी एक एक्सेप्शन है, लुक हियर, मैंने अभी क्या बताया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट होता है तो TDS नहीं कटता। लेकिन ये देखो एक्सेप्शन, लुक, पढ़ो इधर क्या लिखा है, भारत में एक इकलौती सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की है, वो उस पर TDS कटेगा। क्या नाम है देखो, 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 में इशू हुआ था। ये किसने इशू किया, मतलब गवर्नमेंट ने इशू किया था, सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन नाम में गवर्नमेंट दिख नहीं रहा है। नाम क्या है, 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018, इसमें अगर 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट हुआ ना तो TDS कटेगा। इसमें मालूम है TDS क्यों रखा है, क्योंकि इसमें देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.75। यू नो गवर्नमेंट ने अपनी औकात से ज्यादा दे दिया है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी में ना 4-5% का इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट ही कम देती है। लेकिन ये इकलौती ऐसी सिक्योरिटी है ना जिसमें गवर्नमेंट ने 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और इतना भारी इंटरेस्ट इनकम दिया है ना, तो फिर इसमें बोला है भाई इसमें TDS कटेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल भी ज़्यादा रहा है ना। मतलब बोलते ना, एक फ़ायदा है तो नुकसान है, फ़ायदा क्या, इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा 7.75, नुकसान क्या, TDS कटेगा। ठीक है ना, TDS नहीं भी कटता तो टैक्स तो वैसे भी भरना था ना, लेकिन इधर कट के ही मिल जाएगा तुमको, और वो भी अगर 10,000 के ऊपर हुआ तो सी ये पॉइंट है ना, लाइकली किधर MCQ वगैरह में डाल सकते हैं। क्या नाम था, 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018, 10,000 के ऊपर हो तो कटेगा, और कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे नो TDS। फिर सुनो, इसमें एक नीचे नोट है, लुक हियर, इधर एक नोट वाला कुछ पॉइंट है। मैंने सिक्योरिटीज में स्टार्टिंग में क्या बताया था, डिबेंचर जैसे सिक्योरिटी हुई तो क्या होता है, 5,000 तक नहीं कटता ना। लेकिन सी ओ 5,000 की छूट कब है मालूम है, अगर डिबेंचर होल्डर कोई इंडिविजुअल HUF है तो, मतलब मैं कंपनी हूँ, पे करने वाला तो कंपनी है ना, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर है सामने वाला, वो इंडिविजुअल HUF होना चाहिए, और उसको अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करने का तो ही 5,000 तक की छूट है। छूट किसको मिली, कंपनी को, कंपनी को बोला चल 5,000 तक TDS मत काट, हम चला लेंगे, लेकिन शर्त ये कि जिसको तूने इंटरेस्ट दिया वो डिबेंचर होल्डर को इंडिविजुअल HUF होना चाहिए, और अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट कर, तो TDS नहीं काटेगा, चलेगा। क्योंकि सी अकाउंट पे ही चेक से किया तो पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है, और इंडिविजुअल HUF बेचारे छोटे मोटे लोग हैं, उनका अगर TDS नहीं भी कटा तो ज़्यादा खतरा नहीं है, बट इंडिविजुअल HUF होना चाहिए, कौन, डिबेंचर होल्डर, और अकाउंट पे ही चेक। ये देखो, भले 5,000 का थ्रेशोल्ड कब होता है, पढ़ो, इफ रिसीवर इज इंडिविजुअल HUF और अकाउंट पे ही चेक। सी स्टार्टिंग में मैंने तुमको 5,000 ऐसे ही बोल के छोड़ दिया था, अरे स्टार्टिंग में मेरे को ज्यादा खींचना नहीं था ना, लेकिन अभी याद रखो 5,000 की छुट्टी कब है, डिबेंचर में इंडिविजुअल HUF होना चाहिए और अकाउंट पे ही चेक। ये देखो मैंने ये वाली चीज पढ़ाई है, नोट दिख रहा है, नोट गिन गिन के पढ़ो। अगला पॉइंट देखो क्या है, अगला पॉइंट डिविडेंड है। डिविडेंड में मैंने क्या पढ़ाया था कि 5,000 तक छूट है, 5,000 के ऊपर है तो 10% TDS। लेकिन सुन, इधर भी एक डॉट दिख रहा है, डॉट, ये डॉट में क्या, सेम पॉइंट वही, अगर मैं LIC हूं
मैं GIC हूँ या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हूँ और मुझे डिविडेंड मिल रहा है तो TDS नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से टैक्स भरूंगा। सी अपने जैसे लोग चोरी कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एक अच्छी इंटीग्रिटी वाली डिग्निटी वाली एंटिटी होती है, तो वो लोग कमा के टैक्स भरते हैं, इसलिए उनको वरदान क्या मिला कि आपको डिविडेंड मिला ना तो भी TDS नहीं कटेगा। सी उनको तो इधर भी वरदान मिला था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में, डिविडेंड में भी मिला है। तो ये देखो, ये डिविडेंड वाले में वो वाला पॉइंट है इंश्योरेंस कंपनी का। ओके, फिर इधर भी देखो नोट है, नोट क्या मालूम है, ये डिविडेंड में 5,000 तक की छूट रखी है ना, वो कब मालूम है, अगर शेयर होल्डर क्यों बोला, डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है ना, तो 5,000 की छूट कब है, अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल हुआ तो, और पेमेंट शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। इधर थोड़ा गड़बड़ जैसा लग रहा है ना, ये देखो लुक क्या लिखा है, 5,000 की छूट कब है, अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है और उसको पेमेंट कैसे किया, अदर देन कैश। मतलब ये कानून का थोड़ा पागलपंती है। देखो डिवेंचर्स में कैसे लिखा था कि अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर को देती है तो 5,000 की छूट कब है, इंडिविजुअल है चेक, वो अकाउंट पे चेक, तो 5,000 तक छूट है। छूट किसको होती है, कंपनी को। और छूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि TDS नहीं काटना पड़ा, हाश काम बचा। सी जिसको मिलता है उसको तो कम ज्यादा कुछ भी टैक्स भरना ही पड़ता है, नहीं कटा तो खुद भर, कट गया तो कट गया। ओके, और डिविडेंड के मामले में देखो लॉ विचित्र है कि डिविडेंड में 5,000 की छूट कब मिलेगी, अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है तो, इधर HUF नहीं बोला, इंडिविजुअल, और पेमेंट अकाउंट पे ही चेक नहीं बोला है, एनी मोड अदर देन कैश। ये थोड़ा बराबर नहीं है, लॉ के अंदर कुछ पैरिटी नहीं दिख रही है, बट जो भी अपने को याद रखना है, डिवेंचर में कैसे याद रखोगे, इंडिविजुअल HUF हुआ अकाउंट पे ही चेक है तो 5,000 की छूट है, और डिविडेंड में इंडिविजुअल हुआ और पेमेंट एनी मोड अदर देन कैश तो ही 5,000 की छूट है, और दोनों में 5,000 तो एटलीस्ट कॉमन बना था, चाहे डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दो के शेयर होल्डर को डिविडेंड दो, 5,000 की छूट है कंपनी को। और ये जो पॉइंट बता दिया ना मैंने, LIC, GIC, GIC वाले में क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, बट ठीक है उसमें ध्यान मत दो ना, इंश्योरेंस कंपनी को मिल रहा है ना तो TDS नहीं कटेगा। तो ये देखो इसमें अपने डॉट्स देखो, ये डिविडेंड का डॉट खत्म हो गया, नोट भी खत्म हो गया, इतना हो गया अपना। अगला क्या, सेक्शन 194A क्या था, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ओके, इधर भी रूल क्या पढ़ाया था मैंने, अगर बैंक्स और, अरे जो मैंने पहले पढ़ा तो वही याद करो, फिर एक्स्ट्रा बात करूंगा। बैंक्स पोस्ट ऑफिस 40,000 तक देती है तो नो TDS, 40,000 के ऊपर है तो ही TDS है, मतलब बैंक्स और पोस्ट ऑफिस को 40,000 की छूट है, बाकी सब केस में 5,000 की छूट है कि 5,000 तक नहीं काटना है, 5,000 के ऊपर है तो काटना, रेट क्या था 10% ना। लेकिन अब सुनो, इसके अंदर तो 5 ऐसे पॉइंट है ना, ये 5ों पॉइंट में रूल क्या आएगा ना, मैं TDS नहीं काटना है, TDS की छुट्टी के 5 पॉइंट है, सुनो 5 है, गिनती रखना। एक, पहला चालू हो रहा है, बैंक अगर लोगों को सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देती है ना, सेविंग्स अकाउंट, तो TDS नहीं काटना है। तो जो मैंने बोला था बैंक वाले 40,000 के ऊपर होता काटते, वो सेविंग्स नहीं था, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट था, रिकरिंग डिपॉजिट था, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट ही नहीं मिलता है, बैंक वाले करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें 40,000 तक TDS नहीं काटेंगे, 40 के ऊपर है तो काटेंगे, और सेविंग्स अकाउंट में तो TDS ही नहीं काटते, वो पॉइंट अभी था। तो पहला पॉइंट क्या था, बैंक अगर लोगों को सेविंग्स अकाउंट पे दे रही है तो उसमें TDS नहीं कटेगा, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में बहुत मामूली सा इंटरेस्ट मिलता है, ज़्यादा मिलता भी नहीं है, और सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है मतलब तेरा कोई धन दौलत खजाना नहीं है, तेरा बेसिक पैसा है, तो वो TDS से फ्री है, और बैंक को भी अच्छा लगता है ना, सेविंग्स अकाउंट तो हर कोई का खुला हुआ है, और बैंक अगर सेविंग्स अकाउंट, बैंक का काम बढ़ता है। सी TDS में क्या है, जो कमा रहा है उसका तो हमेशा कटे गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, लेकिन TDS काटने का काम तो पेयर को करना पड़ रहा है, और पेयर पे थोड़ा रहम करना पड़ेगा ना, पेयर हर जगह काटेगा तो पेयर पागल हो जाएगा, पेयर बोलेगा मेरी इनकम तो नहीं, इनकम उसकी लेकिन काम पे मेरे को लगा दिया। तो पहला क्या था, सेविंग्स अकाउंट। फिर दूसरा सुनो, इधर देखो, लोग बैंक को देते हैं ना,
सी बैंक दे रही है तो क्या था, सेविंग्स पे मत काट, बाकी पे 40,000 तो 40 से ज्यादा तो काट, लेकिन उधर बैंक दे रही थी ना, अभी बैंक को मिल रहा है, लोग बैंक को दे रहे, तो उसमें भी टीडीएस नहीं काटता। और इधर तो चाहे बैंक को मिल रहा हो कि इंश्योरेंस कंपनी को मिल रहा, इंश्योरेंस कंपनी का तो हर जगह पॉइंट आ रहा है ना, इधर भी है। तो सी अगर मैं बैंक हूँ और मैं LIC GIC कोई इंश्योरेंस कंपनी हूँ और मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, आ रहा है कहीं से, तो TDS नहीं कटे। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। बैंक लोग इंश्योरेंस कंपनी ईमानदारी से कमा के टैक्स भरते हैं, तो इनका TDS नहीं कटेगा। लेकिन एक्शन पे ध्यान देना, इनको मिल रहा है। ओके, तो दो पॉइंट बता दिए, पहले में बैंक दे रही थी सेविंग्स पे, उस पे नहीं था, दूसरे में बैंक को मिल रहा है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को मिल रहा है, उस पे TDS नहीं है। तीसरा पॉइंट सुनो, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती है ना, उसमें भी TDS नहीं है। ये रहो, देखते रहो ना इधर, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा ना, उसमें भी TDS नहीं है। क्योंकि सी फॉर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो पार्टनर की इनकम है ना, और पार्टनर ये इनकम छुपा भी नहीं पाएगा। क्यों पार्टनर इनकम छुपाएगा? क्यों नहीं छुपा पाएगा? क्योंकि फॉर्म को खर्चा दिखाना है। सी पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर की इनकम है, लेकिन फॉर्म के लिए खर्चा है, और फॉर्म उसको खर्चा दिखाने के लिए तड़प रही है कि फॉर्म को तो 30% टैक्स आता है पार्टनरशिप फॉर्म को, तो फॉर्म तो खर्चा दिखाएगी, और जब दिखाएगी तो दिख जाएगा, तो पार्टनर छुपाना चाहे तो भी छुपा ना पाए, तो जो इनकम छुप नहीं सकती गवर्नमेंट की नज़रों से, तो उधर गवर्नमेंट ने TDS का टेंशन भी नहीं रखा है। TDS क्यों रखता है? क्योंकि छुप गया, कोई टैक्स नहीं भरा तो, लेकिन ये इनकम छुपाए ना छुपे, पार्टनर भले चोरी करेगा लेकिन फॉर्म उसको खर्चा बता देगा ना, और खर्चा बताया तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ो वो पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस पर TDS नहीं रखा है गवर्नमेंट ने। फिर एक और पॉइंट है, पिंक मटर। पिंक मटर शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म बता दो। ये देखो ना, ये दो पिंक मटर में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट। अरे इन चीजों पे TDS नहीं है। क्या क्या था? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र। क्या क्या था? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र। इन सब के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर TDS नहीं है। क्यों? ये मार्केटिंग करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। सी ये पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का ही तो है, और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे पिंक मटर में पैसा डालो, और अगर इसमें आप पैसा डालोगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर TDS नहीं कटेगा। और लोगों को यही पसंद है TDS ना कटे, लेकिन अगर तेरे को चाहिए TDS नहीं कटे तो हमारे पिंक मटर में पैसा डाल। भले गवर्नमेंट ने पिंक मटर की मार्केटिंग की है, पिंक मटर दीज आर इन्वेस्टमेंट्स इन पोस्ट ऑफिस। एक्चुअली सी पोस्ट ऑफिस में बहुत इन्वेस्टमेंट्स होती है। सी पोस्ट ऑफिस में जो अदर इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उसमें 40,000 के बाद TDS कटता है। अरे बोला था ना 40,000 बैंक पोस्ट ऑफिस में, तो ऐसे याद रखो ना, अगर मैं पोस्ट ऑफिस हूँ और किसी ने पिंक मटर में पैसा डाला है तो उस पर तो जो भी इंटरेस्ट दिया नो TDS, पूरा पूरा दे दो नो TDS। लेकिन अगर मैं पोस्ट ऑफिस हूँ और पिंक मटर के अलावा कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट्स है तो उसमें 40,000 तक दूंगा तो TDS नहीं आएगा, 40,000 के ऊपर आएगा, 10% था। ओके, और पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग्स अकाउंट पे देते हैं ना, पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग्स बैंक अकाउंट था, पोस्बा था, पोस्बा, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, उसका तो इंटरेस्ट ही एग्जेम्प्ट है, अप टू 3,500 पर अकाउंट होल्डर। और जॉइंट अकाउंट होता है तो 7,000 था। अरे था ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में था, पोस्बा। सी जिसका इंटरेस्ट ही एग्जेम्प्ट है TDS नहीं आता है, लेकिन पोस्बा का इंटरेस्ट भी 3,500 तक एग्जेम्प्ट है। ओके, 3,500 के ऊपर हुआ तो TDS उसमें भी कटेगा। खैर 3,500 के ऊपर तुरंत नहीं कटा, वो 40,000 के ऊपर, लेकिन इसका इतना रेलेवेंस नहीं क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो 40,000 तो वैसे भी TDS नहीं काटेगी, और पोस्बा का तो एग्जेम्प्ट है भी तो कितना है, 3,500 तक एग्जेम्प्ट है ना। लेकिन हाँ, किसी को पोस्बा पे 70,000 का इंटरेस्ट मिल गया तो 3,500 एग्जेम्प्ट है, 70,000 का मिला तो 3,500 एग्जेम्प्ट है, बैलेंस पे ही TDS कटेगा। 70 क्यों लिया? क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले 40 के ऊपर ही TDS में एक्टिवेट होते हैं, 40,000 के ऊपर।
लेकिन बिकॉज पॉस्बा है तो वो पॉइंट याद रखना कि पॉस्बा में 3,500 तक इंटरेस्ट ही एग्जेम्प्ट होता है, तो बैलेंस के ऊपर ही टीडीएस आएगा। तो ये था, तो इन शॉर्ट पोस्ट ऑफिस की तीन चीज है, पॉस्बा, पिग मटर, अदर्स। पॉस्बा मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, उसमें क्या है 3,500 एग्जेम्प्ट है, ऊपर वाले अमाउंट पे आएगा प्रोवाइडेड 40,000 क्रॉस हुआ तो टोटल। और पिंक मटर पे तो टीडीएस ही नहीं है, और कोई स्कीम में 40,000 क्रॉस होना चाहिए लेकिन उसमें कुछ एग्जेम्पशन नहीं था 3,500 जैसा। फिर लुक हियर, पांचवा पॉइंट देखना, पांचवा पॉइंट है लुक। अगर मैं कोऑपरेटिव एक्शन से देखो, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं और मैं अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट देता हूं या फिर कोई दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को देता हूं, तो इसमें भी टीडीएस नहीं आएगा। इंटरेस्ट दे रहा हूं, कौन किसको दे रही है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को देवे या दूसरी सोसाइटी को देवे, उसमें टीडीएस नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग को गवर्नमेंट इतना काम नहीं देना चाहती है। सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोलते हैं मैं, दे आर एनपीओस, नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रॉफिट कमाने के लिए जन्म ही नहीं लिया है, तो उसको प्रॉफिट कमाने का इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको टीडीएस का काम क्यों देना है। इससे गवर्नमेंट ने बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बहुत अच्छी है ना, एक काम कर तू, अगर अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट विंटरेस्ट देगी ना या फिर किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को देगी, तो तेरे को टीडीएस का झमेला लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये देखो मैं ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ कि मेरे गए साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, गए साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, तो मैं बहुत बिग सोसाइटी हूं। फिर अगर मैं अपने मेंबर्स को या दूसरी सोसाइटी को इंटरेस्ट दूंगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी 40 शेयर के ऊपर हुआ तो ही। तो सी, दो सिचुएशन है, कभी कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को टीडीएस काटना ही नहीं है और कभी आता है। सी, काटना कब नहीं है, एक छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अपने मेंबर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट दे रही है तो नो टीडीएस। लेकिन अगर ये बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बड़ी मतलब जिसका गए साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, और फिर उन लोग अपने मेंबर्स को या दूसरी सोसाइटी को 40,000 के ऊपर दे रहे हैं, वो भी 40, हाँ, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। ये देखो पांचों पॉइंट इधर लिखा है, पहले तो ऐसे याद रहो, नो टीडीएस इफ इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी गिविंग टू अदर मेंबर और अदर सोसाइटीज। बट एक्सेप्शन क्या है, इफ प्रिसीडिंग ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, दैट मीन्स इट्स अ वेरी बिग सोसाइटी। माना कि इट इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट इतना बड़ा सोसाइटी है, तो इतनी बड़ी सोसाइटी चला रहे हो तो टीडीएस का काम कर दो ना हमारे लिए थोड़ा। और उसमें भी टीडीएस कब एप्लीकेबल होगा, मोर देन 40,000 हुआ तो ही। ओके, सी ये सब पॉइंट किधर भी एग्जाम में आ जाएगा, भरोसा नहीं है, सब याद होना चाहिए। तो ये पांच डॉट थे ना, लुक इधर देखो, ये पांच डॉट बनाए थे मैंने, किधर गया डॉट सपना। ये देखो ओएमआर शीट को फिल करते हैं वैसे करो ना, मैं गोल कर रहा हूं, तुम लोग पॉइंट बताते हो। पहला क्या था, बैंक वाले सेविंग्स अकाउंट पे दे रहे उस पे टीडीएस नहीं आता। ओके, फिर दूसरा पॉइंट क्या था, बैंक इंश्योरेंस कंपनी जिन लोग को मिल रहा है, एक से ना देखो, एक में बैंक लोगों को सेविंग्स में दे रही है और दूसरे में बैंक को मिल रहा है। अब बैंक को मिल रहा हो कि इंश्योरेंस कंपनी को मिल रहा हो, उसमें टीडीएस नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या था, फर्म पार्टनर को देगी तो उसमें भी टीडीएस नहीं है। चौथा पॉइंट क्या था, पिंक मटर पे भी टीडीएस नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को या दूसरे सोसाइटी को देगी तो नहीं है, प्रोवाइडेड वो छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अगर बड़ी है 50 करोड़ से ज्यादा वाली, तो 40 हजार के ऊपर टीडीएस आ जाता है। फिर इसमें देखो दो नोट है, दो नोट में सुनो, पहला नोट क्या ये देखो, लुक यार, कभी कभी ऐसा होता है, देखो मेरा है ना दो दो ब्रांच में एफडी है। सी, मैं एफडी की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि बैंक में हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है तो टीडीएस ही नहीं कटता, और बैंक में करंट अकाउंट है तो इंटरेस्ट ही नहीं मिलता है। तो जो 40 हजार पे बैंक वाले 40 हजार क्रॉस हो टीडीएस काटते हैं ना, वो यूजुअली फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट भी एक काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट ही होता है।
सी मान लो मेरा बैंक में एफडी है और बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बैंक बैंक्स लोग की तो बहुत सारे ब्रांचेज होती है ना, तो मेरा एक अंधेरी ब्रांच में है ना एफडी है, उस पर 30,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, और एक मलाड ब्रांच में एफडी है उसमें 30,000 का आ रहा है। लेकिन सी कोई भी ब्रांच हो, मुझे इंटरेस्ट तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल रहा है ना, और जो भी मैं लिमिट्स बता रहा हूँ ना, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, वो पर्सन टू पर्सन चेक करते हैं। तो सी अकाउंट होल्डर तो मैं हूँ और मुझे इंटरेस्ट देने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा को ओवरऑल देखना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की ये ब्रांच के, वो ब्रांच के, कोई भी ब्रांच। बैंक ऑफ बड़ौदा तो एक सिंगल एंटिटी है ना, तो अपने को कंबाइंड करके चेक करना चाहिए। कंबाइंड मतलब चाहे अंधेरी ब्रांच से मिला हो, कि मलाड ब्रांच से मिला हो, कि चर्च गेट ब्रांच से मिला हो, जो भी ब्रांच है तो कॉमन बैंक ना, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, एक बैंक से दूसरा बैंक होता है ना तो 40 शेयर अलग हो जाता है उसका, क्योंकि सब थ्रेशोल्ड पर्सन वाइज होता है, पर्सन वाइज। तो अगर एक बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा पंजाब नेशनल बैंक है तो अलग हो जाता है, क्योंकि जितने भी थ्रेशोल्ड है ना, याद करना ऑल आर पर्सन वाइज। तो इधर पर्सन तो सेम है ना, खाली दो ब्रांच होने से पर्सन तो सेम है, तो इसको कंबाइंड करके देखो। मतलब मेरा अंधेरी ब्रांच में जो एफडी है उस पर 30,000 का इंटरेस्ट है, और मलाड ब्रांच की एफडी का 30, और 30 और 30 60, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा से मुझे 60,000 मिला, मतलब विच इज मोर देन 40,000, तो टीडीएस कटेगा। लेकिन इसमें भी एक लॉ ने क्या बोला है, ये ना अगर बैंक वाले कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अडॉप्ट करते तो, सीबीएस, सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ना मैं अंधेरी ब्रांच में भी विजिट करूंगा ना, उनको मेरी मलाड ब्रांच के बारे में डेटा पता होता है उनको। मीन्स इवन इफ आई गो टू अंधेरी ब्रांच, उनको मेरे सब दूसरे ब्रांचेस का पता होता है, क्योंकि उन लोग का सॉफ्टवेयर ही ऐसा है ना, सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग है, सेंट्रलाइज्ड। तो सी अगर अंधेरी ब्रांच को मेरे सब ब्रांच के बारे में पता है, तो वो लोग मेरा टीडीएस भी काट पाएंगे ना। उनको ये भी पता है कि मेरे को यहाँ से 30 मिल रहा है और किसी और ब्रांच से भी 30 मिल रहा है। दे विल नो, एंड वाई दे नो, बिकॉज दे आर अडॉप्टिंग अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। लेकिन सी अगर बैंक वालों के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा वाला, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो पता है अंधेरी ब्रांच को है ना अपना दूसरे ब्रांचेस का कुछ पता भी नहीं होगा, तो वो तो क्या इंप्रेशन मिलेगी, वो आपको 30,000 का इंटरेस्ट मिला है तो टीडीएस ही नहीं काटेंगे, चलेगा। और मलाड ब्रांच वालों को खाली मलाड ब्रांच का ही पता होगा, तो वो लोग 30,000 समझ के नहीं काटेंगे। मतलब फिर ब्रांच वाइज चेक होता है, अगर किसी बैंक के पास सीबीएस नहीं है तो। और आजकल के हर बैंक के पास सीबीएस होता ही है, क्योंकि सब बैंक अभी मॉडर्नाइज हो गए हैं ना, बट फिर भी बाई चांस कोई छोटी मोटी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती है ना, वहाँ पे तो कितनी छोटी छोटी बैंक में क्या इन लोग के पास वो सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, कौन सा वाला, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो उन लोग क्या है, फिर ब्रांच वाइज देखते हैं। अंधेरी ब्रांच वाला क्या बोलेगा, हमको भाई तेरे दूसरे ब्रांच का पता नहीं है, हम तेरा 30,000 है तो टीडीएस से काटेंगे, और मलाड ब्रांच वाले भी टीडीएस से काटेंगे, अच्छा है अपने लिए तो। लेकिन अगर बैंक के पास सीबीएस है तो टीडीएस कटेगा, फिर दोनों ब्रांच नहीं काटेगी, दोनों में से कोई एक काट देगा। जैसे अंधेरी ब्रांच ने बोला आपका टोटल 60 का इंटरेस्ट है, तो वो लोग टीडीएस काट देंगे, एक ही जन काटेगा, दोनों जन काटेंगे, डबल कट जाएगा। और इन लोग एग्रीगेट करके चेक करेंगे, ये दो क्या लिखा पढ़ो, एग्रीगेट करके चेक करने का, इफ सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इन शॉर्ट एग्जाम में अगर ऐसा दिया ना कि बैंक के पास सीबीएस है, तो ब्रांच वाइज चेक करोगे कि टोटल करके, टोटल करके। और अगर सीबीएस नहीं है, पर ब्रांच देखना है, ब्रांच वाइज अगर 40,000 से कम है तो नहीं आएगा, 40 के ऊपर है तो आएगा, बट ब्रांच वाइज देखना अगर सीबीएस नहीं है तो। फिर ये देखो, मैंने पता है तुमको बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में थ्रेशोल्ड क्या बताया था, कि 40,000 तक ये लोग नहीं काटते, 40 के ऊपर ही काटते। लेकिन वो जो 40 40 कब से बोल रहा हूँ ना, वो जवानों के लिए, अगर कोई बुढ़े का अकाउंट होता है ना सीनियर सिटीजन का, तो वही 40,000 के बदले 50,000 है, 50,000 तक नहीं काटने का जरूरत है। मतलब बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में जो 40 था ना, इट विल बिकम 50,000 इफ द अकाउंट होल्डर इन बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस इज अ सीनियर सिटीजन। और एक चीज, इधर भी एक 40,000 आया था कोऑपरेटिव सोसाइटी में,
अरे जहां भी 40 आया था 50 कर दो, 40,000 तीन जगह मैंने बोला था, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, फिर ये बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी तो था, ये देख था ना। तो जहां जहां 40 था वहां वहां 50 कर दो अगर वो सीनियर सिटीजन है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कोई सीनियर सिटीजन मेंबर को इंटरेस्ट दे रही है तो 50,000 के हिसाब से होगा। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिग सोसाइटी, छोटी सोसाइटी तो टीडीएस काटेगी भी नहीं, बिग सोसाइटी के लिए। तो ये देखो, ये एक नोट था। दूसरा नोट कि सीनियर सिटीजन में थ्रेशोल्ड विल बिकम 50,000। कहाँ कहाँ पॉइंट था ये? बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड बिग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब जिधर भी 40 था ना उधर 50 कर दो, और 40 तीन ही जगह था, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और बिग सोसाइटीज। ये देखो अपने डॉट्स कहाँ पहुंच चुके हैं। ये एक्चुअली दो नोट चल रही थी, पांच डॉट हो गए थे इसके, बाद में दो नोट चल रही थी, दो नोट भी खत्म हो गई। अगला पॉइंट देखो क्या है, विनिंग्स। सी विनिंग्स में एक ही पॉइंट है खाली, कि अगर विनिंग्स किसी को काइंड में मिला है, काइंड में मतलब पैसा नहीं मिला है तो टीडीएस कैसे काटेंगे। जैसे मान लो किसी को विनिंग में गाड़ी मिला है, सी पैसा मिला है तो 30% कट करके बैलेंस ही देंगे ना। लेकिन विनिंग में किसी को मिला गाड़ी है, होंडा सिटी की गाड़ी मिली है, अब टीडीएस कैसे कटेंगे। ऐसा तो नहीं गाड़ी के पहिए काट के दे देंगे, सुना है कुछ काट के देना पड़ता है। तो सी कभी भी काइंड में विनिंग्स होता है ना, तो लॉ ने क्या बोला है, जिस बंदे को विनिंग का गाड़ी वाड़ी दे रहे हो ना तुम, उसको बोलो कि वो टैक्स भर के आवे, उससे टैक्स भरवा के ले लो। जैसे मान लो किसी को विनिंग में गाड़ी मिला है और गाड़ी का मार्केट वैल्यू 10 लाख है, गाड़ी का मार्केट वैल्यू 10 लाख है, तो 10 लाख का 30%, 3 लाख, तो विनर को बोलो तू 3 लाख का टैक्स भर, उसका मुझे प्रूफ दिखा, बाद में तेरे को गाड़ी मिलेगा। वो बोले नहीं टैक्स में नहीं भरने वाला हूँ, तो नहीं देने का गाड़ी, जा तू गाड़ी जीता है ना, जीती हुई गाड़ी तेरे को चाहिए तो इसका 30% तू भर, क्योंकि मेरे एंड पे काटना पॉसिबल नहीं, क्योंकि गाड़ी है, गाड़ी को काट नहीं सकता मैं, चाहिए तो कटी भी गाड़ी दूं। फनी लगता नहीं? तो इसे कभी भी काइंड में देना है ना, तो सामने वाले को बोलो कि उसका जो वैल्यू का 30% तू भर दे, और वो भरेगा फिर ही उसको प्राइस दे दो। तो ये पॉइंट विनिंग्स में था, एक ही पॉइंट था, खत्म हो गया। देखो विनिंग्स, फिर अगला पॉइंट क्या है, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। सी कॉन्ट्रैक्टर का दो पॉइंट है इधर, देखो एक और दो पॉइंट। पहला पॉइंट देखो क्या है, पहले विनिंग्स का पॉइंट हो गया ना, ये क्या लिखा पढ़ो विनिंग्स में, फर्स्ट एंश्योर दैट टैक्स इज पेड देन रिलीज द प्राइस, ये इन काइंड हुआ। तो एक्चुअली सी ये रूल तो पूरे चैप्टर में जनरलाइज कर दो। ये चैप्टर में क्या है, सामने वालों को चाहे पैसे दो कि कुछ भी दो, टीडीएस तो आना ही है, पैसा दिया तो पैसे काट दो, और पैसा नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू का जो परसेंट है उससे भरवा लो, फिर वो चीज उसको दो। भले ये रूल को जनरलाइज ही कर दो पूरे टॉपिक में, एक और जगह इन काइंड जैसा कुछ आने वाला तब बताऊंगा तुमको। फिर देखो अगला सेक्शन क्या, 194C। इसमें ना मैंने क्या, 194C का टीडीएस कब आता है, जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या बताया था, जब सामने वाला कुछ वर्क कर रहा है मेरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सी ये तो मेरा वर्जन था ना, कानून में इसका देखो डेफिनेशन ऐसा दिया है, लुक क्या लिखा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में इन लोग ने ऐसे लिस्ट दिए, ये कीवर्ड दिख रहा है, ABC जल, मतलब इन लोग ने कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट दी है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट गिनते हैं, यानी कि इसमें टीडीएस काटने का, लेकिन बाद में एटसेट्रा लगा दिया है। एटसेट्रा लगाया मतलब क्या, ये लिस्ट इधर खत्म नहीं हो रही है, ये तो खाली इलस्ट्रेशन है। उदाहरण के तौर पे गवर्नमेंट ने ना जो मेन मेन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, मेन मेन मतलब बड़े बड़े, उसकी लिस्ट बना दी है। और ये लिस्ट देने का पर्पस क्या, मैं क्या पता पब्लिक को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझे कि नहीं समझे, और अगर कोई ना समझी में, ये देखो ये वाले जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना जो मेरे कीवर्ड में, उसमें अगर टीडीएस छूट गया तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। इससे गवर्नमेंट ने क्या बोला है, देखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ये ट्रांजेक्शन आते हैं,
कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? सुनो, फर्स्ट ए दिख रहा है, ए एडवर्टिजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सी मैं तुमको जितना भी पॉइंट बताऊंगा ना, ए बी सी जल में, इसको कैसे रीड करते, ए बी सी जल, ए बी सी जल, इन सब में तुमको एक कॉमन चीज क्या लगे आनु में, समवन इज वर्किंग एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है कि कोई वर्क कर रहा है लेकिन अपने मन मुताबिक, कि मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट। जैसे हम लोग कहीं पर ऐड देते हैं, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाला कुछ भी करेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट से करेगा, मेरी रिक्वायरमेंट। मैंने बोला मुझे फुल पेज का ऐड चाहिए तो फुल पेज करेगा, हाफ पेज तो हाफ पेज। और एडवर्टीजमेंट में कंटेंट क्या डालना वो मैं डिसाइड करूंगा यार, तो मेरी रिक्वायरमेंट से हो रहा है, मतलब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो सी इसमें कोई बताने का जरूरत नहीं था, लेकिन क्या है जनरल लाइफ में, क्या है अगर कोई एडवर्टीजमेंट पे टीडीएस नहीं काटा तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा, और एडवर्टीजमेंट के करोड़ों की डील होती है। इससे गवर्नमेंट ने सेक्शन के अंदर बता ही दिया, भाई ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान में रखना इसमें टीडीएस काटने का है। फिर एडवर्टीजमेंट के बाद में ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग का एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बालाजी टेलीफोन्स, एकता कपूर, एकता कपूर वाले सीरियल वीरियल बनाते हैं ना बालाजी टेलीफोन्स वाले, फिर इन लोग क्या कलर्स चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कलर्स टीवी चैनल, और कलर्स चैनल को इन लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा सीरियल आपकी टीवी में ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट होना चाहिए। तो कलर्स चैनल वाले वो सीरियल टीवी में दिखाते, लेकिन वो बालाजी टेलीफोन्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है ना। अगर बालाजी टेलीफोन्स वालों ने बोला कि आपके चैनल पे हफ्ते में 3 दिन वो सीरियल आना चाहिए, 3 दिन ही आएगा, और शाम को 6 बजे आना चाहिए तो 6 बजे, 9 बजे तो 9 बजे। मतलब जो बालाजी टेलीफोन्स की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सी मैं जितने भी पॉइंट बताऊँ सब में तुमको बार बार एक ही चीज़ रिपीटेडली क्या मिलेगी, कि कोई काम कर रहा है मेरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और वो मैं तुमको पहले ही बता दिया था। फिर तो इसमें कौन टीडीएस काटेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स वाले जब कलर्स चैनल को पैसा देंगे, सिंगल पेमेंट मोर देन 30,000, एग्रीगेट पेमेंट मोर देन 1 लाख हुआ तो टीडीएस काटेंगे। अगर कलर्स चैनल वाला इंडिविजुअल है तो 1%, एचयूएफ है तो 1%, वरना 2%, और वो तो नॉर्मल रूल है ना। फिर ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग के बाद और क्या है, केटरिंग दिख रहा है, सी सी फॉर केटरिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स लोग को बहुत बड़ी पार्टी दी है और एक बैंकेट हॉल बुक कर दिया, उसमें केटरर को बुलाया, और केटरर को मैं खाने का, केटरिंग वाले होते हैं ना खाना बना के देते, तो उसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों, केटरर है ना, मेरी पार्टी में खाना अपने हिसाब से बनाएगा कि मेरी रिक्वायरमेंट से, मेरी रिक्वायरमेंट में मैं जैसा खाना बोलूँगा वैसा बनाएगा ना। और जब केटरर भी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना बना के देगा पार्टी में, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसमें भी टीडीएस आता है। लेकिन सी मैंने ऐसा एग्जाम्पल क्यों लिया कि बच्चों को मैं पार्टी दे रहा हूँ क्लासेस की, क्योंकि बिजनेस का ट्रांजेक्शन बनाता था। अगर मैं कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन में मेरी बेटी की शादी में केटरर को बुलाता हूँ तो पता है पर्सनल ट्रांजेक्शन में टीडीएस ही नहीं आता है। मैंने किधर किधर बताया था ये, 194C, 194J, अगर पर्सनल होता है तो टीडीएस नहीं है, और बाय द वे 194C है। तभी तो मैंने केटरिंग का एग्जाम्पल कैसे लिया कि मैंने अपने स्टूडेंट्स लोग को क्लासेस का पार्टी दिया है। अगर मैं शादी ब्याह हैप्पी बर्थडे का बात करता तो पर्सनल ट्रांजेक्शन होता ना, उसमें तो टीडीएस ही नहीं आता है। फिर बोलेंगे केटरिंग, अरे केटरिंग क्या टीडीएस ही नहीं आता उसमें तो फर्स्ट सी क्या था, केटरिंग। ओके, फिर अगला सी है कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अरे मतलब सुनो, अगर किसी से गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाते हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करवाते हो, तो ट्रांसपोर्टर अपने हिसाब से थोड़ी करेगा, मेरी रिक्वायरमेंट से करेगा। जैसे मुझे अपने गुड्स सूरत पहुंचाने हैं तो ट्रक वाला थोड़ी चेन्नई लेके चला जाएगा। अरे मैंने बोला सूरत पहुंचाना तो सूरत ही पहुंचाएगा ना, तो ट्रांसपोर्टर विल डू द ट्रांसपोर्टेशन एज पर माय रिक्वायरमेंट। और कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट से कोई काम कर रहा है तो इट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। और सी ट्रक वाला तो गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत बार क्या अपने को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बस सर्विस को हायर करते, जैसे एक बड़ी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय का पिकअप ड्रॉप के लिए बस वालों से टाई अप किया है। जैसे मैं कंपनी हूँ और मेरे एम्प्लॉय को पिकअप ड्रॉप करने के लिए बसेज आती है, और बस को क्या बोला है, मेरे एम्प्लॉयज़ को घर से पिकअप करके ऑफिस में ड्रॉप करने का, फिर शाम को वापस घर पर ड्रॉप कर देने का।
लेकिन वो बस वाला कैसे करेगा, अपने रूट के हिसाब से चलेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट, मेरे एम्प्लॉय अगर विरार में रहते हैं तो वहाँ से पिकअप करने आना पड़ेगा, मेरा एम्प्लॉय अगर अंधेरी में रहता है तो वहाँ से पिकअप करना पड़ेगा, मतलब पूरी बस है ना मेरे नक्शे कदम पे चलेगी। सी जो नॉर्मल बस होती है ना ट्रैवल्स वालों की, उनका स्टैंडर्ड रूट होता है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मैंने उसको खरीद लिया है तो मेरे इशारों पे नाच, मेरी रिक्वायरमेंट। और वो तो कब होता है, जब कंपनी वालों ने बस वालों से टाइप कर दिया है, फिर एम्प्लॉय का पिकअप ड्रॉप उनके हिसाब से होता है। और ऐसा थोड़ी, ऐसा कंपनी में थोड़ी होता है, स्कूल्स में भी होता है, स्कूल्स वाले अपने बच्चों का पिकअप ड्रॉप के लिए बस वालों से टाइप करते हैं ना। ये बस की क्यों बात करो, क्योंकि कानून में क्या लिखा है, गुड्स और पैसेंजर। तो चाहे तुम गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाओ के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने के लिए तुम बस वालों से टाइप करो, अपने एम्प्लॉय का पिकअप ड्रॉप करने के लिए, स्कूल वाले बच्चों का पिकअप ड्रॉप करवाने के लिए, वो सब में टीडीएस काटने का, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर तेरे रिक्वायरमेंट से काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, रेलवेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रेलवेज तो भले रेलवे वाले मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पता है रेलवे में भी एक लगेज का डब्बा होता है, उसमें मैं अपने लगेज में गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा सकता हूँ, अहमदाबाद दिल्ली जिधर ट्रांसपोर्ट कराना करवा सकता हूँ। तो वो भले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसमें टीडीएस गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, तो रेलवे गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट का टीडीएस हम लोग नहीं काट सकते। गवर्नमेंट बोले तो भी इतना बड़ा हो गया, हमारा टीडीएस काटेगा इससे, बिकॉज इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का, इस पर टीडीएस नहीं आएगा। जबकि रेलवे वाले भी अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से काम करते हैं, बट वो गवर्नमेंट का है ना, इससे टीडीएस मत काटो। तो सुनो बात कहां से निकली थी, देखो दो सी है, पहला सी था केटरिंग, दूसरा सी क्या है, कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट रेलवेज। एनी मोड मतलब तू शिप से ट्रांसपोर्ट करा, एरोप्लेन से करवा, के ट्रक से करा, टेम्पो से करवा, रिक्शा से करवा, बट रेलवेज नहीं होना चाहिए। वो चाहे तू गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा के पैसेंजर, लेकिन शर्त क्या है, सामने वाला हैज टू वर्क एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, तो ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है सब में। हाँ, फिर जे फॉर जॉब वर्क। सी हर पॉइंट में क्या हो रहा है, कोई मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट्स है ना, लेकिन पता है जॉब वर्क में क्या हो रहा है, कोई मेरे को गुड्स मैन्युफैक्चर करके दे रहा है मेरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से। सी अभी तक क्या हो रहा था, कोई मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट करके दे रहा है, कोई मेरे सीरियल को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कोई मेरे को खाना बना के दे रहा है, कोई मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये सब था ना। अब क्या होगा ना, जॉब वर्क में कोई मेरे को गुड्स बना के देगा। जैसे सुनो, मेरा ये प्रोडक्ट बनाने का धंधा है, अबे ना मैं खुद मैन्युफैक्चर करूँगा ना तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है फैक्ट्री में कि मैं सब खुद मैन्युफैक्चर कर पाऊँ। तो बहुत बार हम लोग गुड्स भी है ना मैन्युफैक्चर करवा के लेते हैं। जॉब वर्कर का काम क्या है, मेरा प्रोडक्ट वो बना के देगा, लेकिन बिकॉज ये मेरा प्रोडक्ट है तो मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि प्रोडक्ट ये साइज का होना चाहिए, उसका लेंथ, इसका ब्रेड ऐसा, डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, वो मेरी रिक्वायरमेंट से काम करेगा, तो वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब किसी से गुड्स बनवा के लेना, लेकिन उसमें एक शर्त है, किसी से तुम गुड्स बनवा के लेते हो ना तो डिज़ाइन विज़ाइन तो अपनी होनी चाहिए, मटीरियल भी अपना होना चाहिए, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है ना, क्योंकि सी गुड्स की पहचान उसके रॉ मटेरियल से। आज ये प्रोडक्ट को देखोगे तो इसका बार बार से प्लास्टिक जैसा कुछ दिख रहा है, तो रॉ मटेरियल से ही तो उसकी पहचान है। आज अगर पेप्सी कोला को देखते हैं तो अपने को लिक्विड दिख रहा है वो, है ना, और अगर वही पेन है तो कुछ लिखने वाली चीज दिख रही है, मतलब हर एक का कुछ रॉ मटेरियल होता है ना। तो जॉब वर्क को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे, जब सामने वाला मेरी रिक्वायरमेंट से गुड्स बनावे और मटेरियल भी मेरा यूज करे, माल सामान भी हमारा, डिजाइन स्पेसिफिकेशन भी हमारा, एंड फिर सामने वाला बना बना के मेरे को देता है, तो उसको भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अरे मतलब इधर दो दो कंडीशन है कि वो मेरी रिक्वायरमेंट से तो काम करना ही है, मटेरियल भी मेरा यूज करना है, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, क्योंकि गुड्स की पहचान रॉ मटेरियल से होती है। और यूजुअली ऐसा ही होता है रियल लाइफ में, जैसे आज मान लो मैं पेप्सी कोला बनाता हूँ, अब पेप्सी का रॉ मटेरियल जो मेन है, अब मैं किसी को बोलूँगा पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक बना के दे दे, हाँ बॉटल इतना साइज का होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन अंदर कुछ भी डाल दिया तो नींबू पानी डाल दिया अंदर, तो थोड़ी होता है, पेप्सी का एक अलग टेस्ट है ना। तो पेप्सी कंपनी वाले क्या करते, वो मटीरियल भी खुद ही प्रोवाइड करते हैं, और
स्पेसिफिकेशन भी उनका होता है, ये साइज का बॉटल होना चाहिए, केन है तो इस साइज का होना चाहिए। मतलब जॉब वर्क में होता ही ऐसा है कि मटेरियल भी हम देते हैं और डिजाइन स्पेसिफिकेशन भी अपना होता है। मतलब रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, लेकिन बाय चांस ऐसा हो गया तो मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ, हाँ तू मटेरियल कहीं से भी ले ले, तू खाली मेरे को ये साइज का बॉटल बना के दे कोल्ड ड्रिंक का, तो जॉब वर्क नहीं है। फिर तो क्या है, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक अभी क्या मीठा है बना रहा है, खट्टा बना रहा है, कैसा बना रहा है क्या मालूम, उसका टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। बस तुम ऐसी साइज की बॉटल होनी चाहिए, खाली रिक्वायरमेंट दे दिया लेकिन मटेरियल मेरा नहीं है, देन इट इज़ नॉट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। फिर तो क्या है, मैं उसका प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, देन इट्स अ सेल ऑफ गुड्स, और सेल ऑफ गुड्स में टीडीएस नहीं है। फिर तो उसने अपने मटेरियल को कहीं से भी लेके कैसा प्रोडक्ट बनाया है, हाँ खाली डिज़ाइन मेरी उससे क्या होता है, मटेरियल तो खुद ही ले लिया कहीं से, तो फिर मैंने उसका प्रोडक्ट मैंने खरीदा है, और सेल ऑफ गुड्स में टीडीएस नहीं है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, प्रोडक्ट बनवा के लो और उसके लिए मटेरियल भी खुद दो, और लॉ में क्या लिखा है उनमें, चाहे तू खुद मटेरियल दे या फिर तेरा कोई रिलेटिव देवे, लेकिन अपना मटेरियल होना चाहिए। अपना मतलब लिटरली मेरा नहीं, मेरे को रिलेटिव से भी मटेरियल उसको दिलवाया तो चलेगा। रिलेटिव मतलब क्या होने में, बिजनेस इनकम में था ना, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लिनियल असेंडेंट लिनियल डिसेंडेंट, तो इन शॉर्ट शर्त क्या है, माल सामान मेरा होना चाहिए, मेरा या मेरे रिलेटिव का, और डिज़ाइन भी मेरी होनी चाहिए। फिर अगर कोई मुझे गुड्स बना के भी देता है तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, उसको बोलते हैं जॉब वर्क। सी बेस्ट है ना, इसको चार्ट के फॉर्म में याद रखो, ये अच्छा चार्ट और मस्त चार्ट है। ये देखो, किसी से गुड्स बनवा के लेना, कुछ और करवा के लेना, गुड्स बनवा के लेना, कुछ और करवा के लेना, कुछ और करवा के ले रहे ना तो अपना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी बहुत है, लेकिन किसी से गुड्स बनवा के ले रहे ना तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के साथ मटेरियल भी अपना होना चाहिए, दो दो कंडीशन है। और गुड्स नहीं बनवा के लिया है, किसी से एडवर्टाइजमेंट करवा के लिया है, ट्रांसपोर्ट करवा के लिया है, खाना बनवा के लिया, केटरिंग वेटरिंग था ना, तो उसमें तो अपनी रिक्वायरमेंट ही सफिशेंट है। मतलब दो टाइप के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक गुड्स बनवा के लेना और किसी से सर्विस लेना। सी किसी से सिर्फ सर्विस ले रहे ना तो बस मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो, सफिशिएंट है, लेकिन किसी से गुड्स बनवा के ले रहे तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मेरा, रॉ मटेरियल भी मेरा होना चाहिए, और मेरा मतलब या मेरा या मेरे को रिलेटिव का। तो जे था, फिर एल फॉर लेबर सप्लाई, अरे मतलब कोई मुझे लेबर सप्लाई कर रहा है, और लेबर सप्लाई के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो, सुनो, मैं ना घर घर में इंटीरियर का काम करता हूँ और मुझे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, कभी पेंटर की ज़रूरत पड़ती है, कोई हमाल की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे को है ना कोई कोई लोग लेबर सप्लाई करते हैं, और मेरे कुछ एजेंसीज है उनको बोलता हूँ ना मेरे को 10 वर्कर भेज दे, तो 10 वर्कर भेज देगा, 20 वर्कर भेज तो 20 वर्कर भेज देता है, और जितना बोलूंगा उतना ही बेचेगा ना मेरी रिक्वायरमेंट। तो लेबर सप्लाई का भी कॉन्ट्रैक्ट भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आज है ना बहुत सारी सिक्योरिटी की कंपनी होती है, सिक्योरिटी मतलब वॉचमैन प्रोवाइड करने वाले होते हैं ना, अब उन लोग को है ना वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं, तो इन लोग के पास खुद के पास तो होते नहीं है, तो वो लोग क्या है अलग अलग एजेंसी से मंगवाते हैं, हमको 10 वॉचमैन भेज दो, 10 सिक्योरिटी गार्ड भेज दो, तो भेज देते हैं, और जब भेजते हैं तो उनको पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट मतलब उनके चार्जेस, वॉचमैन का सैलरी नहीं बोल रहा, वॉचमैन का सैलरी अलग है, लेकिन उसने मुझे वॉचमैन प्रोवाइड कर दिए फोन कॉल करते ही, तो उसको मुझे चार्जेस देना पड़ेगा, तो उसमें भी टीडीएस काटना है। फिर सप्लाई ऑफ लेबर में भी क्या हो रहा है, समवन इज प्रोवाइडिंग मी मैन पावर एज पर माई रिक्वायरमेंट, और मेरी रिक्वायरमेंट तो मैं अगर 10 वॉचमैन मांगूंगा तो 10 ही देगा, 20 थोड़ी देगा, तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और वॉचमैन मतलब फैक्ट्री वर्कर भी हो सकता है, कोई मतलब मैं वॉचमैन कुछ भी मांग सकता हूँ, तो ये लेबर सप्लाई हो गया। बट सी ऐसे तो एग्जाम्पल्स की कोई एंड ही नहीं है, मैंने तुमको है ना वो वाले एग्जाम्पल दिए जो एक्ट में दिए हुए, बाद में एटसेट्रा लगा उसका मतलब क्या है, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हो जिसमें सामने वाला इज वर्किंग एज पर अवर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, तो उसमें टीडीएस आता है। ओके, और टीडीएस कौन काटेगा, अपने सामने वाला जो अपने लिए वर्क कर रहा है
उसकी मजदूरी उसकी मेहनत का जो पैसा दे रहे हैं उसमें टीडीएस काटो। इफ सिंगल पेमेंट इज मोर देन 30,000 और एग्रीगेट पेमेंट मोर देन 1 लाख हुआ तो, और सामने वाला इंडिविजुअल एच पे तो 1% वरना 2%, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का रूल ही है ना ऐसा। सी कितने लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, खाली एबीसी जल में ही टीडीएस आता है, गलत है। एटसेट्रा लिखा है मतलब ऐसे और कोई ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कई ट्रांजेक्शन। फिर लुक हियर, ये एबीसी जल में सी क्या था, एक केटरिंग था, दूसरा क्या था, कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। तो उसमें पता है मैंने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आता है, उसमें एक रूल है अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सामने वाले का 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है तो टीडीएस मत काटो, चलेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए खास एक्सेप्शन है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल दिया था ना कि कंपनी वालों ने बस सर्विस को हायर कर लिया एम्प्लॉय के पिकअप ड्रॉप के लिए, उसमें तो टीडीएस हमेशा ही कटता है। लेकिन अगर कोई ट्रक वाले से मेरा पाला पड़ा है और ट्रक वाला मेरा सामान यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करते रहता है तो उधर रूल क्या है कि अगर ट्रक वाले के पास 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं है तो टीडीएस मत काटो, क्योंकि ट्रक वालों के पास अगर 10 जितनी ट्रक होती है तो वैसे भी उनका टैक्सेशन प्रिजम्प्टिव बेसिस पे होता है। था ना ट्रक वालों का प्रिजम्प्टिव बेसिस 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, तो ऐसे ट्रक वालों को तो पेमेंट करते हैं, टीडीएस भी मत काटो, चलेगा। लेकिन शर्त क्या है, वो ट्रक वाले के पास एक तो 10 जितनी ट्रक होनी चाहिए और उसका पैन नंबर ले लो और उससे लिखवा के ले लो कि उसके पास कितनी ट्रक है। क्यों, सी गवर्नमेंट मेरे पे भरोसा नहीं करेगी, मैंने अगर टीडीएस नहीं काटा गवर्नमेंट मेरा गला पकड़ लेगी, तो मुझे उससे लिखवा के लेना है कि उसके पास 6 ट्रक है कि 7 है कि कितनी है, ऐसा लिखवा के लेना, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, और उसका पैन नंबर भी लेना है। तो 3 कंडीशन, एक तो उसके पास 10 ट्रक होनी चाहिए 10 या कम, एंड फिर उससे डिक्लेरेशन लो, उसका पैन नंबर लो, अगर ये सब हो गया तो मैं छूट गया, फिर मुझे टीडीएस काटने का छुट्टी। तो ये देखो कंडीशंस क्या क्या है, ये देखो मान लो ये मैं हूं और मैंने पेमेंट की है, तो सामने वाला पहले तो गुड्स ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, पैसेंजर नहीं गुड्स ट्रांसपोर्टर, अप टू 10 ट्रक्स, और उससे मुझे उसका पैन नंबर लेना है और डिक्लेरेशन मतलब लिखवा के लेना है कि उसके पास कितनी ट्रक है, तो ऐसे में उसको पेमेंट किया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर सुनो, एग्जाम में ना ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, लुक जैसे मान लो मैंने अपनी क्लासेस बनाई थी, अरे क्लासरूम बनाने का काम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना, कि जो क्लासरूम बनाएगा वो मेरी रिक्वायरमेंट से बनाएगा, मुझे क्लास में कितने बेंचेस चाहिए पेंट कौन सा चाहिए मेरी रिक्वायरमेंट है ना, तो क्लासरूम बनवाने का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये देखो मान लो मेरी क्लासरूम दिलीप भाई ने बनाई थी और दिलीप भाई के धंधे का नाम है दिलीप वर्क्स, ओके, उसने मेरे को ऐसा बिल बना के दिया, ये कॉन्ट्रैक्टर का बिल है, मैं क्लासेस वाला और कॉन्ट्रैक्टर कौन है दिलीप भाई, उसने मेरे को ऐसा बिल बना के दिया। देखो बिल कैसा है, बिल में मटेरियल अमाउंट कितना डाला है 1 लाख, मटेरियल मतलब मेरी क्लास बनाने के लिए ईंट मिट्टी सीमेंट चूना प्लास्टर यूज हुआ होगा पेंट यूज हुआ होगा मटेरियल है, फिर लेबर के लिए 2 लाख है और एक्सेट्रा मतलब और दूसरे चार्जेस भी होंगे, टोटल बिल बना 3 लाख का, उसमें जीएसटी भी जोड़ा, अरे आजकल तो हर बिल में जीएसटी भी घुस जाता है ना, लेकिन अब मैं जब उसको पेमेंट करूंगा ना तो पहले टीडीएस अंडर 194C है कॉन्ट्रैक्टर है इसलिए, लेकिन मैं जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना, ये तो पूरे टॉपिक में जनरलाइज कर देना, किसी भी बिल में जीएसटी कंपोनेंट होता है तो टीडीएस नहीं आएगा, तो उसको तो छोड़ ही दो। फिर देखो अब बिल कितने का 3 लाख का है, उसमें भी मटेरियल वाला कंपोनेंट छोड़ दो, क्यों मालूम, क्योंकि सी अगर दिलीप भाई ने मेरे को बिल में ऐसा बोला है पेंट का डब्बा लिया सीमेंट लिया मिट्टी लिया चूना लिया, तो एक तरह से मेरे को गुड्स बेच रहा है वो, मतलब गुड्स के पैसे चार्ज कर रहा है, और गुड्स बेचने का टीडीएस ही नहीं है, टीडीएस इज ऑन वर्क, वर्क मतलब काम, काम लेबर से होता है सामान से नहीं होता है। तो सी दिलीप भाई ने अपने बिल में लिखा है कि सर आपकी क्लास बनाने में एशियन पेंट का डब्बा लिया था एक सीमेंट का गुनी लिया था ईट लिया था, अरे ये तो गुड्स हो गए ना, और गुड्स की बिलिंग की है मेरे को, तो गुड्स की बिलिंग में टीडीएस ही नहीं है,
इससे मटेरियल कंपोनेंट को छोड़ दो, बाकी लेबर नहीं, अदर्स लेबर के अलावा एक्सेट्रा के नाम पे और भी कुछ जोड़ा है ना, सब पे टीडीएस काटूंगा, लेकिन मटेरियल कंपोनेंट को स्किप कर दो। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ना तो आंसर क्या देना चाहिए, टीडीएस विल कम ऑन फुल 3 लाख के 2 लाख, 2 लाख पे आएगा। लेकिन सी एक्ट में क्या लिखा है, सी ये जनरल पॉइंट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, अगर कॉन्ट्रैक्टर के बिल के अंदर मटेरियल का अमाउंट अलग से दिया है ना तो उसको स्किप कर दो। लेकिन ये देखो, कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर लोग का बिल ऐसा होता है, ये देखो एक्चुअली मेरे साथ तो जिंदगी में ऐसा ही हुआ था, मैंने क्लास बनाई थी ना तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने बिलिंग कैसा किया था, देखो 1000 स्क्वायर फीट इंटू 300 रुपया पर स्क्वायर फीट। एक्चुअली मेरी क्लासरूम का एरिया है ना 1000 स्क्वायर फीट का था, तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला, आपकी 1000 स्क्वायर फुट की क्लास है ना मैं पूरी तैयार कर दूंगा, आप जैसे बोलोगे वैसे मेरी रिक्वायरमेंट से। लेकिन उन्होंने चार्ज कैसे किया मुझे, 1 स्क्वायर फीट का 300 रुपया। मतलब ये उनका चार्ज करने का स्टाइल है, ये दिलीप भाई का स्टाइल है, बाबूराव का स्टाइल है ना, वैसे ये दिलीप भाई का स्टाइल है। मतलब उन्होंने क्या बोला, पर स्क्वायर फीट मैं 300 रुपया चार्ज करूंगा। तो मतलब उन्होंने बिल ही ऐसा बनाया, फिर जीएसटी अलग से जोड़ा, तो सी जीएसटी को तो छोड़ ही दो। अब बिल के अंदर क्या मैं मटेरियल का अमाउंट अलग से देख पा रहा हूँ, नहीं, तो पूरे पे टीडीएस आएगा। नुकसान दिलीप भाई का ही है, दिलीप भाई की ये स्टाइल उसको महंगी पड़ी। अगर दिलीप भाई मेरे को क्लासरूम बनाने के लिए बिल ऐसा बना के देते ना, एकदम क्लियर कट, क्लियर कट मतलब मटेरियल का इतना लगा, लेबर का इतना, अदर चार्जेस इतना, तो मटेरियल छोड़ के बैलेंस पे टीडीएस काटता। लेकिन अगर बिल ही ऐसा बना के दे दिया है जिससे मटेरियल कंपोनेंट दिख नहीं रहा है, तो पूरे पे टीडीएस आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किधर भी इन लोग डाल सकते हैं पॉइंट। तो सुनो, अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना दो पॉइंट थे, मतलब दो डॉट थे, दो डॉट, वो डॉट्स बता रहा था ना, फिर बाद में उसके बाद ये नोट वाला पॉइंट है। तो तुमको मैं इधर देखो क्या दिखाना, दो डॉट एक नोट, दो डॉट एक नोट, किधर क्या देखो, दो डॉट है ना, ये दो डॉट एक नोट। तो पहला डॉट वाला पॉइंट था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, एबीसी जल एक्सेट्रा। फिर दूसरा डॉट वाला पॉइंट था गुड्स ट्रांसपोर्टर में अगर सामने वाले गैस 10 या कम ट्रक है और उससे डिक्लेरेशन मिल गया, पैन नंबर मिल गया, तो टीडीएस मत काटो। फिर ये मटेरियल कॉम्पोनेंट को स्किप करके टीडीएस काटो वाला पॉइंट था। फिर अगला पॉइंट सुनो, कमीशन होता है ना, कमीशन पता है हर कमीशन पे टीडीएस आता है। इंश्योरेंस कमीशन है तो 194D, लॉटरी कमीशन 194G, अदर कमीशन का 194H, मतलब अदर कमीशन में सब आ सकता है ना। लेकिन शेयर ब्रोकर को जो कमीशन देते हैं ना ब्रोकरेज, उस पर टीडीएस नहीं आता है। मतलब इंश्योरेंस कमीशन का 194D, लॉटरी कमीशन 194G, लेकिन अदर कमीशन में ना ब्रोकर्स का कमीशन छोड़ दो। ब्रोकर मतलब शेयर ब्रोकर, उसको जो ब्रोकरेज देते हैं ना उसमें टीडीएस नहीं कटता। क्यों? क्योंकि शेयर ब्रोकर अपनी इनकम नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि शेयर ब्रोकर जो भी क्लाइंट्स के लिए दलाली करता है ना वो स्टॉक एक्सचेंज की निगरानी में करता है। अरे शेयर ब्रोकर मतलब कोई ऐसे राह चलता दलाल नहीं है, दलाली कर लिया कमीशन कमा लिया। शेयर ब्रोकर को ना स्टॉक एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना पड़ता है, वो क्लाइंट के लिए शेयर्स खरीदता है बेचता है तो स्टॉक एक्सचेंज के बनाए हुए सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है, वो स्टॉक एक्सचेंज की निगरानी में काम करता है। तो वो अपना ब्रोकरेज इनकम चाहे तो भी छुपा ना पाए, और जो इनकम छुपा ना पाए तो उस पर गवर्नमेंट को खतरा ही नहीं लग रहा है। इससे गवर्नमेंट ने बोला ब्रोकर को पैसा दिया है उसका तो सब ट्रांसपेरेंट काम है ना, उसको टीडीएस मत काट के दो चलेगा। लेकिन कोई राह चलता एस्टेट एजेंट मिला, वो तो क्या बड़ी बड़ी डील चुपके से करता है, कमीशन कमा के छुपा देगा मालूम ही नहीं, तो उनको टीडीएस काट के दो। मतलब हर कमीशन में काटो सिवाय ब्रोकर्स। तो ये देखो ये वाला पॉइंट हो गया, एक ही पॉइंट था, देखो एक डॉट है ना, शेयर ब्रोकर वाला पॉइंट। फिर डायरेक्टली 194J आ गया। अरे 194J में क्या था, 5 आइटम थी, पर टर्न और डायरेक्टर प्रोफेशनल टेक्निकल नॉन कम्पीट रॉयल्टी और
डायरेक्टर्स फीस एंड रेमुनरेशन, उसमें देखो दो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पॉइंट है। ये देखो दो पॉइंट क्या है, देखो लुक, पहले तो शेयर ब्रोकर का नो टीडीएस बताया ना, अब 190 वो जेम है ना, प्रोफेशनल सर्विस है, मानो प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, मेल फिट कंपनी, ये मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में बताया था कि इन लोगों को हम लोग प्रोफेशनल्स बोलते हैं। ओके, तो कौन कौन था, मेडिकल, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, लीगल, इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, अदर्स नोटिफाइड बाय सीबीडीटी, इन्हीं लोगों को प्रोफेशनल बोलते हैं, है ना। कभी भी इनकम टैक्स में प्रोफेशनल मतलब मेल फिट कम नहीं, तो क्या क्या था, मेडिकल, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, लीगल, इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, अदर्स नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। लेकिन सुनो, इसके साथ है ना, ये लोग को भी गवर्नमेंट प्रोफेशनल बोलती है। ओके, सुपेस, ये कीवर्ड है, सुपेस मतलब टीडीएस के लिए ना प्रोफेशनल वर्ड का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड है। ये देखो लिखा है इधर, लुक सी, ऐसे कभी भी कोई बोल रहे हैं प्रोफेशनल मतलब क्या, तो क्या बोलना चाहिए, मेल फिट कंपनी। इनकम टैक्स में प्रोफेशनल मतलब मेल फिट कंपनी, लेकिन टीडीएस जब काटना होता है ना, तो मेल फिट कंपनी प्लस सुपेस। सुपेस का फुल फॉर्म बताता हूं, लेकिन ये लोग सबको प्रोफेशनल बोलेंगे तो टीडीएस 194 जे में कटेगा, अगर 30,000 के ऊपर पेमेंट गया तो। और ये सब अमाउंट है ना एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, 30,000 के ऊपर गया तो टीडीएस कटेगा 10%। अब देखो सुपेस में क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन, एस फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, यू फॉर अंपायर एंड रेफरी, अंपायर्स एंड रेफरी, ये सब स्पोर्ट्स की दुनिया के लोग है, अभी गेस करना चालू कर दो। स्पोर्ट्स पर्सन था, फिर अंपायर, रेफरी, फिजिशियन एंड फिजियोथेरेपिस्ट। फिजिशियन मतलब डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट तो मालूम है, फिजियोथेरेपिस्ट। फिर एंकर, स्पोर्ट्स का एंकर होता है, ए फॉर एंकर। फिर तीन सी है, कमेंटेटर, कोच और कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट मतलब स्पोर्ट्स का कॉलम लिखना न्यूज़पेपर मैगजीन में, अरे स्पोर्ट्स का कॉलम लिखना मजाक नहीं है, सबके रिकॉर्ड्स पता होने, सचिन तेंदुलकर ने कितनी सेंचुरी मारी थी, कपिल देव ने कितने विकेट लिए थे, ये पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब जाके स्पोर्ट्स में कॉलम लिख सकता है, स्पोर्ट्स का कॉलम लिख सकता है न्यूज़पेपर में। तो स्पोर्ट्स के कॉलमनिस्ट लोग भी बहुत होशियार होते हैं। ओके, तीन सी क्या था, कमेंटेटर, कोच, टीम का कोच होता है ना, फिर कॉलमनिस्ट, स्पोर्ट्स का कॉलम लिखने वाला, चाहे वो न्यूज़पेपर में लिखे कि मैगजीन में। फिर इवेंट मैनेजर ऑफ स्पोर्ट्स, ई फॉर इवेंट मैनेजर, जैसे आईपीएल होता है तो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के मैनेजर होते हैं ना, अरे इन सब को पैसा दिया तो टीडीएस काटने का। और पता है गवर्नमेंट ने इसका टीडीएस क्यों चालू किया था, जब इंडिया में आईपीएल बहुत फेमस हो गया था ना, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, आईपीएल के चक्कर में बहुत लोग की कमाई हो रही है, और कहीं ये लोग इतना कमा कमा के टैक्स ना भरे तो इनका तो टीडीएस काटना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको प्रोफेशनल का दर्जा कर दिए, दे दिया। जबकि प्रोफेशनल मतलब कोई पढ़ाई लिखाई करके होता है ना, ये लोग तो शायद पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए होंगे, लेकिन गवर्नमेंट बोले भाड़ में कि अपने को तो टीडीएस कटवाना है। अब पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, जो भी है, हमारी नज़रों में ये लोग प्रोफेशनल है। और सी, खाली क्रिकेट वाले लोग ही ना, क्रिकेट वाले लोग ही नहीं, हर तरह का स्पोर्ट्स हो सकता है, इट कैन बी कबड्डी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कोई भी। तो क्या क्या था, स्पोर्ट्स पर्सन, अंपायर, रेफरी, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, एंकर, स्पोर्ट्स का एंकर होता है जो बीच बीच में बोलने आता है ना, फिर कमेंटेटर, कोच, कॉलमनिस्ट, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, इवेंट मैनेजर ऑफ स्पोर्ट्स। फिर सुनो, ये तो प्रोफेशनल सर्विस का मीनिंग था, अरे मतलब कभी इनका इनसे पाला पड़े ना क्वेश्चन में, तो टीडीएस 194 जे में आएगा बोलना चाहिए। फिर टेक्निकल सर्विस का भी मीनिंग है, ये तो टेक्निकल सर्विस में क्या आता है, मैनेजरियल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, तीन सर्विस को बोलते हैं टेक्निकल, मैनेजरियल,
टेक्निकल कंसल्टेंसी मतलब मैनेजर, मतलब किसी से कुछ मैनेज करवा के लेते हैं ना, वो भी टेक्निकल सर्विस होता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वो सबके बस की बात नहीं है। जैसे मान लो मैं अपनी कोचिंग क्लासेस का मैनेजमेंट के लिए किसी को आउटसोर्स कर दिया, मतलब मेरे ही किसी स्टूडेंट को बोला तू मेरे क्लासेस का मैनेजमेंट कर, टाइम टेबल बनाने का, बच्चों को स्टेशनरी देने का काम है, टाइम टू टाइम मार्केटिंग करने का, मतलब क्लासेस मैनेजमेंट करने का काम किसी को दे दिया है, एम्प्लॉय नहीं रखा है। एम्प्लॉय रखा तो सैलरी हो गया 192 में आएगा, ये किसी को मैनेजर रखा है लेकिन आउटसोर्स किया है, उसको मैं फीस दूंगा, एक नौकरी पे नहीं आएगा, वो मेरा क्लासेस मैनेज कर देगा। और सिर्फ बात क्लासेस की नहीं है, कुछ भी हो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी अपने कॉल्स मैनेज करने के लिए कॉल सेंटर को काम देते हैं। आज ये वोडाफोन वाला हर कस्टमर का कॉल थोड़ी एंटरटेन करता है, तो कस्टमर्स के कॉल हैंडल करने के लिए कॉल सेंटर को काम देते हैं, तो कॉल मैनेज करना भी मैनेजरियल सर्विस है। अरे कुछ भी किसी को मैनेज करने दिया ना, चाहे कोचिंग क्लासेस वाला अपना एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट देवे, कि बड़ी कंपनी अपने कस्टमर का कॉल्स मैनेजमेंट करने के लिए कॉल सेंटर को देवे, ऑल मैनेजरियल सर्विसेज आर टेक्निकल सर्विस। सी स्पेलिंग में ना मैनेजरियल देख के कोई भी एंगल से टेक्निकल का फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन मैनेज करना भी एक टेक्निकल काम है, उसमें भी टेक्निकल सर्विस वाला टीडीएस आता है। और पता है टेक्निकल सर्विस का टीडीएस 2% है, तो एम क्या था, मैनेजरियल सर्विस। ओके टेल मी, इवेंट मैनेजमेंट भी तो मैनेजमेंट होता है ना, इवेंट मैनेजमेंट, अरे कोई इवेंट को मैनेज करना। लेकिन ये देखो स्पोर्ट्स का इवेंट मैनेज किया ना, तो इधर प्रोफेशनल में आ गया, और प्रोफेशनल में आया तो 10% टीडीएस होता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स का इवेंट था, कोई सिंगर आ रहा है फॉरेन से, उसका कॉन्सर्ट है, वो इवेंट ऑर्गेनाइज करना, फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन है, वैसा कोई इवेंट है, वो इवेंट मैनेज करना है। मैं शादी का इवेंट नहीं बोलूंगा, पर्सनल ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और पर्सनल ट्रांजेक्शन में पता है 194J और C में पर्सनल ट्रांजेक्शन में टीडीएस नहीं था। इससे तो मैं शादी का इवेंट का एग्जाम्पल ले भी नहीं रहा हूँ, कोई सिंगर आ रहा है फॉरेन से, फिल्म फेयर अवार्ड का फंक्शन है, ये इवेंट मैनेजमेंट भी तो मैनेजरियल है। बेस्ट ऐसे याद रखो ना, स्पोर्ट्स इवेंट हुआ तो प्रोफेशनल बोलने का 10% टीडीएस, अदर इवेंट से तो टेक्निकल में आ जाएगा, क्योंकि टेक्निकल में मैनेजरियल सर्विस भी है। फिर ये देखो मटक 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 में एम हो गया मैनेजर, टी फॉर टेक्निकल। टेक्निकल मतलब कोई मोबाइल ऐप बना के दे दिया, कोई सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी दे दिया, वो टेक्निकल सर्विस भी टेक्निकल ही होता है। सी फॉर कंसल्टेंसी। सी कंसल्टेंसी है ना, चार्टेड लॉयर लोग देते हैं ना, तो मेल फिट कंपनी में आ जाता है, तो नीचे कैसा कंसल्टेंसी है अदर देन मेल फिट कंपनी। जैसे आजकल ना कितने एजुकेशन कंसल्टेंट होते हैं, कि 10वीं के बाद उसको कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, फर्दर स्टडीज के लिए इंडिया में पढ़ना चाहिए कि फॉरेन में, ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंसी है, तो उसका टीडीएस टेक्निकल में आ जाएगा। लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट वकील लोग तो इधर ही आ गए ना, डॉक्टर वक्तर, इन शॉर्ट कंसल्टेंसी में भी ऐसा देखो, अगर मेल फिट कंपनी वाले कंसल्टिंग करते तो प्रोफेशनल, और दूसरे लोग कंसल्टिंग करते तो टेक्निकल में आएगा, और टेक्निकल में आए तो टीडीएस का परसेंटेज 2 है, याद रखना। फिर लुक हियर, ये मैंने बताया था तुमको, टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी फॉर फिल्म में टीडीएस का रेट क्या है, 2%, बस इतना ही याद रखना है 194J में। फिर ये देखो जे डॉट, देखो डॉट ओएमआर शीट कहाँ गया अपना, ओएमआर शीट, ओएमआर शीट में देखो इसको गोल कर रहा हूं। एक था प्रोफेशनल का डेफिनेशन, मेल फिट कंपनी एंड सू पेस, दूसरा था टेक्निकल सर्विस में क्या आता है, मटक, मैनेजरल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस। फिर नोट में था कि 2% कब आएगा, टेक्निकल सर्विस और फिल्म की रॉयल्टी हुई तो। ओके फिर ये देखो, इधर भी एक पॉइंट है, क्या था ये, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते तो रूल क्या था, 50 लाख और मोर का प्रॉपर्टी लिया तो 1% टीडीएस होता है। लेकिन पता है इधर कैसे होता है, एक्चुअल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से जो हायर है वो देखना पड़ता है। जैसे आज मैंने घर खरीदा है, तो घर का जो एक्चुअल प्राइस है वो मान लो 48 लाख से, लेकिन उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख से, तो विचर इस आई में 52 है, मतलब 50 हो गया, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब घर खरीदते टाइम एक्चुअल प्राइस मत देखो खाली,
या एक्चुअल प्राइस या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो देखो, और वो हायर वाला फिगर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लैक्स है ना, तो उसका 1% टीडीएस आएगा। तो आंसर दो, अगर मैंने घर खरीदा है 48 लैक्स का और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लैक्स है, तो विचर इस हायर क्या 55, तो 50 के ऊपर टीडीएस आएगा, और 55 का 1% निकालना पड़ेगा। जो हायर आता है ना, जैसे 55 लैक्स, तो 55 लैक्स का 1% निकालो, तो वो आ जाता है कुछ 55,000, और वो 48 लैक्स का जब पेमेंट करूँगा काट के दूंगा। सी पेमेंट तो एक्चुअल प्राइस की करूँगा ना, तो एक्चुअल प्राइस कटेगा, उसमें 1% कटेगा, लेकिन 1% वो एक्चुअल का नहीं आएगा, विचर इस हायर का आएगा। सो इन शॉर्ट 50 लैक्स और मोर है कि नहीं डिसाइड करने के लिए विचर इस हायर, 1% कैलकुलेट भी किस पे करना है, विचर इस हायर वाले पे। तो ये एक पॉइंट हुआ, ये है ना, ये एक हुआ है, एक कि खाली एक्चुअल प्राइस मत देखो। सी इस पे लो सम बना सकते हैं, ये देखो, ये देखो क्या लिखा है, एक्चुअल कंसिडरेशन कंपेयर विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उन दोनों में से यू हैव टू सिलेक्ट विचर इज हायर, फिर वो फिगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लैक्स हुआ, तब जाके 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, 1%। ओके, और सुनो, बिल्डर से अपने घर लेते हैं बिल्डर लोग से, तो बिल्डर लोग है ना फ्लैट की कीमत के साथ एक्स्ट्रा चार्जेस भी मारते हैं, स्विमिंग पूल का, पार्किंग का, क्लब हाउस का, तो एक्स्ट्रा चार्जेस को भी मिला लो। ये लिखा है ना एक्चुअल, एक्चुअल मतलब इट विल बी इंक्लूडिंग इंसिडेंटल चार्जेस, ये देखो लिखा हुआ इधर, एक्चुअल अमाउंट विल बी इंक्लूडिंग इंसिडेंटल चार्जेस। तो टेल मी, अगर बिल्डर से मैंने फ्लैट लिया था तो 45 लैक्स का, लेकिन एक्स्ट्रा 2 लाख और चार्ज कर लिया, तो 45 + 2 = 47 हो गया। लेकिन एनीवेज अपने को खाली एक्चुअली नहीं देखना है, कंपेयर विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मालूम पड़ा उसका 40 लैक्स ही है, तो टीडीएस ही नहीं आएगा। अरे एक्चुअल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से कोई हायर लो, और जो हायर है वो 50 लैक्स होना चाहिए ना, एंड फिर वो हायर वाले का 1% टीडीएस काटना होता है। बट एक्चुअल अमाउंट विल बी इंक्लूडिंग ऑल इंसिडेंटल चार्जेस, ये खास करके बिल्डर से घर लेते हैं तभी सूट होता है पॉइंट, स्विमिंग पूल, पार्किंग वार्किंग, क्लब हाउस का चार्जेस सब आ जाता है। ये हो गया, फिर सुनो, ये दूसरा पॉइंट था कि अदर चार्जेस को भी मिला लो, ये देखो ये डॉट किया ना, ये अदर चार्जेस को भी मिला लो, स्विमिंग पूल, पार्किंग वगैरह वो सब है ना। फिर इसके बाद है ना, ये देखो, ये 194 आईए तक तो सेक्शन हम लोग ने किए ही थे ना, उसके बाद देखो कुछ और सेक्शंस है जो हमने टच भी नहीं किए, लेकिन ये वाला सेक्शन एक इंडिपेंडेंट सेक्शन की तरह अपने को पढ़ना है, एंड कुछ तो फटाफट हो जाएंगे। देखो जैसे 194 के म्यूचुअल फंड इनकम होती है ना, उसमें भी टीडीएस कटता है 5,000 के ऊपर हुआ तो 10% खत्म, 5,000 याद रखना है, मतलब मैं म्यूचुअल फंड हूँ और इन्वेस्टर को 5,000 तक दूंगा तो नो टीडीएस, 5,000 तक छूट है, क्यों म्यूचुअल फंड में कितने लोग होते हैं, सब में टीडीएस काटेगी पागल हो जाएगी म्यूचुअल फंड, तो 5,000 तक छूट है, लेकिन 5,000 के ऊपर गया तो 10%, और एक बार ऊपर जाता तो पूरे पे आता है, जैसे 6,000 म्यूचुअल फंड वालों ने दिया ना इन्वेस्टर को, तो पूरे 6,000 का 10% टीडीएस आएगा। तो ये 194 के था, बस इतना ही याद रहा, 194 के खत्म। फिर ये देखो के हो गया, तो गोल कर रहा हूं इसको, ओके। फिर इसके बाद है ना 194DA, ये सेक्शन थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, ये देखना, ये तो अदर सेक्शन में लिख के रख दे जो बाकी है ना अपने, ओके। ये हो गया अपना UTI म्यूचुअल फंड इनकम का 10% TDS मोर देन 5,000 हुआ, ओके। फिर देखना लाइफ इंश्योरेंस क्लेम, ये 194DA इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। एक्चुअली 194D क्या था, इंश्योरेंस कमीशन था ना, DGH इंश्योरेंस कमीशन, डी
लॉटरी कमीशन जी, अदर कमीशन एच, लेकिन 194D इंश्योरेंस कमीशन था, तो सी ऐसे याद रखो, इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देती है ना, तो 194D इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को क्लेम का पैसा देती है, तो 194DA। अरे डी से इंश्योरेंस कंपनी का ताल्लुक बन गया, इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को कमीशन देगी तो डी, और इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को क्लेम का पैसा देगी तो 194DA। लेकिन सी, क्लेम का पैसा अगर डेथ में मिलता है ना तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, तो TDS का आएगा ही नहीं। अरे TDS टैक्सेबल इनकम पे आता है, लेकिन अगर डेथ पे मिलता है ना इंश्योरेंस क्लेम तो एग्जेम्प्ट अंडर 1010D, देन नो TDS। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मैच्योरिटी पे मिला है तो TDS आ सकता है। लेकिन उसमें भी ये देखो, अगर स्मॉल प्रीमियम पॉलिसी है ना तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। व्हाट इज स्मॉल प्रीमियम बताऊंगा, ये देखो पढ़ो ना एक बार। किसी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और मैच्योर हो गया है, और उसकी पॉलिसी है ना स्मॉल प्रीमियम वाली थी, मीनिंग बताऊंगा ना क्या है, तो स्मॉल प्रीमियम पॉलिसी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। क्योंकि सी, स्मॉल प्रीमियम पॉलिसी मतलब क्या है, वो इन्वेस्टर लोग नहीं होते, फैमिली माइंडेड लोग होते। क्योंकि सी, जो लाइफ इंश्योरेंस निकाल के थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देता है ना, वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निकाल रहा है, और जो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए LIC निकालता है ना, तो उस पर गवर्नमेंट को दया आती है कि फैमिली का कितना सोच रहा है बेचारा। तो ऐसे आदमी को मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है टैक्स फ्री। लेकिन तू फैमिली माइंडेड कब लगेगा, अगर तू स्मॉल प्रीमियम पॉलिसी में पैसा लगाया तो। क्योंकि सी, फैमिली को सिक्योर करना ना देखो, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले प्रीमियम ज़्यादा नहीं लेते, और प्रीमियम ज़्यादा नहीं लेते उसका मतलब ही क्या है कि तूने फैमिली सिक्योरिटी के लिए खास इंश्योरेंस निकाला है। और फैमिली का कोई इतना सोचेगा तो गवर्नमेंट भी उसका सोचती है, कैसे सोचती है, एग्जेम कर दिया। लेकिन बिग प्रीमियम होता है ना, मतलब मैंने ऐसी लाइफ इंश्योरेंस निकाली उसमें मैं बड़ा बड़ा प्रीमियम दे रहा हूँ, मतलब फिर मेरे माइंड में ना फैमिली का सिक्योरिटी नहीं, इन्वेस्टमेंट मोटिव है, और इन्वेस्टमेंट मोटिव वाले थोड़े मनी माइंडेड होते हैं, और मनी माइंडेड के लिए गवर्नमेंट भी बुक्कड़ हो जाती है, इसलिए उसको क्या किया, टैक्सेबल। इन सी, अभी भी मैंने ये नहीं बताया कि व्हाट इज स्मॉल प्रीमियम, व्हाट इज बिग प्रीमियम, वो बता दूंगा, दो मिनट बता दूंगा। लेकिन तुम लोग अभी इतना रटो कि अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है और उसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, तो मतलब उसने फैमिली का ही खास सोच के निकाला है, और फैमिली माइंडेड लोग के लिए क्या होता है, एग्जेम। इसका भी सेक्शन सेम है, 1010D। लेकिन अगर किसी ने बिग प्रीमियम पॉलिसी निकाली थी, मतलब उसके माइंड में फैमिली कम इन्वेस्टमेंट का मोटिव ज़्यादा था, और ये मनी माइंडेड है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके और ये टैक्सेबल कैसे होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल क्या होगा, मैच्योरिटी पे जो LIC से पैसा मिलता है ना। और हाँ, पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, सुन, मैंने जीते जी LIC वालों को अगर 10 लाख का प्रीमियम दिया था और मैच्योरिटी पे 25 लाख आया है, अरे मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, मैंने जीते जी 10 लाख का प्रीमियम दिया था और मैच्योरिटी पे 25 मिला, तो मेरा कमाई तो 15 का ही है ना, तो 15 पे ही टैक्स आएगा। बट आएगा अगर तेरी बिग प्रीमियम पॉलिसी है तो। व्हाट इज बिग प्रीमियम बताऊंगा, लेकिन कितने पे टैक्स आएगा, पूरे पे कि डिफरेंस पे, डिफरेंस पे, क्योंकि हम LIC की मैच्योरिटी का पैसा मिलता है, लेकिन प्रीमियम डाला भी तो था, तो जो डाला हुआ है वो माइनस करके जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उतने पे टैक्स आता है। और ऐसी लाइफ इंश्योरेंस का भी TDS भी कटता है। मेरा ये अमाउंट याद रखो, मैंने जीते जी कितना प्रीमियम दिया था, 10 लाख, और मैच्योरिटी पे कितना मिला, 25 लाख, तो डिफरेंस कितना है, 15 लाख, तो मुझे टैक्स भी 15 लाख पे आएगा, TDS भी 15 लाख पे काटेंगे ये लोग, 1% ही काटते हैं। कौन काटेगा, LIC वाला जब मेरे को 25 लाख का चेक देगा ना, तो पूरे 25 लाख का नहीं काटेगा, 25 लाख में से 10 लाख तो मैंने जीते जी प्रीमियम दिया था, तो डिफरेंस क्या है, 15 लाख, तो 15 लाख का 1% काट के देंगे, और मैं भी अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 15 लाख ही दिखाने वाला हूँ। भले मुझे कट पीट के मिला, लेकिन मैं दिखाऊंगा ग्रॉस। एक रूल है, कमाने वाला हमेशा इनकम ग्रॉस ही दिखाता है, और उसका जो TDS कट है वो लास्ट में एडजस्ट हो जाता है, जब टैक्स भरने का टाइम है उतना कम भर देना, लेकिन कंप्यूटेशन में ग्रॉस अमाउंट दिखाना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, TDS लाइफ इंश्योरेंस में कब आता है, पहले तो मैच्योरिटी पे क्लेम मिलना चाहिए,
वो भी बिग प्रीमियम पॉलिसी है तो ही ओके। और सुनो, मैं गलती से 1% बोला, गलत 1% 5% है, इधर 5% है, 1% निकला था ना मुंह से अभी, मेरे मुंह से 1% निकला था, 1 नहीं, इट इज 5%, 5% टीडीएस आएगा, 5%। लेकिन कितने पे आएगा? डिफरेंस पे। लेकिन सी, इसमें भी कभी कभी टीडीएस से छूट होती है, अगर एलआईसी वाले मैच्योरिटी पे किसी को 1 लाख ही दे रहे, मतलब 1 लाख से कम, 1 लाख भी नहीं, 1 लाख से कम, तो टीडीएस ही आएगा। अरे मतलब मैच्योरिटी पे 1 लाख भी नहीं मिल रहा है, मतलब छोटी सी तो पॉलिसी थी, तो वो टीडीएस से बाहर है। ये देखो इधर सब लिखा हुआ है जो हवे में बात हो रही है ना अभी तक, ये देखो क्लियर कट दिखेगा इधर। इधर दो चीज याद रखना है, 1 लाख और 5%। तो मेरा ये एग्जाम्पल में बताओ ना, मैंने जीते जी 10 लाख का प्रीमियम दिया था और मैच्योरिटी में मुझे 25 लाख मिल रहा है, तो पहले 25 लाख को देखो, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है? सी, 1 लाख के लिए डिफरेंस मत देख, पूरा अमाउंट देख। अरे 1 लाख क्रॉस हो रहा है कि नहीं, उसके लिए डिफरेंस नहीं देखते, उसके लिए फुल अमाउंट देखते। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने प्रीमियम 10 लाख दिया था और एलआईसी वाले मैच्योरिटी में 25 दे रहे, तो 25 लाख को चेक करो, क्या 25 लाख इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख? हाँ, और उसका आंसर हाँ है, तो 5% टीडीएस आएगा, लेकिन 5% 25 लाख पे नहीं आएगा, डिफरेंस पे आएगा। ये थोड़ा गड़बड़ वाला है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। मतलब सी, 1 लाख के लिए क्या लिखा है देखो, अमाउंट पेड देखा जाता है, मतलब एलआईसी मुझे पे कितना करी हो देगी, मतलब वो 25 लाख वाला। और 5% तो इनकम एलिमेंट पे आता है, इनकम एलिमेंट मतलब डिफरेंस के ऊपर। तो वापस इसका आंसर दो, मैंने जीते जी है ना एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ना 5 लाख का प्रीमियम भरा था, 5 लाख का, और मैच्योरिटी में मुझे 12 लाख मिल रहा है। अरे 12 लाख मिला है तो डिसीजन कैसे लेने का? पहले टीडीएस आएगा कि नहीं उसके लिए 12 लाख को देखो, क्या 12 लाख 1 लाख और मोर है? हाँ आएगा। अब आएगा तो कितने पे? 12 पे नहीं, 12 माइनस 5 7 लाख, 7 लाख का 5% टीडीएस काटेंगे, 7 लाख का 5% ओके। तो 5% डिफरेंस पे आता है, लेकिन टीडीएस काटना है कि नहीं वो डिसीजन के लिए डिफरेंस नहीं, फुल अमाउंट को देखते हैं, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख होना चाहिए। इधर भी देखा ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन भी है। ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू कहां कहां था? 3 जगह था ग्रेटर देन इक्वल टू, दिख रहे है? कौन सी 3 जगह था बताओ? 194 IA में था ग्रेटर देन 50 लैक्स, 192 A था, फिर 194 D है अभी वाला सेक्शन, एक एक बताओ क्या था? 194 IA इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस किया तो, और ये प्री मैच्योर विड्रॉवल ऑफ RPF, 5 साल से कम सर्विस करते प्रोविडेंट फंड मिलता है ना, और ये लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। लेकिन अच्छी बात क्या है, सब ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में ना सेक्शन ए से एंड हो रहा है, ए ए ए। अरे याद करने का ट्रिक है, हर जगह अपना ग्रेटर देन साइन था ना, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू वाले जो सेक्शन है ना वो ए से खत्म हो रहे। देखो 194 भी आई ए था, 192 भी ए था, 194 डी ए था, ए था ए। ओके, अब इसमें मुझे क्या सिखाना मालूम है, वॉट इज स्मॉल प्रीमियम एंड वॉट इज बिग प्रीमियम, वो क्यों डिसाइड करना मालूम है? कि स्मॉल प्रीमियम हुआ तो टीडीएस ही नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिग प्रीमियम है तो आएगा। तो सुनो, इसके लिए पता है वही वाला रूल है, सम अश्योर्ड का 20%, सम अश्योर्ड का 20%, उतने तक मैं प्रीमियम देता हूं ना सालाना तो स्मॉल है, लेकिन 20% ऑफ सम अश्योर्ड से ज्यादा प्रीमियम दे रहा हूं, ज्यादा मतलब बिग प्रीमियम हो जाता है, तब बिग प्रीमियम होता है। मतलब इधर बच्चे को क्या याद रखना है, 20% ऑफ सम अश्योर्ड। हाँ कभी कभी 20 नहीं होता है बताऊंगा, लेकिन एक बार 20% से ट्राई करो नहीं वाला एग्जाम्पल, ये ट्राई करो। अपने को क्या चेक करना है कि स्मॉल प्रीमियम है कि बिग प्रीमियम। सी, डेथ पे पैसा मिला तो कुछ नहीं देखने का, एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी में मिला तो स्मॉल है कि बिग देखने का। मेरे को बताओ ये स्मॉल प्रीमियम पॉलिसी के बिग प्रीमियम कैसे मालूम पड़ा? देखो ये पॉलिसी 20 लाख की है,
तो पहले तो है ना 20 लाख की पॉलिसी का 20% निकालो, कितना आया? अरे पॉलिसी अमाउंट मतलब सम अश्योर्ड ही होता है, ये क्वेश्चन में देंगे सम अश्योर्ड पॉलिसी अमाउंट, इसका 20% कितना हो गया? 4 लाख। और इसको प्रीमियम से कंपेयर करो, और प्रीमियम भी है ना एनुअल, हाँ साल का कितना प्रीमियम दे रहे हो एनुअल? 4.5। तो 4.5 इज बिग, तो ये बिग प्रीमियम पॉलिसी हो गया, तो इस पर पक्का टीडीएस आएगा। कितने पे आएगा बताओ? अरे बिग प्रीमियम पॉलिसी मतलब टीडीएस पे आता है ना, लेकिन अभी ये भी देखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है कि नहीं। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख के लिए देखो एलआईसी वाला कितना दे रही है, 20 लाख का पॉलिसी तो 20 लाख देगी, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। एंड फिर टीडीएस कितने पे आएगा? डिफरेंस के ऊपर। अरे मैंने बताओ ना जीते जी प्रीमियम कितना दिया था, 3 साल का पॉलिसी था और 3 साल में प्रीमियम कितना दे दिया है? 4 लाख 50 हज़ार, 4 लाख 50 हज़ार, 4 लाख 50 हज़ार, 3 साल में 3 बार दिया होगा ना, तो 4 लाख 50 इंटू 3 कितना हो गया? 13 लाख 50 हज़ार। 13 लाख 50 हज़ार का प्रीमियम दिया है और एलआईसी वाले मेरे को 20 लाख दे रहे हैं, तो डिफरेंस पे टीडीएस आता है। डिफरेंस कितना है? 20 लाख एलआईसी दे रही है। सी 20 लाख अपने को चेक करना है वो 1 लाख हो रहा है कि नहीं, तो 1 लाख है। अब टीडीएस 20 लाख पे नहीं आएगा, डिफरेंस पे। और डिफरेंस मतलब क्या? मैंने जीते जी कितना प्रीमियम दिया था 3 साल का? 13 लाख 50 हज़ार। और मुझे एलआईसी वाले कितना दे रहे हैं? 20 लाख। तो डिफरेंस कितना है? सॉरी 20 लैक्स माइनस 13.5, तो 6 लैख 50 हज़ार। इसका 5% टीडीएस आएगा। एक समय लिखा हुआ है इधर देखो, ये एलआईसी वाले पॉलिसी होल्डर को देने वाले थे 20, लेकिन 20 लाख कट गया। कितना कटा 20 लाख में से? 5%, लेकिन 5% ऑफ द डिफरेंस है ना, 5% ऑफ द डिफरेंस टीडीएस के फॉर्म में कट गया। ओके, तो ये था। और ये बिग प्रीमियम क्यों था? क्योंकि इसका 20% तो 4 लाख था और हम तो प्रीमियम उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। टेल मी, अगर ये 4 लाख से कम प्रीमियम होता मेरा, 3 लाख ही होता, तो स्मॉल प्रीमियम पॉलिसी पे तो टीडीएस ही नहीं आता। ओके, अब सुनो, इधर 20% से मैंने डिसाइड किया था ना, लेकिन कभी कभी 20% नहीं होता है, क्या होता है? 10% होता है। अगर किसी का पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 या फिर बाद का है ना, तो 10%, और उसमें भी हैंडीकैप्ड है, स्पेसिफाइड डिजीज वाला है, तो उसमें तो एक और रूल है, 2013 के बाद का पॉलिसी हुआ तो 15%। अरे ये तो मैंने पहले बताया हुआ है ना, तो अपने को क्वेश्चन में चेक करने का पॉलिसी कब का है। सी 2012 के पहले का पॉलिसी है तो सोचो मत, फिर चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो हैंडीकैप कैसा भी 20% सम अश्योर्ड। लेकिन इस पीरियड में पॉलिसी निकाला है 12-13 में, तो कुछ फर्क, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 10% ही है। लेकिन 2013 के बाद का पॉलिसी है ना, तो नॉर्मल लोग की दुनिया अलग है, हैंडीकैप लोग की दुनिया अलग है। नॉर्मल लोग के लिए 10% और सम अश्योर्ड, और हैंडीकैप स्पेसिफाइड डिजीज 15% और सम अश्योर्ड, ऐसे डिसाइड करना है। अरे ये अमाउंट लिमिट हुई, और उसको कंपेयर करो प्रीमियम कितना दे रहे हैं, और प्रीमियम ज्यादा दे रहे साल का, तो एनुअल प्रीमियम ज्यादा है मतलब बिग प्रीमियम हो जाता है। इधर अभी देखो जोरदार अमेंडमेंट आया है कि कई बार है ना अपना ये प्रीमियम है ना 10% और 15% की लिमिट से है ना कम ही आता है, लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा हो गया ना तो बिग होता है। 5 लाख फिक्स्ड है रूल, मतलब सी जैसे मान लो मैंने 10% के हिसाब से निकाला, जैसे मान लो मेरा सम अश्योर्ड है ना 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 10% कितना है? अरे 1 करोड़ का 10%, अरे 1 करोड़ मेरा सम अश्योर्ड है, सम अश्योर्ड उसका 10% कितना हो गया? 10 लाख। और मैं प्रीमियम खाली 6 लाख ही दे रहा हूँ, तो मतलब 10% से कम ही है ना, 10% तो 10 लाख है और प्रीमियम 6 लाख ही दे रहा हूँ, फिर भी बिग बोलेंगे। 5 लाख से ज्यादा हो गया आजकल बिग ही मानती गवर्नमेंट, ये नया अमेंडमेंट है। मतलब एक बार 5 लाख से ज्यादा कोई प्रीमियम भर रहा है साल का, फील कर, मैं एलआईसी प्रीमियम पूरे साल का 5 लाख से ज्यादा दे रहा हूं, तो बिग ही हो जाता है वो,
फिर बाद में भाड़ में गया है 10%, भाड़ में गया है 15%, फाइल एक्स क्रॉस हुआ तो इट इज ऑलवेज बिग। तो कोई बोले फिर सर इसका क्या काम है? हाँ इसका काम है ना, अगर फाइल एक्स से ज़्यादा नहीं हुआ तो इसकी चलेगी। जैसे मान लो मेरी पॉलिसी है ना, मान लो मेरी पॉलिसी 6 लाख की थी, तो 6 लाख का 10% 60,000 और मैं प्रीमियम दे रहा हूँ 62,000, तो बिग हो गया ना। 6 लाख का 10% 60,000 आ रहा हूँ, मैं 62 दे रहा हूँ तो भी बिग हो गया। इधर 10% से ज़्यादा बड़ा हुआ इसलिए बिग। अरे इन शॉर्ट आइदर और ये देखो, या तो ये परसेंटेज के हिसाब से बिग हो जाना चाहिए या फिर अमाउंट के हिसाब से बिग हो जाना चाहिए। जैसे इधर में कैसे बिग हुआ? परसेंटेज के सेंस में, परसेंटेज के हिसाब से मेरा बिग आ रहा था। देखो अमाउंट तो 4.5 लाख कुछ भी नहीं है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में जब कैलकुलेट किया इट वाज बिग। ये देखो ग्रेटर देन साइन था, लेकिन अभी रूल क्या हो गया है कि परसेंटेज टर्म्स में अगर कम भी आ रहा है, अगर अमाउंट अगर पूरे साल का 5 लाख से ज्यादा है तो वो बिग प्रीमियम हो जाता है। लेकिन पता है इसमें भी एक नाटक क्या है, 1 अप्रैल 23 या फिर बाद में अगर किसी ने पॉलिसी निकाला है तो मेरे को पता आज कौन सी तारीख है। आज है 15 फेब 2024, मतलब हम लोग ये डेट से आगे निकल चुके। तो बताओ ये डेट के आगे है ना, तो फाइल एक्स का रूल एप्लीकेबल है। तो मुझे बताओ आज अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता हूँ 7 करोड़ की है, तो 7 करोड़ के लिए रूल क्या है? 7 करोड़ की पॉलिसी है, पहले परसेंटेज वाला रूल कौन सा लगेगा? अरे आज पॉलिसी निकाला मतलब 2013 के तो बाद ही है ना, है ना। और मैं हैंडीकैप में नॉर्मल हूँ तो 10%, तो 7 करोड़ की पॉलिसी का पहले 10% निकालो। 7 करोड़ की पॉलिसी का 10% कितना आ रहा है? 7 लाख। तो और 7 लाख से ज़्यादा दिया तो बिग होता है ना, लेकिन मैं तो बोला मैं 6 लाख दिया तो भी बिग हो जाएगा। क्यों? 6 लाख इज बिगर देन 5 ना। मतलब इधर दो रूल है, या तो 10% से ज़्यादा हो या फिर 5 लाख से ज़्यादा हो, कुछ भी अगर बिग हो गया तो बिग प्रीमियम पॉलिसी हो जाएगा। और ये 10 ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 5 लाख का रूल आया कब से? 1 अप्रैल 23 से है ना, और 1 अप्रैल 23 इन दिनों में तो ये परसेंटेज की चल रही है। अरे ये सब परसेंटेज तो पुराने लोग के लिए है, पुरानी पॉलिसीज के लिए, और 5 लाख का रूल तो जो नई पॉलिसी निकाल रहे हैं उनके लिए। तो ऑब्वियसली नई पॉलिसी वालों का परसेंटेज क्या होगा? ये इन शॉर्ट बेस्ट क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में अगर 1 अप्रैल 23 के बाद का पॉलिसी दिया ना, 2 वर्किंग करना। पहले क्या करोगे? पहले पॉलिसी अमाउंट का 10% या 15% निकाल देना। नॉर्मल आदमी है तो 10%, हैंडीकैप स्पेसिफाइड डिजेबल वाला तो 15%, एक ये निकाल लेना। फिर उसके मुकाबले देखो प्रीमियम ज़्यादा है ना तो बिग प्रीमियम, और अगर परसेंटेज टर्म्स में कम भी आ रहा है लेकिन फिगर उसका 5 लाख के ऊपर है, कौन सा फिगर? प्रीमियम। जैसे मैंने ये बता दिया एनुअल प्रीमियम, ये प्रीमियम फिगर देखना होता है। जैसे ये कैसे 4,50,000 था, खैर ये वाला एग्जांपल तो 20% वाला है, मतलब ये बहुत ही पुरानी पॉलिसी है, और बहुत पुरानी मतलब पुरानी पॉलिसी के लिए तो 5 लाख का सिस्टम ही नहीं है। 5 लाख का सिस्टम किसके लिए निकला है? जिनकी पॉलिसी 1 अप्रैल 23 या फिर बाद में निकाली हुई है। ओके, तो एक्चुअली पता है इधर कितनी कैटेगरी होगी? 1, 2, 3 कैटेगरी हो गया, 3 डेट है ना। तो मुझे सबका बताओ, जिसका 1 अप्रैल 12 के पहले का पॉलिसी कैसे चेक करेंगे? सम अश्योर्ड का 20% निकालो और उसके सामने देखो प्रीमियम कितना है, कम है तो स्मॉल प्रीमियम, बिग है तो बिग प्रीमियम। इधर फाइल है इसका मचमच नहीं है। ओके, फिर बताओ अगर किसी ने इस बीच में पॉलिसी निकाली है तो सम अश्योर्ड का 10% निकालो। हैंडीकैप हैंडीकैप फर्क नहीं पड़ता, इधर देखो 10 ही है। सम अश्योर्ड का 10% निकाल लो एंड फिर उसके सामने देखो प्रीमियम कितना है, कम है तो स्मॉल प्रीमियम, बिग है तो बिग प्रीमियम। फिर ये पीरियड का पॉलिसी है, मतलब 23 के पहले, ये वाले पीरियड में, 23 के बाद नहीं,
थर्टीन और 23 के बीच में, तो क्या करोगे? नॉर्मल आदमी है तो 10%, हैंडीकैप हैंडीकैप है तो 15% ऑफ सम अश्योर्ड, फिर उससे प्रीमियम देखो, अगर कम है तो स्मॉल, बिग है तो बिग, बस। लेकिन इसके बाद है ना तो डबल चेकिंग करते हैं, परसेंटेज वाला भी चेक कर और अमाउंट भी चेक कर, या तो परसेंटेज 10% सम अश्योर्ड, 15% सम अश्योर्ड से ज्यादा प्रीमियम भर रहा है, या फिर उससे ज्यादा नहीं है तो फिगर उसका 5 लाख के ऊपर आ रहा है, कुछ भी हुआ ना तो क्या हो जाए, अरे बिग प्रीमियम बन जाता है। अरे तो करना क्या है? अरे बिग प्रीमियम पॉलिसी वालों, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स कितने पे? पूरे पे नहीं, डिफरेंस पे आता है, और TDS भी डिफरेंस का ही 5% कटता है। लेकिन TDS काटना है कि नहीं, वो डिसीजन डिफरेंस से लेते कि फुल अमाउंट से, फुल अमाउंट। ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख था ना, ये तो 194DA में थोड़ा किटपिट है। किटपिट तो पहले ही था, अभी एक नया किटपिट डाल दिया इन लोग ने, 5 लाख का रूल बना दिया है। मतलब 5 लाख से बड़ा प्रीमियम हुआ ना, बेस्ट बताओ क्वेश्चन है, 5 लाख से बड़ा प्रीमियम दिया ना तो परसेंटेज की मेहनत भी क्यों करना है? 5 लाख से ज़्यादा खत्म, बिग प्रीमियम। और कंक्लूजन क्या है? बिकॉज इट इज अ बिग प्रीमियम पॉलिसी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड टैक्स विल बी ऑन द डिफरेंस अमाउंट, एंड TDS विल ऑल्सो बी डिडक्टेड ऑन द डिफरेंस अमाउंट। ओके, बट ये सब मेच्योरिटी में, कोई आदमी मर जाता है ना तो दो बिग प्रीमियम, सिर्फ स्मॉल प्रीमियम कुछ नहीं होता है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। क्यों? मरने पे तो उसको मिला भी नहीं, घर वालों को मिला है, घर वालों के लिए टैक्स फ्री है। तो ये 194DA था, 194DA। ये देखो, अब इसके बाद है ना कुछ सेक्शंस बचे हैं, लेकिन वो अभी छेड़ना रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इसी यहां तक अपना हुआ है। एक समय बताता हूं, ये देखो अपने अदर सेक्शंस में ना, अभी 194DA किया था, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। अब क्या बचा अपना? IBMNPQR, ये 6 सेक्शन बचे, और ये 6 सेक्शन के बाद है ना कुछ जनरल नोट्स बची है। ये देखो, तो जनरल नोट्स और 6 सेक्शंस बचे हुए, फिर उसके बाद TCS बचा हुआ, TCS वो भी इसी फैमिली में आ जाता है, तो वो मैं सोच रहा हूँ मोस्टली का खत्म हो जाएगा। ओके, तो कल का मोटा मोटी एजेंडा क्या मालूम है? ये सेक्शंस में अपने जो 6 सेक्शंस बचे वो खत्म हो जाएंगे, फिर जनरल नोट्स खत्म हो जाएगा, फिर TCS भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी मोस्टली डन टुमारो, एंड लेट्स सी बाय चांस टाइम बचा तो कुछ और कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, ये सब जो मैंने पढ़ा है इसको रट डालो अच्छी तरह से। सी, मैं रिविजन लेक्चर भी ऐसा ले रहा हूँ ना, वो रिविजन वाला फीलिंग भी आएगा, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसका भी काम बन जाएगा इसमें। क्योंकि सी, कितने लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, तो कितने लोग तो क्या एकदम ब्लैंक भी होते हैं, तो ब्लैंक स्टूडेंट को भी माइंड में रखते हुए बोलता हूँ, और रिविजन वालों का भी माइंड में रखते बोलता हूँ। खैर, ऐसे TDS का टॉपिक नॉर्मल लेक्चर में कराने में 7-8 लेक्चर जाता है, लेकिन इधर तुम लोग का 2 लेक्चर में TDS TCS सब खत्म हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या, रिविजन वालों का भी सुकून हो गया, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको भी समझ जाएगा। बट जो भी है, तुम लोग साथ साथ रिवाइज करके पक्का करते जाओ। टू बी कंटिन्यू टुमारो।